हेलो महाराणा प्रताप कप 2022 सीजन ये तीसरा और दूसरा इस टूर्नामेंट का ये दिन दूसरा जो दिन आज के दिन सभी बी ग्रुप में मुकाबले आज खेले जाएंगे बी ग्रुप में चार टीमें समाविष्ट की गई है ओम साई इलेवन टाइगर इलेवन सीवीआई ने इलेवन और अम्बे लाइन्स इलेवन तो पहला जो मुकाबला खेला जाएगा ओम साई इलेवन और टाइगर इलेवन के बीच में जब टॉस हुआ और वो कहते हैं ना कि ताश के पत्तों में इक्का चलता है और क्रिकेट में सिक्का चलता है और जब सिक्का चला जो सिक्का उछला तो वो गिरा टाइगर इलेवन के पक्ष में और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो पहले फील्डिंग का निर्णय करेंगे सो न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट टाइगर इलेवन है टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्डिंग फर्स्ट उन्होंने आमंत्रित किया है ओमसाइन इलेवन को क्या पहले बल्लेबाजी कीजिए क्योंकि टाइगर इलेवन की टीम चेज करना पसंद करेगी तो कुछ ही देर में यहाँ से पहला मुकाबला ग्रुप बी का आज शुरू होगा और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो दाताओं की यहाँ पे जो दाताओं का योगदान मिला है उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे भूतसर चौरा राजपूत समाज और कोचवाड़ा सेगवा ग्रुप इन सभी दाताओं का धन्यवाद शुक्रिया अदा करता है तो इस जो दाताओं की मुख्य दाता की जो यादी है यहाँ पे हमारे पास जो मिली है उसमें मेते सिंह परमार सेगवा के सरपंच श्री पच्चीस हजार का योगदान उनके द्वारा दिया गया है मीनाबेन संजय सिंह ठाकुर तालुका पंचायत सभ्यश्री पच्चीस हजार का योगदान उनके द्वारा मिला है श्री अरविंद भाई पटेल धारा सभ्यश्री उनके द्वारा इक्कीस हजार का योगदान इस टूर्नामेंट को दिया गया है ऋषिराज सिंह ठाकुर कोचवाड़ा उनके द्वारा पंद्रह हजार का योगदान मिला है अरुण सिंह चावड़ा वलसाड़ उनके द्वारा ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह का योगदान किशन सिंह परमार सेलवास उनके द्वारा ग्यारह हजार का योगदान प्राप्त हुआ है कमलेश सिंह ठाकुर प्रमुख श्री वलसाड़ तालुका पंचायत उनके द्वारा ग्यारह हजार का यहाँ पे योगदान मिला है भिखूभाई मगन भाई ठाकुर सेगवा उनके द्वारा दस हज़ार का योगदान प्राप्त हुआ है दलपत सिंह ठाकुर प्रमुख श्री भूतसर चौरा पाँच हजार का योगदान उनके द्वारा प्राप्त हुआ है कल्पनाबेन पटेल जिला पंचायत सभ्य श्री पाँच हजार का योगदान उनके द्वारा मिला विनोद भाई आहिर पीठा सरपंच श्री पाँच हज़ार का योगदान उनके द्वारा हासिल हुआ है भरत सिंह परमार बारसोल पाँच हज़ार का योगदान उन्होंने दिया है उसके अलावा सुलेमान शेख सेगवा सरपंच पांच हजार का योगदान उनके द्वारा मिला है भूतसर क्रिकेट टीम उनके द्वारा पच्चीस सौ रुपये का अनुदान यहाँ पे प्राप्त हुआ है सागर सिंह परमार भूतसर दो हजार रुपये उनके द्वारा मिले हैं रिद्धि सिद्धि बंगलोस चिराग सिंह राठौड़ पांच हजार का योगदान उनका रहा है धर्मपुर राजपूत समाज के द्वारा पच्चीस सौ रुपये का योगदान प्राप्त हुआ है रत्न सिंह रावत भूतसर उनके द्वारा ग्यारह सौ रुपये का योगदान योगेश सिंह सोलंकी भूतसर दो हज़ार रुपये उनके द्वारा प्राप्त हुए है भाई आहिर बड़ियादेव रेसिडेंसी कोचवाड़ा पच्चीस सौ रुपये का योगदान उन्होंने दिया है और दिव्य सिंह ठाकुर मल्ला उनके द्वारा पंद्रह सौ रुपये का यहाँ पे योगदान दिया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल दैट ऑनर्स

और मुख्य दाता दाताश्री का जो लिस्ट है उसमें एक और योगदान प्राप्त हुआ है भाई कॉन्ट्रैक्टर बलसाड उनके द्वारा 11 का योगदान इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए और कोचवाड़ा सेवा ग्रुप को वो अनुदान ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह का कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्राप्त हुआ है धन्यवाद सभी का सभी दाताश्रियों का और जो भी मुकाबले आज हो जो भी मैचेस हो उनमें सभी कप्तान से हम विनती करेंगे कि आपकी टीम का जो अतिरिक्त प्लेयर होगा जो भी जो भी अतिरिक्त प्लेयर आपकी टीम का होगा तो सभी खिलाड़ियों की जान पहचान करवा पाए तो उनको यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में बैठना स्कोरर के साथ उनको रहना वो कंपलसरी है तो दोनों जो भी मैचेस हो सभी कप्तान से वो हम अनुरोध करेंगे विनती करेंगे कि अपना एक्स्ट्रा प्लेयर मैच शुरू होने से पहले जैसे ही टॉस होता है तो यहाँ पे आप उनको भेज दीजिए प्लीज और वो क्रिकेट एक समय का क्रिकेट में एक समय का नियम भी होता है कि जो सभी जो इनिंग एक अपने निर्धारित समय के ऊपर उसको उसको खत्म करना होता है तो 40 मिनट के अंदर एक इनिंग मतलब आठ ओवर खत्म होनी चाहिए महाराणा प्रताप कप 2022 तीसरा ये सीजन स्वागत है इस डिजर्ट सीए कलवाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर तीन दिनों का ये क्रिकेट का महामुकाबला यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कल बेहतरीन प्रदर्शन हमें देखने को मिला जिमी दरबार अंकित राठौड़ करण सिंह और राजवीर सिंह ऐसे अच्छे अच्छे बहुत ही बड़े क्रिकेटर हमें कल देखने को मिले आज हमें शैलिन दरबार नज़र आएंगे मयूर सिंह राठौड़ नज़र आएंगे धर्म सिंह राठौड़ पुष्पराज सिंह ये ऐसे बड़े बड़े दिग्गज राजपूत समाज के आज खेलेंगे ग्रुप बी के सभी मुकाबले आज यहाँ पे खेले जाएंगे तो स्वागत है आप सभी का और इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप स्माइल चैनल फॉर यू के ऊपर आप अपने मोबाइल सेट में कहीं भी हो वहां से इस टूर्नामेंट का सभी लाइव एक्शन अपने मोबाइल सेट के ऊपर इसका मजा आप उठा पाएंगे तो कुछ ही देर में अब यहाँ से पहला मुकाबला शुरू होगा ओम साई और टाइगर इलेवन के बीच में ग्रुप बी का पहला मुकाबला होगा जो टॉस हो चुका है तो जब टॉस हुआ तो टॉस जीता टाइगर इलेवन के कप्तान ने और उन्होंने पहले फैसला किया है कि वो फील्डिंग का निर्णय किया है उन्होंने तो पहले टॉस हुआ सो टाइगर इलेवन वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्डिंग फर्स्ट तो कुछ ही देर में यहां से लाइव एक्शन इस महाराणा प्रताप कप 2022 सीजन तीसरा जिसका दूसरा दिन ग्रुप बी के मुकाबले और पहला मुकाबला जल्द ही आपके सामने शुरू होगा थैंक यू फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेजे हीरक भाई से गुजारिश करता हूं कि प्लीज अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में यहां पर हेमराज सोलंकी और अंकित बाला की जोड़ी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में पहले गेंदबाजी का बार विशाल सिंह डूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे निर्डारी डांडोर का मुकाबला रहेगा पहले मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा इस मैच के मुख्य अंपायर की भूमिका में अर्जुन टंडेलिया यहां पर इशारा हो चुका है लेट्स प्ले डे टू का पहला मुकाबला पहली गेंद रिवर्स अटैम्प्ट करने की कोशिश वेरी फर्स्ट गेंद के ऊपर रिवर्स अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी वहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी विशाल सिंह की बात करें तो बहुत ही लंबा अनुभव है और खूबसूरत गेंदबाज के रूप में माने जाते हैं एक बार फिर से गेंद हवा में ये कैच खूबसूरत कैच पहला जेट का यहां पर बिना कोई खाटा खोले पेवेलियन हेमराज सिंह सोलंकी जो कि बिना कोई खाटा खोले गोल्डन डक पर आउट वनडाउन बल्लेबाज के रूप में तुषार का आगमन हुआ है इसे वनडाउन बल्लेबाज जो कि टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाज माने जाते हैं टाइगर 11 के कप्तान मयूर जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया था एक बिल्कुल सही सही काफी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी इस बार फुल टॉस गेंद थी हल्कियाटो से खेल दिया हैमिडॉन के ऊपर खिलाड़ी देनाट रन की कोई गुंजाइश नहीं काफी अच्छी गेंदबाजी उस गेंद वैसे कमजोर कड़ी मानी जाती है लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए वहां पर तुषार इस बार पुल कर दिया है गेंद हवा में देख रहा वहां पर रहे है। ये दूसरा झटका दूसरा झटका ओम साई धर्मपुर को लगने वाला है दूसरा झटका टूसार आउट होकर पेवेलियन काफी नाजुक का शुरुआत यहाँ पर ओम साई धर्मपुर की ओर से अभी तक कोई भी रन नहीं बना है और रोज गए है काबिल गेंदबाजी विशाल सिंह के द्वारा नए बल्लेबाज के रूप में मेहुल ठाकुर द लोकल बॉय मेहुल ठाकुर हाँ सच वंडरफुल बॉलिंग फ्रॉम विशाल सिंह काफी अच्छी कहने और एक बार फिर से हल्की सी आउटन सफल गेंदबाजी ये इस टूर्नामेंट का पहला ओवर विशाल सिंह काफी अच्छी गेंदबाजी काफी अच्छी शुरुआत यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही सही साबित हुआ विशाल सिंह जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी के बाद खुद कप्तान मयूर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए काफी अच्छी शुरुआत दोनों टीम के कप्तान ध्यान दे आपको 40 मिनट में एक इनिंग खत्म करनी है तो प्लीज वक्त का ख्याल करें बार में क्या एक तीसरा झटका ओम साई डरमपुर को लगने वाला ये तीसरा झटका विशाल सिंह थे फील्डर मिडॉन के ऊपर कोई गलती नहीं की क्या शुरुआत है टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया था एकदम सही सही साबित हो रहा है अभी तक टीम का खाटा नहीं खुला है और तीन झटके नए बल्लेबाज के रूप में कृणाल का आगमन हुआ है और इस बार खूबसूरत तो स्ट्रोक पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ शुरुआत है कृणाल के बल्ले से निकलने वाला है पहला चौका ओम साई धर्मपुर की ओर से निकलने वाला ये पहला चौका और इन चार रनों के साथ ओम साई इलेवन जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की कृणाल राणा जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की इस बार छोर बदला है राइट हम राउंड गेंदबाजी करेंगे मयूर और इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया है देखना वहां पर काफी अच्छी फील्डिंग है दूसरे की मांग की है और हल्का हल्का सा फंबल, हल्का सा फंबल फंबल चुरा लिया इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ छह रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर खूबसूरत गेंदबाजी हल्की सी स्विंग गेंदबाजी करने की कोशिश है काफी अच्छी गेंदबाजी मयूर के द्वारा स्कोर रुका हुआ छह रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर काफी अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर टाइगर इलेवन के द्वारा से बटके वाइड करार अंपायर जीटू पटेल का इशारा वाइड इन अटेल रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सात रन बार बल्ले का बाहर रुने किनारा देखना वहाँ पर अट्ठारमैन के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे एक रन से नहीं रोक सके इन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आठ रन पारी का ये दूसरा ओवर जारी है काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी यहाँ पर टाइगर इलेवन के द्वारा और इस बार हल्के तो से फ्लिक्स शॉट जिसको कहा जाना चाहिए डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी तैनात पहला रन काफी तेजी से सिर्फ सिंगल सिर्फ सिंगल ओवर की समाप्ति हुई दो ओवर की समाप्ति स्कोर है नौ रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर साई धर्मपुर कोचवाड़ा सेगवा ग्रुप आयोजित महाराणा प्र, प्रताप कप सीजन थ्री डे टू का ये पहला मुकाबला जारी है चोरा राजपूत समाज आयोजित राजपूत युवा एकता संघ कोचवाड़ा सेगवा ग्रुप आयोजित महाराणा प्रताप कप सीजन थ्री का आगाज हो चुका है कल जो कि दो टीमें क्वालिफाई हुई थी भव्य स्ट्राइकर्स और जे इलेवन जे इलेवन जो कि अपने पहले पायदान के ऊपर ग्रुप ए में पहुंच चुकी है दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन जस परमार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे मेहुल ठाकुर पहली गेंद घटी परिवर्तन करने की कोशिश हल्के हाथों से खेल दिया है शॉटिश एक्स्ट्रा ओवर की निशा में जनक रावत थे फील्डर जब तक फील्ड करे तब तक एक रन चुरा लिया इन एक रन के साथ स्कोर डबल अंकों में पहुंचता वह दस रन पारी का ये तीसरा ओवर जारी काफी अच्छी नियंत्रित गेंदबाजी मानी जाएगी यहाँ पर टाइगर इलेवन के द्वारा कप्तान मयूर राठौड़ तो जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और इस बार गेंद हवा में फील्डर देखना वहां पर एक बेहतरीन ड्राइविंग कैच वहां पर आज का ये सबसे अच्छा कैच रहेगा मयूर राठौड़ थे मेरे ख्याल से वहां पर नए बल्लेबाज के रूप में केवराज स्कोर है दस रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर काफी नाजुक शुरुआत मानी जाएगी ओम साई इलेवन के द्वारा और इस बार कुछ आवाज जरूर आई थी लगातार डोके डो के ऊपर डोसा से पलटा लगने वाला ये पांचवा झटका नए बल्लेबाज के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत ऑलराउंडर माने जाते हैं धर्म सिंह राठौड़ पूरा डारोमडार यहां पर धर्म सिंह के ऊपर रहेगा कि वो जानते हैं कि तक बैटिंग करेंगे तो कम से कम सत्तर अस्सी रन भी बना सकते हैं स्कोर है दस रन पांच विकेट के नुकसान के ऊपर जस के लिए ये गेंद गोल्डन गेंद अपने हैट्रिक की ओर ये गेंद गोल्डन गेंद हो सकती है हल्का सा प्रेशर बनाने की कोशिश वहां पर एक स्लिप तैनात कर दी गई है स्लिप डॉफ के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात कर दिया गया है दबाव बनाने की कोशिश यहां पर विकेट के पीछे हीरक सोलंकी एक स्टम्प के पीछे खड़े हैं गोल्डन गेंद हल्के आटों से खेल दिया है ठीक है बॉलर के ऊपर से देखना वहाँ पर पहला रन काफ़ी तेजी से मयूर से फील्डर एक रन के साथ यहाँ पर धर्म जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की स्कोर बढ़ता हुआ ग्यारह रन पांच विकेट के नुकसान के ऊपर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी यहाँ पर टाइगर इलेवन के द्वारा इस बार पल्टी स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी वहां पर जोरदार अपील जरूर हुई थी है ग्यारह रन पांच विकेट के नुकसान के ऊपर काफी अच्छी गेंदबाजी मानी यहाँ पर जाएगी के द्वारा इस बार कटमों मौका इस्तेमाल करके खेल दिया है से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जनक रावत है फील्डर काफी अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो एक सक्सेसफुल ओवर की समाप्ति हुई तीन ओवर की समाप्ति स्कोर है ग्यारह रन पांच विकेट के नुकसान के ऊपर इस टूर्नामेंट को सजाने संवारने के लिए जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं संजय सिंह पाठ सिंह दिलीप सिंह मिटेश ऋषिराज सिंह सिंह अमित सिंह और वीरेंद्र सिंह दरबार उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है मयूर राठौड़ एक बार फिर से अपने का दूसरा अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अपने पहले ओवर में नौ रन खर्च करके एक सफलता हासिल की थी स्ट्राइक के ऊपर धर्म सिंह धर्म सिंह राठौड़ एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज और और इस बार देख क्लीन बोल बड़ी सफलटा लगने वाला ये छठा झटका ओम सा इलेवन यहां पर पारी लड़खड़ाती हुई छह झटके बोर्ड पर स्कोर है महस ग्यारह रन नए बल्लेबाज के रूप में जिगर दरबार स्कोर है ग्यारह रन छह विकेट के नुकसान के ऊपर छ जो कि पेवेलियन लौट चुके हैं खूबसूरत गेंदबाजी हल्के आठों से खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे सिर्फ सिंगल एक रन के साथ यहां पर जिगर जिन्होंने अपना कहा उनकी शुरुआत की स्कोर बढ़ता हुआ बारह रन मयूर जो कि अपने पहले ओवर में पहली गेंद के ऊपर एक सफलता हासिल की थी अब जब दूसरी दूसरी ओवर लेकर आए पहली गेंद के ऊपर भी सफलता मतलब काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी, दोनों ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल कर ली। और इस बार लीबार खेल दिया है देखना वहां पर हल्का सा फंबल गेंद जा रही है सी का पार अंपायर का इशारा चार रन अभी देर के बाद यहां पर चौका देखने को मिला इन चार रनों के साथ स्कोर सोलह रन छह विकेट के नुकसान के ऊपर कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहठ थे लेकिन गेंद कहीं बल्ला कहीं बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया पारी का चौथा ओवर जारी है स्कोर है सोलह रन एक लंबे पार्टनरशिप की जरूरत यहां पर इलेवन को और इस बार गेंद हवा में लेकिन नोमैन लैंड रन से संतुष्ट करना होगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रहती लेकिन नो मैं कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहां पर स्कोर है सत्रह रन छह विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर जारी काफी अच्छी गेंदबाजी टाइगर इलेवन के द्वारा कप्तान काफी खुश रहेंगे इस बार कड़क का आज के दिन का यह पहला छक्का अंपायर का इशारा अब आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राजेश आचार्य से शुक्रिया धन्यवाद जीतू भाई आपका अगर देखा जाए ना तो इस डिजर्ट सीए क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एवरेज स्कोर पहली पारी का आठ ओवर में वैसे तो एटी सिक्स है एवरेज स्कोर अमूमन यहाँ पे एटी सिक्स एटी फाइव होता है लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है ना मानना पड़ेगा टॉस जीता टाइगर इलेवन ने पहले फील्डिंग का बिल्कुल सही फैसला शून्य के स्कोर के ऊपर तीन विकेटें गवा चुकी थी और जैसे तैसे करके दस रन तक पहुंची थी वहाँ पे आधी टीम डगआउट में जा चुकी थी तो मुसीबत यहाँ पे काफ़ी खड़ी हो चुकी है अगर देखा जाए ओम साई इलेवन के लिए सुबह में थोड़ी नमी थी तो ये ग्रास वाला विकेट होता है ना मिट्टी का विकेट वो लेदर बॉल हो या फिर टेनिस वो मदद आपको थोड़ी सुबह में ज़रूर मिलती है गेंद थोड़ी फंस के आती है और वही मसला रहा है अब तक जो विकटों का सिलसिला रहा है इस बार क्रॉस बैटर थोड़ा शॉर्ट खेलने का प्रयास था 23 पहला हाफ समाप्त हुआ चार ओवर वहां पे मात्र 23 एक उम्मीद जगाई है पिछले ओवर में एक मैक्सिमम लगा के जिगर दरबार ने और पूरी उम्मीद है अब टीम की उनसे टिकी हुई है अपील है वहां पे कॉट बिहाइंड की लेकिन वहां पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं अंपायर के द्वारा विशाल सिंह एक और बेहतरीन क्रिकेटर जिनके ऊपर नजरे रहेगी आज के दिन और पहले ही मुकाबले में आज बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी का प्रदर्शन दो विकेट अब तक वो निकाल चुके हैं मेडन रहा था पहला ओवर इस बार खेलने का प्रयास उतने कंफर्टेबल नजर नहीं आए और वहां पे फील्डर को दूर निकाला मिड विकेट की दिशा में छोटी पटकी हुई गेंद थी थोड़ा वेट ट्रांसफर करके खेलने का प्रयास लेकिन वो जो बल्ले का स्टिकर होता है ना वहां पे गेंद लगी और एक और झटका सातवां विकेट यहाँ पे गिरता हुआ साई इलेवन का यहाँ पे सातवां विकेट गिरता हुआ ओम साई इलेवन का ट्वेंटी थ्री तेईस के स्कोर के ऊपर और विशाल सिंह नौ गेंदे अब तक डाल चुके हैं एक भी रन उन्होंने खर्च नहीं किया ये कंट्रोल गेंदबाजी होती है कल हम देख रहे थे रनों की बारिश हो रही थी 85 86 रन आसानी से बंद रहे थे लेकिन आज ऐसा लगा कि कल एक अलग विकेट था वैसे पिच थोड़ा अलग है आज वो सेंटर वाला कल विकेट था आज ये पहला जो विकेट है उसके ऊपर क्रिकेट खेला जा रहा है तो विकेट का ये थोड़ा प्रभाव मुझे लग रहा है और अलग तरीके से आज क्रिकेट हो रहा है ग्राउंड का अगर डायमेंशन आप देखोगे तो अमूमन बैटिंग ओरिएंटेड ये ग्राउंड माना जाता है और बड़े से बड़ा टारगेट भी यहाँ पे चेजेबल होता है लेकिन सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी अपने ऊपर गेंदबाजों का जो भरोसा होता है ना वो यहाँ पे काम कर रहा है इस बार हल्के यादव से खेलने का प्रयास कॉट बिहाइंड की अपील है वहां पे सफल किया था डॉपस्टम के बाहर अपील थोड़ी ज्यादा विश्वास है उसमें लेकिन कोई वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं अंपायर के द्वारा अच्छी अंपायरिंग का प्रदर्शन अब तक बीडीसीए के हाईली क्वालिफाइड अंपायर मिस्टर अर्जुन टंडेल सर उनके साथ स्क्वेरलेग अंपायर मिस्टर जीतू भाई तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मानना पड़ेगा ऑप्शन के बाहर थोड़ी सी वहां पे उंगलियां घुमाई थी पढ़ने के बाद अतिरिक्त उछाल भी मिला था और वो विकेट के ऊपर टर्न भी देखने को मिला तो जो गेंदबाज उंगलियां घुमाते हैं उनके लिए ये एक अच्छा साइन है कि विकेट में घुमाव है और इस ओवर की आखिरी गेंद रन कोई भी आया नहीं हल्के हाथों से और ये इतिहास में अगर आप देखोगे ना तो ये एक ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं जो लगातार जिन्होंने दो मेडन ओवर डाले हैं इसी समाज का एक और गेंदबाज है योगेंद्र दरबार जिन्होंने फड़वेल में ये कारनामा किया था लगातार दो उन्होंने मेडन ओवर डाले थे उसके अलावा नाजिम गुल्ली जो वन ऑफ द लेजेंडरी फास्ट बॉलर और स्विंग के सुल्तान टेनिस में माने जाते हैं उनके नाम ये रिकॉर्ड है तो अब इस सूची में इस लिस्ट में एक और नाम दर्ज कर लीजिए जब दिन की शुरुआत हुई थी तब मैंने कहा था कि ये जो गेंदबाज है इसके ऊपर नजरें रहेगी विशाल सिंह के ऊपर और वो कारनामा उन्होंने किया है वो कहते हैं ना आपका नाम बड़ा बड़ा या छोटा नहीं होता आपकी कहानी बड़ी होनी चाहिए तो वो कहानी बड़ी यहाँ पे बनाई है विशाल सिंह ने दो ओवर दोनों मेडन तीन विकेट उनके नाम क्या गेंदबाजी है मानना पड़ेगा ग्राउंड वही है टूर्नामेंट भी वही है उसी समाज के क्रिकेटर खेल रहे हैं लेकिन आज एक हाई क्वालिटी गेंदबाजी हो रही है हाई क्वालिटी गेंदबाजी यहां पे लग रही है और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन मानना पड़ेगा तो अब पांच ओवर की समाप्ति के बाद 23 थ्री तेईस रन स्कोर अभी भी वहीं रुका है चौथी ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर मैक्सिमम आया था फिर उसके बाद स्कोरर को ज्यादा परेशानी हुई नहीं है ऑफ के बाहर जाने दिया विकेट कीपर के, के लिए व्हाइट की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन वो बिल्कुल एज के ऊपर गेंद थी बिल्कुल जो व्हाइट लाइन का एज होता है ना वहां से गेंद निकल गई लेकिन इस गेंदबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा रिवर्स अटैम्प किया है यहाँ पे कुछ नया करने का प्रयास ये लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि आप देखोगे ना बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर पॉइंट कवर और पीछे थर्डमैन वो आर सर्कल के अंदर है और गैप है वहां पे बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में तो वहां से अगर आपको किनारा भी लगेगा ना तो आप चौका प्राप्त कर सकते हैं सोच सही थी एग्जीक्यूट भले वो प्लान हुआ नहीं प्रीतेश गोहिल, इस बार शॉट, बिल्कुल अलोंग द ग्राउंड जमीन के समान अंदर फील्डर मौजूद है डीप में रन मात्र एक ही मिलेगा 24 24 चौबीस रन इस सिंगल की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ फील्डिंग में पीछे शॉर्ट मैन है बैकवर्ड पॉइंट है अब मिड ऑफ का फील्डर वाइड इस मिड ऑफ के रूप में बाउंड्री लाइन के ऊपर एक्स्ट्रा कवर का फील्डर आर सर्कल में यह बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन थोड़ा सा घुमाव मूवमेंट देखने को मिला अच्छी गेंदबाजी अच्छे टप्पे के ऊपर और अमूमन जो कॉरिडोर होता है वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी वहां पे गेंदबाजी ज्यादा हुई है उसका रिवॉर्ड मिला है इस बार ऊपरी किनारा गेंद फलक में बल्लेबाज की जान हलक में मयूर राठौड़ वो गलती नहीं करेंगे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर वो गलती करते नहीं और यहां पे एक और झटका परेशानी यहां पे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है आठवां विकेट चौबीस के ऊपर चेतन परमार अब नए बल्लेबाज के रूप में अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा और अच्छी तरीके से रोटेट किया है वैसे चेतन परमार अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं पिछली पांच पारियों में सात विकेट उन्होंने चटकाए है, है लेकिन अब यहां से थोड़ी बल्लेबाजी में अपना हुनर दिखाना पड़ेगा प्रीतेश गोहिल वैसे तो अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हैं 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है 208 का लेकिन आज गेंदबाजी से कमाल कर रहे हैं हल्के हाथों से खेला है जेंटली पुश पे फील्डर मौजूद है और बहुत ही बढ़िया आक्रामक फील्डिंग यहां पे लगाई गई है तो इसी बीच ओवर की समाप्ति छह ओवर की समाप्ति ट्वेंटी फोर चौबीस रन आठ विकेट के नुकसान पे प्रीतेश गोहिल का यह सफल ओवर हुआ समाप्त दो विकेट जस परमार के नाम रहे हैं मयूर राठौड़ कप्तान जिनके हाथ दो विकेट लगे हैं और विशाल सिंह तीन विकेट और आज कई हमें बड़े नाम बड़े क्रिकेटर देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर सबकी नज़रें होगी जैसे शैलिन दरबार है धर्म सिंह राठौड़ मयूर राठौड़ जो खेल रहे हैं पुष्पराज सिंह उसके अलावा विशाल सिंह इनका गेंदबाजी का हुनर हम देख चुके हैं दो ओवर एक भी रन खर्च नहीं किया तीन विकेट उसके अलावा हीराक सिंह जो कप्तान है टाइगर इलेवन के उसके अलावा अंकित बाला आज अपना कुछ जलवा वो दिखा नहीं पाए लेकिन पोटेंशियल है उनके पास जनक सिंह है जिनको भीष्म पितामा कहा जाता है धर्मपुर इलाके में जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की थी उसके अलावा राइजिंग क्रिकेटर भी देखने को मिल में जैसे पार्थिव परमार है शॉट बेहतर है कनेक्शन अच्छा है और मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में से उसे मैक्सिमम यहां पे जड़ा है एक ऐसा बल्लेबाज नजर आया है जो लड़ रहा है जो अपनी टीम के लिए कुछ स्कोर कुछ रन अर्जित कर रहा है ये इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन ये अमूमन अच्छी लाइन और लेंथ मानी जाती है बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखना वो जो रिटर्न क्रीज वाइड लाइन के बीच में जब भी बल्लेबाज सफल करता है तो वहां पे गेंद डालना एक अपने आप में एक सटीक गेंदबाज की निशानी होती है लेकिन एक अच्छी लड़त यहाँ पे दिखाई दे रही है जिगर दरबार के द्वारा आखिरी बची जो दस गेंद अभी बाकी है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे रहेंगे तो एक थोड़ा डिफेंडिंग टारगेट मिल सकता है बड़ा शॉट खेलने का प्रयास ऊपरी किनारा फील्डर उसके नीचे इंटरेस्टेड रहेंगे और नौवा विकेट यहां पे गिरा आखिरी उम्मीद आखिरी उम्मीद की किरण थी उसको भी वापिस भेज दिया डगआउट में एक और यहां पे नौवा झटका लगता हुआ थोड़ा सा रन गति बढ़ाने थोड़ा सा रन गति यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया गया था लेकिन तुरंत उसके बाद विकेट आया है और वो जिगर परमार का वो विकेट था तो नौवा झटका तीस के ऊपर इस बार थोड़ा सफल किया था फ्रंट फुट आगे निकाल के खेलने का प्रयास लेकिन उनका जो सिर और वो जो गेंद की लाइन थी ना वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी जस परमार अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा तीन विकेट उनको भी मिले हैं अच्छी गेंद ये उठेगी इस विकेट के ऊपर ये खासियत है अगर आप आप हार्ड लेन थोड़ा डालोगे वो जो डैक हिट अगर आप करना जानते हैं ना तो इस विकेट में आपको वो गेंद उठेगी उसमें आपको उछाल मिलेगा अतिरिक्त उछाल है ये बहुत ही बढ़िया स्पोर्टिंग विकेट है वो ग्रास है तो थोड़ा टेनिस में वो गति कम होती है उसके ऊपर जब गेंद गिरती है तो इस बार सीधे बल्ले से सामने की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद है लॉन्ग ऑन के ऊपर रन मात्र एक ही प्राप्त होगा थर्टी वन इकतीस सिंगल की मदद से तो सात ओवर की समाप्ति इकतीस रन ओम साइलेवन नौ विकेट के नुकसान पे टाइगर इलेवन टॉस जीता फील्डिंग का पहले उन्होंने फैसला किया और बिल्कुल उस फैसलों फैसले को जो हीराग सिंह कप्तान उनके गेंदबाजों ने सही साबित करके दिखाया कि आपने पहले गेंदबाजी की है का निर्णय किया है तो जिम्मेवारी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कम स्कोर के वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए और वो जो शुरुआती झटके यहाँ पे दिए गए पहले ही विशाल सिंह और मयूर राठौड़ के द्वारा वहाँ से टीम बिल्कुल उभर नहीं पाई और जो पिक्चर अभी हमारे सामने यहाँ पे है इकतीस रन नौ विकेट के नुकसान पे जहाँ पे कल हमने रनों की बारिश देखी थी पहले मुकाबले में जहाँ पे 86 रन बने थे साढ़े पाँच ओवर में वो टारगेट समाप्त हुआ था दूसरी मैच में भी ऐसा ही कुछ हुआ था तो कल पूरी तरीके से बैटिंग ओरिएंटेड दे रहा था लेकिन आज गेंदबाजों को शायद मदद ज़्यादा मिलेगी ऐसा लग रहा है लेकिन मानना पड़ेगा हाई क्वालिटी गेंदबाजी बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बैकफुट के ऊपर शुरुआत से ही धकेला अब प्रीतेश गोहिल पहले ओवर में एक रन और एक विकेट उनके नाम रहा था बैकफुट पे गए थोड़ी गेंद में उछाल था तो कलाइयों के सहारे मोड़ा लॉन्ग ऑन के ऊपर और एक रन प्राप्त किया आसानी से एक रन की मदद से 32 रन 32 इस ओवर के बाद जो दूसरा आज के दिन का जो मुकाबला होगा उसका टॉस किया जाएगा शिवियाना इलेवन और अम्बे लायंस इलेवन के बीच में ऑप्शन के बाहर थोड़ा सा रूम था लेकिन जल्दी शॉट को खेल गए और थोड़ी सी मिसफील और एक वेलकम बाउंड्री यहां पे मिलती हुई छत्तीस रन इस चौके की मदद से इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास अच्छी गेंद थी ये स्लॉग स्विप खेलने का प्रयास वहाँ पे किया गया था लेकिन थोड़ी गति कम थी और इस गेंदबाजी में एक खासियत नजर आई है अगर आप देखोगे ना सभी दस विकेट नौ विकेट जो गिरी अगर पीछे जाके देखोगे ना तो वो टप्पा वो जो रहा ना वो बिल्कुल सही था इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन फिर से वही जो उछाल वो जो हार्ड लेंथ होती है ना वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी वो गुड लेंथ वाला एरिया वहां से गेंद में उछाल प्राप्त कर रहे हैं कल जो पिच था सेंटर वाला वो थोड़ा अलग था वहां पे थोड़े पैचिस थे ये बढ़िया विकेट है आज का इस बार पढ़ने के बाद थोड़ा बाहर की ओर निकाली ये भी इनके पास ये कलाबाजी है ये गेंदबाज उछाल भी प्राप्त करना जानता है सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करके उसे बाहर भी निकालना जानता है ये सब वेरिएशन आप में होना चाहिए उसका प्रदर्शन किया है इस पारी में सभी गेंदबाजों ने इस बार हवा में है फील्डर मायूर इंटरेस्टेड और गलती नहीं करेंगे तो यहां से पूरी टीम को धराशाई किया है पूरी टीम को यहां से ऑल आउट कर दिया है छत्तीस छत्तीस रनों के ऊपर अगर देखा जाए तो पूरी टीम को यहाँ पे ऑल आउट कर दिया है टॉस जीता था वैसे अगर देखा जाए तो टाइगर इलेवन के कप्तान हिराग सिंह ने और पहले फील्डिंग का उन्होंने फैसला किया लेकिन वो जो फैसला था ना उनके लिए सही साबित हुआ लेकिन ओम साई इलेवन के लिए बल्लेबाजी करना पहले वो थोड़ा गलत साबित हो गया और छत्तीस के ऊपर पूरी टीम को धरासाई कर दिया अगला मुकाबला उसका टॉस होगा पहले अम्बे लाइन्स इलेवन और सीवीएन इलेवन के बीच में तो इस पारी में अगर लेखा जोखा देखा जाए ना पूरी तरीके से बॉलिंग ओरिएंटेड ये मैच रहा है गेंदबाजों का दबदबा रहा है और तीन विकेट विशाल सिंह ने अपने नाम किए और एक रिकॉर्ड कायम किया कि दो ओवर दोनों मेडन डाले विपरीत परिस्थितियां थी पहला मैच अमूमन आसान होता नहीं सुबह की नमी में खेलना लेकिन वो कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ खिलाड़ी टूट जाते हैं कुछ लोग टूट जाते हैं लेकिन कुछ रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं तमाम तो ने विनती करी इसके प्रैक्टिस साइड पर कर जो विकेट नहीं तो हम जो पहली पारी का यहां पे लेखा जोखा देख रहे थे विशाल सिंह दोर दोनों मेडन और तीन विकेट के मयूर राठौड़ दोर में 21 रन दो विकेट उनके नाम रहे उनके अलावा जस परमार दो ओवर नौ रन उन्होंने खर्च किए और तीन विकेट उनके नाम रहे और प्रीतेश गोहिल दो ओवर छः रन दो विकेट और बल्लेबाजी में जिगर दरबार एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो डबल डिजिट में पहुंच पाए उसके अलावा ऐसा कोई भी बल्लेबाज नजर नहीं आया जिन्होंने डबल डिजिट में अपना स्कोर पहुंचाया हो तो इस प्रकार से पहला मैच दूसरा दिन महाराणा प्रताप कप डीजेट सी क्रिकेट ग्राउंड कलवाड़ा का खूबसूरत ये मैदान विकेट थोड़ा आज अलग है टी सेवन का टारगेट अब यहां पे सेट किया गया है तो दूसरी पारी में कहानी क्या होगी उसका आंखों देखा हाल जल्द ही आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पा रहे हैं स्माइल चैनल फॉर यू वलसाड़ की ओर से जिनके फ्रेंड जिसके ऑनर है मिस्टर आनंद भाई पटेल और श्री बुधसर चौरा राजपूत समाज और राजपूत युवा उत्कर्ष संघ वलसाड़ कोचवाड़ा सेगवा ग्रुप के द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप कप सीजन तीसरा जो डिजर्ट सी है क्रिकेट ग्राउंड कलवाड़ा के ऊपर तीन दिनों तक ये क्रिकेट का महामुकाबला चलेगा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए इस टूर्नामेंट में जिस ऑर्गेनाइजर ने आयोजककर्ता ने अपनी जो मेहनत की है तो उनसे आपको हम रूबरू करवाएंगे संजय सिंह ठाकुर पार्थ सिंह दिलीप सिंह ऋषिराज सिंह मितेश सिंह दिव्य सिंह अमित सिंह और वीरण सिंह दरबार बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी ऑर्गेनाइज़र का इतना बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन करना इतने सफल तरीके से वो एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है और इस टीम टूर्नामेंट में जो आठ टीमों ने हिस्सा लिया हर सिद्धि इलेवन हर सिद्ध इलेवन दे इलेवन भव्य स्ट्राइकर इलेवन डीसी टाइगर वो ग्रुप ए की टीमें थी ग्रुप बी में ओम साई इलेवन टाइगर इलेवन सीविया इलेवन और अम्बे लाइन्स इलेवन ये चार टीमें जो आज बी ग्रुप में एक दूसरे के सामने अपने क्रिकेट का हुनर प्रदर्शित करेंगे लेट्स प्ले थर्टी सेवन का टारगेट आंखों दे का हाल आप सुन पाएंगे मिस्टर जीतू भाई के साथ पहली गेंद बहुत ही बढ़िया एक्रॉस द लाइन क्रॉस बैटर ड्राइव के अंदाज में शॉट को खेला लेकिन रन वहां पे नहीं मिलेगा स्वागत है जीतू भाई आपका कॉम बॉक्स में थैंक यू वेरी मच राजेश भाई जीत के लिए 37 रन ये स्कोर सुरक्षित नहीं है आ, इस बार रिवर्सिप टॉप जिसको कहा जाना चाहिए अंपायर का इशारा चार रन चौका से किया था बहुत ही खूबसूरत चौका इरक्सी सोलंकी के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका इन चार रनों के साथ है टाइगर इलेवन जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की और इस बार फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश पैरों पे टकराई रन की कोई गुंजाइश नहीं शॉट थर्डमैन के ऊपर खिलाड़ी देना रन की कोई गुंजाइश नहीं स्कोर रुका हुआ चार रन पारी का ये पहला ओवर जारी इलेवन और अंबे लाइन इलेवन दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज जल्द से जल्द टॉस करने के लिए आ जाए का इस्तेमाल करके खेल दिया हल्के हाथों से देखना वहां पर गेंद जा रही है ओर। का की यहां पर अंपायर का इशारा चार रन बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका स्कोर बढ़ता हुआ आठ रन ये पहला ओवर जारी है खूब खूबसूरत स्ट्रोक खूबसूरत स्ट्रोक एक बार फिर से फ्लिक शॉट जिसको कहा जाना चाहिए अंपायर का इशारा देखना होगा यस चार रन स्कोर बढ़ता हुआ बारह रन है काफी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी यहां पर हीरक सिंह सोलंकी के द्वारा एक गेंद से है इस बार कटमो का इस्तेमाल करके खेल लेना चाहते थे लेकिन के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे रन की कोई गुंजाइश नहीं पहले बाउंस के बाद फील्डर ने फील्ड की थी ओवर की समाप्ति हुई पहले ओवर की समाप्ति स्कोर है बारह रन चेतन परमार गेंदबाजी का बार संभालेंगे पिछली पांच पारियों में सात विकेट इनके नाम है तो इनफॉर्म गेंदबाज चितन परमार एक बार फिर से और इस बार पल्टी स्ट्रोक खेलने की कोशिश लेकिन हल्की सी आउटस्विंग गेंदबाजी करने की कोशिश वहां पर प्रिटीश गोहिल जो की अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है स्कोर है बारह रन और इस बार कड़क कड़क डीप मिड विकेट की दिशा में प्रिटर्स के पले से निकलने वाला ये पहला छक्का एक बार फिर से ये भी स्ट्रोक कड़क है लगातार डोके डोके ऊपर डो छक्के प्रेस बहुत ही आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं स्कोर है ट्वेंटी फोर है व्यापारी का है यह दूसरा ओवर जारी है काफी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी यहाँ पर टाइगर इलेवन के द्वारा आ, लगातार तीन गेंदों के ऊपर तीन सिक्सर है खूबसूरत बल्लेबाजी कोर है टी थर्टी अभी भी सात रनों की जरूरत ये मुकाबला जीत के लिए सात रनों की जरूरत है दोनों बल्लेबाज के बीच में एक लंबी बातचीत होती हुई टीस गोहिल जो कि बहुत ही आक्रामक लय में दिखाई दे रहे हैं हल्के आटो से बिल्कुल कॉपी कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे रन की कोई गुंजाइश नहीं ओवर की समाप्ति हुई दो ओवर की समाप्ति स्कोर है तीस रन बिना किसी नुकसान के ऊपर काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर टाइगर इलेवन के द्वारा दूर छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन तुषार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इस बार हल्के आटो से खेल दिया है देखना वहां पर खिलाड़ी तैनात रन की कोई गुंजाइश नहीं काफी अच्छी शुरुआत यहां पर जीत के लिए सिर्फ सात रनों की जरूरत देखना यहाँ पर कितनी जल्द ये मुकाबला खत्म करते हैं टाइगर इलेवन इस बार हल्के आटो से खेल लिया है देखना वहां पर बॉलर ने अपने फॉलो थ्रो में फील्ड की रन की कोई गुंजाइश नहीं रुका हुआ तीस रन फिर से तो खेल दिया देखना वहां पर रन लेने के लिए निकल पड़े जोखिम का डिरेक्ट हिट लेकिन सुरक्षित क्रीज मौजूद एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी वन रन का तीसरा और इन साइड आउट खेलने का प्रयास देखना वहाँ पर शॉर्टिश अक्शा कवर की दिशा में हल्का सा फंबल जरूर हुआ था लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी टू और इस बार रिवर्स अटेम करने की कोशिश खुद विकेट कीपर भी लड़खड़ा है अंपायर का इशारा भाई स्कोर बिल्कुल लेवल स्कोर बिल्कुल लेवल एक रन अभी भी बाकी है, भाई भाई है। स्कोर बिल्कुल लेवल और इस बार हवा में यहां पर ये पहला झटका हीरक सोलंकी आउट होकर पेवेलियन नए बल्लेबाज के रूप में जटिन दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर बिल्कुल लेवल हो चुका है गेंदबाजी करने के लिए जटिन आए हैं कॉमेंट बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए और जट का यहां पर प्रीटेस आउट होकर पेवेलियन बल्लेबाज के रूप में जनक रावत स्कोर बिल्कुल लेवल है दो झटके लग चुके हैं पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर एक सफलता इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता हल्के आटो से खेल दिया देखना वहां पर शॉटिश एक्स्ट्रा के ओवर की निशा में खिलाड़ी टेनाट और इसी तरह यह मुकाबला यहां पर टाइगर इलेवन जिन्होंने जीत लिया है कॉन्ग्रेचुलेन टाइगर इलेवन तो जीतू भाई एक बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री यहाँ पे और कन्विंसिंग विक्ट्री मानी जाएगी और बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन यहाँ पे देखा जाए तो टाइगर इलेवन पूरी तरीके से एक वन वे ट्रैफिक जैसा नजर आया बिल्कुल एक तरफा

तो यहाँ पे भी आज के दिन का ये अपसेट हुआ है कि ओम शाई इलेवन एक अच्छी तगड़ी टीम है मजबूत टीम है धर्म सिंह राठौड़ ऐसे अच्छे दिग्गज क्रिकेटर उस टीम में लेकिन उस टीम को 36 के ऊपर ऑल आउट किया और 37 सेवन रनों का जब पीछा करने उतरी तो मात्र 20 गेंदे लगी टाइगर इलेवन को तीन दशमलव दो ओवर समाप्त हुए और 37 का जो टारगेट था वो इजीली यहां पे अचीव किया और एक साफ बात है कि बॉलिंग ओरिएंटेड ये मैच रहा तो ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच एक गेंदबाजी होना चाहिए और एक और जो वाच आउट क्रिकेटर जिनकी हम बात कर रहे थे विशाल सिंह वो ऑब्वियसली इस मैच के मैन ऑफ द मैच बनेंगे क्योंकि दो ओवर दोनों मेडन डाली वो नाजिम गुल्ली दरबार वाली जो लाइन है वहाँ पे बैठे वो क्योंकि तो दो ओवर दो मेडन और तीन विकेट सफलता उनके नाम रही और शुरुआती झटके उन्होंने दिए वहां से पूरी टीम अंत तक उभर नहीं पाई तो ये पहला मुकाबला महाराणा प्रताप कप ग्रुप बी का दूसरा ये दिन जहाँ पे टाइगर इलेवन ने कन्विंसिंग विक्ट्री छ आठ विकेट से हासिल की और मैन ऑफ द मैच विशाल सिंह इस मैच का मैन ऑफ द मैच विशाल सिंह जो वहाँ पे स्टेज रखा गया है ट्रॉफीज के बाजू में वहाँ पे जाएंगे और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी वहाँ पे वो अर्चित करेंगे तो पहला मुकाबला एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी ओरिएंटेड मुकाबला देखने को मिला अब दूसरा मुकाबला ग्रुप बी का जो दो टीमें इसमें समाविष्ट है एक और सिवियाना इलेवन और अम्बे लाइन्स वॉच आउट प्लेयर की बात करेंगे तो इस मैच में शैलिन दरबार दिखेंगे खेलते हुए पुष्पा राज सिंह दिखेंगे नजरें रहेंगी इन प्लेयर के ऊपर सभी की शैलिन दरबार वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेयर एक और गुजरात टेनिस क्रिकेट के और जो दूसरा मुकाबला सीवियाना इलेवन और अम्बे लायंस राजपीपड़ा के बीच में होगा टॉस जब हुआ तो टॉस गिरा सीवियाना इलेवन के पक्ष में और उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया है तो सो सीवियान इलेवन हैव वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू तो फील्डिंग फर्स्ट बल्लेबाजी के लिए उन्होंने पहले आमंत्रित किया है अम्बे लायंस की टीम को कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए सुबह में अभी भी विकेट के ऊपर थोड़ी नमी रहेगी तो गेंदबाजों को यहाँ पे भी मदद मिलने की मुझे आशंका लग रही है लेकिन अगर अच्छे मैरिट के ऊपर बल्लेबाजी की जाए वो जो विकेट का उछाल है वो जो घुमाव है अगर उसको ठीक तरीके से पढ़ लिया जाए तो यहाँ पे एवरेज जो 85 86 रन बनते पहली पारी में वो हो सकते हैं और इस टूर्नामेंट को जो सफल बनाने के लिए जिन सभी दाताओं ने जो अपना योगदान दिया है हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं मितेश सिंह परमार सेघवा सरपंच श्री उनके द्वारा पच्चीस हजार रुपये का योगदान मिला है मीनाबेन संजय सिंह ठाकुर तालुका पंचायत सभ्यश्री पच्चीस हजार का योगदान उनके द्वारा श्री अरविंद भाई पटेल धारा सभ्यश्री इक्कीस हजार रुपये का योगदान उनके द्वारा मिला है ऋषिराज सिंह ठाकुर कोचवाड़ा पंद्रह का योगदान उनके द्वारा जी मैन ऑफ द मैच पहले मैच के विशाल सिंह दो ओवर दोनों मेडन और तीन सफलता उनके नाम रही उनका ये जो बॉलिंग स्पेल रहा है ना वो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला वो बॉलिंग स्पेल था क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ थी और वह कहते हैं ना विपरीत परिस्थिति में कुछ खिलाड़ी टूट जाते हैं कुछ रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं तो वही प्रदर्शन विशाल सिंह के द्वारा वेल well डन विशाल सिंह हम बात कर रहे थे मुख्य दाता दाताश्रियों की तो अरुण सिंह चावड़ा बलसाड़ ग्यारह हजार किशन सिंह परमार सेलवास ग्यारह हज़ार कमलेश सिंह ठाकुर प्रमुख श्री वलसाड़ तालुका पंचायत ग्यारह हज़ार मगन मगनभाई ठाकुर सेगवा दस हज़ार दलपत सिंह ठाकुर प्रमुख श्री भूतसर चौरा पाँच हज़ार कल्पनाबेन पटेल जिला पंचायत सभ्य पाँच हज़ार भाई आहिर पीठा सरपंच श्री पाँच हज़ार भरत सिंह परमार बारसोल पाँच हज़ार रुपये सुलेमान शेख सेगवा सरपंच श्री पाँच हज़ार भूतसर क्रिकेट टीम पच्चीस सौ रुपये सागर सिंह परमार भूतसर दो हजार रुपये का योगदान रिद्धि सिद्धि बंगलोस चिराग सिंह राठौड़ पांच हजार रुपए धरमपुर दर, राजपूत समाज पच्चीस सौ रुपए रत्न सिंह रावत भूतसर ग्यारह सौ रुपए योगेश सिंह सोलंकी भूतसर दो हजार रुपये कालुभा आहिर बड़ियादेव रेसिडेंसी कोचवाड़ा पच्चीस सौ रुपये का योगदान दिव्य सिंह ठाकुर मल्ला पंद्रह सौ का योगदान और बिरजू भाई कॉन्ट्रैक्टर बलसाड़ ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह का योगदान इनके द्वारा हुआ है और जो सभी स्पॉन्सर जिनका भी योगदान रहा है तो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल द स्पॉन्सर ऑल द पार्टनर्स ऑल द डोनर्स एंड आल्सो आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द स्पॉन्सर ऑल द ऑनर दे आर अ कॉन्ट्रीब्यूटेड वेरी वेल बिहाइंड द स्क्रीन आल्सो ऑन द स्क्रीन फॉर द स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट थैंक यू और एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों टीम के मुंबई लायंस 11 के एक्स्ट्रा प्लेयर और सिवियाना इलेवन के अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे आएंगे ताकि ठीक तरीके से खिलाड़ियों की पहचान सभी की कर पाए सलामी बल्लेबाज के रूप में बैट्समैन नेम एक्स्ट्रा प्लेयर आएंगे दोनों टीम के, के लेट्स प्ले दूसरा दिन महाराणा प्रताप कप दूसरा मैच जनीश ठाकुर बहुत ही अच्छी गेंद बहुत ही बढ़िया बैकफुट के ऊपर धकेला संभाल के मात्र चेक किया अगर देखा जाए तो कहाँ से गेंद खत्म हो रही है किस गति से आ रही है पहले इस विकेट को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा समय बिताना पड़ेगा इस विकेट के ऊपर कि ये कल के मुताबिक थोड़ा अलग विकेट है आज इस बार बाहरी किनारा लगा है गेंद जा रही है थर्डमैन की दिशा में पैरों से रोकने का प्रयास खाता खुला है बल्लेबाज का पहला रन बॉर्ड के ऊपर दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर आएंगे प्लीज कंपलसरी है ये पहली गेंद के ऊपर इस बार कलाइयों के सहारे ऑफ साइड की गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में मोड़ा है दूसरे का प्रयास करेंगे और वो प्रयास यहां पे सफल भी होगा तो दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला है ऋषिराज सिंह है मार्क कपल ऑफ फ्रेंड्स छोटी पटकी हुई गेंद थी गति में परिवर्तन किया था शॉट अपना अंत में रोका लेकिन परिणाम सही वो वहां पे वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ उसकी दिशा में गेंद को धकेला चौके में उसे तब्दील किया पहला चौका इस पारी का आता हुआ और वो आया है सिंह के बल्ले से एक छोटी पटकी हुई गेंद थी गति में परिवर्तन जरूर किया था उंगलियां घुमाई थी लेकिन उतने पूरे कंट्रोल में थे नहीं लेकिन फिर भी चौका मिला हेलो जय बे लायंस का कैप्टन प्लीज प्लेयर जाए मोक लोज कॉमेंट्री ओके भाई सात रन इस बार ऑफ स्टम के बाहर थोड़ा अतिरिक्क उछाल मिला था और कट करने का प्रयास था ऑफ साइड की दिशा में एक शॉर्ट थर्डमैन है बैकवर्ड पॉइंट है कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ और बाउंड्री लाइन के ऊपर से दो फील्डर तैनात है डीप लेग और लॉन्ग रन के ऊपर सैलिन दरबार एक शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग इस बार क्रॉस ये फील्डर को दूडा है विकेट का पतन यहाँ पे विकेट की तलाश थी ऋषिराज सिंह को वापस लौटना पड़ेगा छोटी पटकी हुई गेंद लेकिन उछाल और गति में परिवर्तन वहां से बीट हुए फील्डर एकमात्र तैनात थे उस एरिया में उनको ढूंढा और कोई गलती नहीं की सात रन के ऊपर पहला झटका लगता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद अंबेलाइंस बैट्समैन नेम प्लीज अक्षय सिंह नए बल्लेबाज के रूप में उनके आने की वजह यह है कि जैनिश ठाकुर जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर जो पहले ओवर में आखिरी गेंद के ऊपर विकेट चटकाया वो कई कबार कहते हैं ना आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो आपकी कमजोरी भी बनती है ये जो गेंद थी ना जिसके ऊपर विकेट आया उसी गेंद के ऊपर एक चौका बटोरा था वो लॉन्ग लेग वाला एरिया था फिर उसी गेंद के ऊपर वापिस चौका बटोरने के प्रयास में वो मिस टाइम हुआ और विकेट का पतन हुआ अनिरुद्ध दरबार कुकेरी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं गेंदबाजी का बार संभालेंगे विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम फार एंड इन सेकंड ओवर इस बार अच्छी ये गेंद थी थोड़ी जगह बना के खेलने का प्रयास था वहां पे वीरेंद्र सिंह के द्वारा अक्षय के द्वारा सात रन अभी भी स्कोर को हुआ है इस बार सामने की दिशा में एंपायर की दिशा में डाउन द विकेट ये शॉट फील्डर मौजूद है वहां पे बिल्कुल सीधा लॉन्ग ऑन का फील्डर मौजूद तो एक ही रन मात्र प्राप्त होगा इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आठ रन अच्छी गेंद थी वाइड श्योर कर किनारा लगा था वहां पे और उसके लिए फील्डर तैनात था शॉर्ट थर्ड बैन के ऊपर और अच्छी गेंद मानना पड़ेगा अच्छी लाइन और लेंथ टप्पे के तहत गेंदबाजी हो रही है इस बार विक्टो के ऊपर विकेट टू विकेट गेंदबाजी और एलबीडब्ल्यू बिल्कुल सीधा विक्टो के ऊपर पाए गए वहां पे वो जो थोड़ा गैप था बैट और पैर के बीच में से उसे ढूंढा और थोड़ा ब्लॉक हो गए वहां पे और इंपैक्ट इन लाइन पिचिंग इन लाइन और डेफिनेटली विक्टो को गेंद हिट कर रही थी बहुत ही बढ़िया डिसीजन है अर्जुन टंडेल के द्वारा और दूसरा यहाँ पे झटका लगता हुआ अम्बे लायंस को अनिरुद्ध जो आए उन्होंने भी अपनी टीम के लिए विकेट निकाला है तो अब यहाँ से वापिस जाना पड़ेगा अक्षय परमार जिनको शून्य के स्कोर पे वापिस जाना पड़ेगा तो दूसरा झटका अम्बे लायंस को लगता हुआ दूसरे ओवर में तो अब आठ रन के ऊपर दूसरा झटका ये विकेट थोड़ा अलग खेल रहा है इस विकेट को आपको पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसकी गति क्या है कहाँ पे उछाल है और कहाँ से घुमाव मिल रहा है ग्रास यहाँ पे सभी विकेट के ऊपर आपको मिलेगा और जब भी टेनिस गेंद जो हार्ड टेनिस गेंद होती है निविया की वो जब भी वो ग्रास के ऊपर गिरती है ना वहां से कुछ ना कुछ हरकत मिलती है का तो गति कम होती है या तो उसके ऊपर या तो वहां से थोड़ा उछाल मिलता है तो ये एक अपना फायदा होता है विकेट के ऊपर जब भी ग्रास होता है तो ऐसा नहीं कि वो लेदर बॉल में ही वो कमाल करता है लेकिन टेनिस में भी उसका महत्व है इस बार इनसाइड एज वहां पे जी नहीं, नहीं साइड लगा था लगा शायद यहां क्योंकि काटा बदला था थोड़ा गेंद ने उसकी वजह से लेकिन ऑप्शन थोड़ी गति में परिवर्तन भी किया था और विकेट के ऊपर खड़े हैं तो कदमों का इस्तेमाल करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इस बार बाहरी किनारा और वहां पे दो फील्डर मौजूद थे एक शॉर्ट फाइन लेग के बाद शॉर्ट थर्डमैन उन दोनों के बीच में से गेंद निकल गई चौके के लिए पारी का दूसरा चौका आता हुआ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयवीर सिंह के बल्ले से 12 रन दो विकेट के नुकसान पे दो की समाप्ति के बाद जय अंबे लाइन जयवीर सिंह एक चौका उनके बल्ले से आया एक बाहरी किनारा उतना इंप्रेसिव शॉट नहीं था लेकिन कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा मिलेगा नहीं शॉट से लेकिन फिर भी जैसे चाहिए यहां पे रनों की जरूरत है क्योंकि पहली पारी में पहले मैच में क्या दुर्गति हुई थी हमने देखा था यहाँ पे भी दो विकेट तो गिर चुकी है और पावर प्ले अब यहाँ से समाप्त होगा फील्डिंग का जो अनुबंध है वो जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो अब यहाँ से हट जाएगा फिर भी चार फील्डर मैंडेटरी होते हैं आर सर्कल के अंदर एज पर द रूल्स ऑफ एमसीसी सी पीछे शॉर्ट थर्डमैन है शॉर्ट फाइन लेग है बैकवर्ड पॉइंट थर्टी आर सर्कल के अंदर है कवर का फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर जाएगा एक्स्ट्रा कवर जो है वो थर्टी आर सर्कल में आ जाएगा और ऑन साइड की दिशा में देखा जाए तो मिड विकेट है वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन और लेग बिल्कुल लॉन्ग लेग के बगल में और लॉन्ग ऑफ है बाउंड्री लाइन के ऊपर जेल सोलंकी पावर प्ले खत्म होने के बाद बेहतर है अच्छा है कवर की दिशा में रन लेने का प्रयास है गलत एंड के ऊपर थ्रो दिया ये थोड़ा टैक्टिक आपको ध्यान में रखना पड़ता है ये एक एक्यूरेसी जो फील्डर में होनी चाहिए ना फील्डिंग इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट पार्ट इन क्रिकेट सिंस 1992 जब टू जब जब जॉन्टी रोड्स आए थे उसके बाद से फील्डिंग एक अलग उसका महत्व बन चुका है तो वहां पे गलती की गलत एंड के ऊपर थ्रो वो थोड़ी एक्यूरेसी कम नजर आई लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन मैदान में, में मौजूद होता है तो वो थोड़ा फील्डिंग में तब्दीली आपको लगातार करनी पड़ती है सिंगल की मदद से तेरह रन पूरी जिम्मेवारी रहेगी रन गति को बढ़ाने की एक डिफेंडिंग टारगेट बॉर्ड के ऊपर रखने की ये दोनों बल्लेबाज जयवीर सिंह और अवीरेंद्र सिंह अब यहां से राउंड द विकेट एंगल चेंज करेंगे झील सोलंकी एंगल चेंज हुआ है और गेंद काफी बाहर निकल गई दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को व्हाइट का इशारा इस बार ऊपरी किनारा पीछे फील्डर इंटरेस्टेड जस्ट शॉट जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर थोड़ा स्प्लिंटर वहां पे बने फील्डर लेकिन पहुंच नहीं पाए और इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ पंद्रह रन ऊपरी किनारा लगा था एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया गया था बल्लेबाज से दूर रखने का ये जो इनकी सोच है ना ये अच्छी है क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगमुमन ज्यादा जगह पे से खड़े खड़े खेलने का ज्यादा प्रयास करते हैं इस बार हल्का सा कदमों का इस्तेमाल लेकिन वाइड लाइन वहां पे दूर नहीं थी और एक और अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ता हुआ पंद्रह रन तो अब पंद्रह रन दो विकेट के नुकसान पे ये अच्छी गेंद मानना पड़ेगा ये जो लाइन और लेंथ है ना बहुत ही बेहतरीन लाइन और लेंथ स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकल रही है मूवमेंट है सुबह से हम देख रहे किस विकेट में मूवमेंट नजर आ रही है इस बार हवा में है शैलिन दरबार वहां पे लेकिन दर्शक बन के रह गए ये खूबसूरत शॉट मात्र टाइमिंग वो जो गति थी ना उसका फायदा उठाया लेंथ को पिक किया वो जो स्पॉट था ना उसको मात्र पिक किया बेहतरीन तो तरीके से लॉन्ग लॉन्गन के ऊपर से उसे एक छह रन में तब्दील किया रियक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रॉस बैटेड और बिल्कुल बल्ले का निचला हिस्सा लगा था उसकी वजह से जो एक्सटेंशन मिलना चाहिए ना वो पूरी तरीके से मिला तो 21 वन इक्कीस रन दो विकेट के नुकसान पे वायर से के बाहर एक और वाइड इस ओवर की एक और वाइड यहां पे और इस वाइड की मदद से 22 टू बाईस रन दो विकेट के नुकसान पे ऐसा जब भी अंक दिखता है ना तो हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर सरफराज माकड़ा अक्सर बोलते हैं ये नेल्सन स्कोर नावन स्कोर कार्ड इस बार क्रॉस और कवर की दिशा में फील्डर वहां पे डीप में मौजूद रन मात्र एक ही मिलेगा क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया इस ग्राउंड का तेज गति से गेंद निकल जाती है तो अब यहां से एक एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी थ्री तेईस रन थोड़ा लंबा और ये हो रहा है क्योंकि तीन अतिरिक्त गेंदे डालनी पड़ी है इस में इस ओवर की आखिरी गेंद अच्छी गेंद थी है। पूरी तरीके से बीट किया था वहां पे बल्लेबाज को खेलना कहीं और चाहते थे गेंद कहीं और गई और चौबीस रन ट्वेंटी फोर तीन ओवर की समाप्ति के बाद चौबीस रन दो विकेट के नुकसान पे तीन ओवर की समाप्ति प्रति ओवर आठ रन यहां से बन रहे हैं और चौबीस रन एक साझेदारी यहां पे हो रही है ग्यारह के ऊपर जयवीर सिंह खेल रहे और वीरेंद्र सिंह जो चार रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे गेंदबाजी में झील सोलंकी पिछला ओवर जो उन्होंने डाला थोड़ा महंगा रहा बारह रन आए और एक ओवर में पांच रन एक विकेट अनिरुद्ध दरबार ने वो निकाला विकेट ये महाराणा प्रताप कप 2022 सीजन ये तीसरा चल रहा है दूसरा ये दिन प्रगति पर है ग्रुप बी के सभी आज मुकाबले खेले जाएंगे पहला जो आज सुबह मुकाबला हुआ टाइगर इलेवन वो मुकाबला जीता और आज के दिन का वो दूसरा मुकाबला ये चल रहा है टॉस जीता था सिवियाना इलेवन ने फील्डिंग का फैसला किया बल्लेबाजी पे आमंत्रित किया है अम्बे लाइन्स राजपीपड़ा को तीन ओवर के बाद चौबीस रन बॉर्ड के ऊपर इस बार वैसे खेलना चाहते थे सीधा शॉट लेकिन वो जो गति थी ना उसमें थोड़ा परिवर्तन था उसकी वजह से एकरोस द लाइन वो थोड़ा बल्ला है हाथ में से घूम गया और मिड विकेट के ऊपर गेंद गई ट्वेंटी फाइव पच्चीस रन गेंदबाजी के ऊपर सिंह इस बार हवा में ज्यादा चली गई है गेंद फलक में बल्लेबाज की जान हलक में ड्रॉप चांस ये एक आसान सा रेगुलेशन कैच था पूरी तरीके से गेंद के नीचे भी आ गए थे वो रिवर्स कप में लेने का प्रयास लेकिन वो कप को बंद करना भूल गए और वहां से ये गेंद छिटक गई ये विकेट के काफी करीब थे दित्य सिंह ने वो जो जाल बुना था उसमें बल्लेबाज को डेफिनेटली फास्ट लिया था लेकिन अब फील्डर के द्वारा उतना सहयोग मिला नहीं ये झटका लग सकता था लेकिन अब देखना होगा अब देखना होगा कि ये जो कैच छूटा कितना नुकसान देगा ये जीवन दान कहां तक खलेगा शॉट बेहतर है यह फील्डर है तो वहाँ पे अनिरुद्ध दरबार और गलती नहीं की ऊपर से, से खेलने का प्रयास लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ निकाला और जो पिछली गेंद के ऊपर कैच छूटा लेकिन उसका ज्यादा कुछ यहाँ पे नुकसान हुआ नहीं है छब्बीस रन तीसरा झटका लगता हुआ अंबे लायंस राज पिपड़ा को और तो यहां पे एक और तीसरा झटका विकेट में एक और विकेट यहां पे ऐड हुआ है और स्पॉन्सर की लिस्ट में भी एक और नाम जोड़ा गया है यस आहिर कलवाड़ा बलसाड़ जॉय ई बाइक का उनके द्वारा स्पॉन्सरशिप इस टूर्नामेंट के लिए मिली यस ई बाइक बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर भाविन भाई आहिर तो तीसरा झटका यहां पे लगा है मुंबई लायंस राजपीपड़ा की टीम को सही फैसला बिल्कुल जो टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया था इस बार सीधे बल्ले से ये बेहतरीन शॉट था बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में फील्डर मौजूद थे वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर तो इस सिंगल की मदद से पुष्पराज सिंह इनके ऊपर नजरें रहेगी ये टीम के आइकॉनिक प्लेयर है और काफी कुछ जिम्मेवारी टीम की उनके ऊपर रहेगी वाच आउट प्लेयर इस ग्रुप में अगर देखा जाए तो पुष्पराज सिंह इस बार बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से जेंटली पुश वहां पे स्क्वायर लेग की दिशा में और एक रन वहां से आसानी से प्राप्त किया और इस एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ ट्वेंटी एट रन अच्छा ओवर ये रहा है दित्य सिंह का अगर देखा जाए तो चार रन मात्र इस ओवर में आए हैं और एक विकेट भी प्राप्त हुआ है विकेट को डिजर्व कर रहे थे क्योंकि इससे पहले भी इस ओवर में ड्रॉप चांस एक जीवनदान मिला था लेकिन उसकी दूसरी गेंद के ऊपर विकेट आया था नो बॉल का इशारा फ्रंट फुट नो बॉल नो बॉल का इशारा यहां पे अंपायर की ओर से और अगली गेंद होगी वो फ्री हिट हाथ खोलने का मौका यहां पे मिला है रन। फ्री हिट फुलटोस डाली और बिल्कुल है एक तोहफा और उसे कबूल किया दोनों हाथों से लॉन्ग लेग की दिशा में चौका वहां पे बटोरा बेहतरीन शॉट और इस चौके की मदद से ओवर की समाप्ति चार ओवर की समाप्ति तीन विकेट के नुकसान पे चार ओवर की समाप्ति तैतीस रन तीन विकेट के नुकसान पे आधा हाफ यहाँ पे समाप्त हुआ है और आधा हाफ अब जो शुरू होगा यहां से उसकी आगे वाली कहानी सुनाने के लिए मैं कमेंट्री बॉक्स में इनवाइट करूंगा मिस्टर जीतू भाई स्वागत है आपका धन्यवाद राजेश भाई एक बार फिर से मोर्चे के ऊपर जैनिश ठाकुर आए हैं कॉमेंट बॉक्स गेंदबाजी करने के लिए फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज वक्त बर्बाद न करें जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए 40 मिनट में आपको एक इनिंग खत्म करनी है प्लीज वक्त का ध्यान रखें जयवीर सिंह जादव जो कि आठ गेंदों के ऊपर तेरह रन जबकि पुष्पराज सिंह तीन गेंदों के ऊपर पांच रन बनाकर खेल रहे हैं जेनिस एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार ऊंची देखने वहां पर ऊंचाई और लंबाई बिल्कुल सही अंपायर का स्वागत किया यहाँ पर एक बड़े सिक्सर के साथ जयवीर सिंह के बल्ले से निकलने वाला ये बहुत ही लंबा सिक्सर स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी नाइन रन पारी का ये पांचवा ओवर जारी एक बार फिर से शॉट ऑफ गेंदी लगातार दो गेंदों के ऊपर दो सिक्सर जो कैच छूटा था उनका अब नुकसान देखने को मिल रहा है यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ फोर्टी फाइव छोर बदला है इस बार गेंद हवा में एक और जीवन दान भाग्य भी आज जयवीर सिंह के साथ है दो जीवन दान मिले एक आसान सा लॉलीपॉप कैच ड्रॉप वहां पर स्कोर है फोर्टी सिक्स रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर अपने ही गेंद के ऊपर एक आसान सा कैच ड्रॉप देखना वहां पर दो जीवन दान मिल चुके हैं ओवर दिकेट गेंदबाजी करेंगे सामना करेंगे पुष्पराज से तीन गेंदों के ऊपर पांच रन बनाकर खेल रहे हैं स्कोर है फोर्टी सिक्स रन हा इस बार कड़क स्ट्रोक ने जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था लॉन्ग ऑन के ऊपर लेकिन सीमा रेखा पार अंपायर का इशारा इस बार पुष्पराज सिंह के बल्ले से निकलने वाला यह बहुत ही बड़ा सिक्सर स्कोर छलांगी चेयर अपड फिफ्टी टू स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन बावन रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी पारिका यह पांचवा एक बार फिर से यह भी स्ट्रोक कड़क है लगातार दो गेंदों के ऊपर दो सिक्सर यह ओवर महंगा साबित होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 58, एट पांच गेंदों के ऊपर अभी तक 25 रन हमारे डीजे ऑपरेटर मन जो कि काफी खुश मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं बहुत ही छोटे हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है मन स्कोर है 58 एट पटकी हुई गेंद देखना वहां पर फील्डर सिर्फ दर्शक सिर्फ दर्शक लगातार तीन गेंदों के ऊपर तीन सिक्सर पुष्पराज ही ऑन फायर पिछला ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ इकतीस रन आए तारीफ काबिल बल्लेबाजी यहां पर दोनों बल्लेबाज के द्वारा मेरे साथी कॉमेंटेटर राजेश भाई ने बताया था कि उसके ऊपर नजर रहेगी ये आइकॉनिक प्लेयर है लगातार टीन गेंदों के ऊपर टीन छक्का लगाए बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी उनके ऊपर निगाहें रहेगी उस पर आज सिंह आइकोनिक प्लेयर हैं जबकि फील्डिंग टीम में सेलिन बार उसके ऊपर भी निगाहें रहेगी फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज वक्त बर्बाद न करें, जल्द से जल्द अंपायर से गुजारिश है कि मैच की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज सहयोग दे पांच ओवर सिक्सटी फोर दूर वाले छोर से गेंदबाजी का भार अनिरुद्ध परमार पहले ओवर में पांच रन और एक सफलता हासिल की थी एक बार फिर से मोर्चे के ऊपर लगाया गया है और इस बार हल्की से आउटिंग गेंदबाजी करने की कोशिश है कट स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे वहां पर लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ स्कोर रुका हुआ 64 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर और एक बार फिर से हल्के आटों से खेल दिया है देखना वहाँ पर एक्स्ट्रा कोर की दिशा में खिलाड़ी जब तक फील करे तब तक एक रन स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश जैसे ही देखा पुष्पराज सिंह काफ़ी खूबसूरत लई में दिखाई दे रहे जल्द से जल्द स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश की है वहाँ पर एक सही सोच मानी जाएगी यहाँ पर जयवीर सिंह जादव के द्वारा स्कोर है रुका हुआ सिक्सटी और इस बार हल्के आटोर से खेल दिया है देखना वहाँ पर शॉटिश एक्स्ट्रा कोर की दिशा में एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा कमजोर गेंद के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रहार करते हैं वो इनकी एक खासियत रही है पुष्पराज सिंह स्कोर है सिक्सटी सिक्स रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर दरबार एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे जयवीर सिंह और इस बार हल्की सी आउटस्विंग गेंदबाजी करने की कोशिश है काफी अच्छी गेंदबाजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर अनिरुद्ध दरबार के द्वारा स्कोर रुका हुआ सिक्सटी सिक्स रन इस ओवर से अभी तक चार गेंदे की है और सिर्फ दो रन खर्च किए मतलब बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी और इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास देखना वहां पर फील्डर टेन आठ है दूसरे बाउंस के बाद फील्डर जब तक फील्ड करे सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर बढ़ता हुआ सिक्सटी सेवन रन बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अनिरुद्ध दरबार अभी तक ग्यारह गेंदे कर रही है आठ रन और एक सफलता तारीफ काबिल गेंदबाजी मानी जाएगी हेलीकॉप्टर का प्रयास किया था वहां पर लॉन्ग ऑफ उप के ऊपर हल्का सा फंबल हल्का सा फंबल गेंद जा रही है सीमा रेखा पार जहां पर एक रन था वहां पर चार मतलब तीन निक रन ये बहुत ही महंगे साबित हो सकते हैं पाठ स्कोर है सेवेंटी वन रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर छह ओवर की समाप्ति अभी भी बारह गेंदों का खेल बाकी है देखना जाए यहां पर कम से कम बारह गेंदों के ऊपर अगर पच्चीस रन बनते हैं तो नाइन सिक्स के पार हो सकता है झील सोलंकी एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कमेंट्री बॉक्स गेंदबाजी करेंगे सामना करेंगे जयवीर सिंह यादव पंद्रह गेंदों के ऊपर अट्ठाईस रन और इस बार जड़ में डालने की कोशिश बॉलर ने अपने फॉलर थ्रू में फील्ड की रन की कोई गुंजाइश नहीं काफी अच्छी गेंदबाजी और इस बारे हवा में लेकिन नो मैं से खेलने की कोशिश की थी संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन। पारी का ये सातवा दस गेंडों का खेल बाकी है देखना यहाँ पर उस पर आज से अपना जलवा दिखाते हैं या नहीं आठ गेंदों के ऊपर अट्ठाईस रन बहुत ही निर्णायक पारी खेलने खेल रहे है वहां पर और एक बार फिर से हेलीकॉप्टर का प्रयास जरूर किया था वहां पर ऑन की दिशा में डाउन द ग्राउंड खेल लिया है एक ही रन से संतोष काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी यहाँ पर झील के द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है स्कोर है सेवेंटी थ्री रन डेट ओवर में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता है खूबसूरत गेंदबाजी इस बार गेंद हवा में खूबसूरत कैच खूबसूरत कैच वहां पर बड़ा झटका यहां पर जयवीर सिंह जादव आउट होकर पेवेलियन लगने वाला ये चौथा झटका दरबार जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कैच लिया टेजस माफ करना टेजस थे फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है जल्द से जल्द जल फील्डिंग की सजावट कर ले स्कोर है 73 रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये सातवां ओवर जारी है इस ओवर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक सिर्फ दो रन आए हैं और एक बड़ी सफलता नए बल्लेबाज के रूप में गजेंद्र सिंह डरम और इस बार एक बार फिर से गेंद हवा में लेकिन फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर सीधा कमेंट्री बॉक्स के अंदर अंपायर का इशारा खूबसूरत स्ट्रोक पहली गेंद के ऊपर छक्के के साथ शुरुआत स्कोर है सेवेंटी नाइन रन बार फिर से बल्ले का ने किनारा लिया पहला रन काफी तेजी से डोकी मांग करेंगे या नहीं सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ एटी साठ ओवर की समाप्ति स्कोर है अस्सी रन आ, इस ग्राउंड का पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 86 कल जो रहा था वो पारी का आखिरी ओवर कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए गेंदबाजी करने के लिए आकाश परमार पारी का आखिरी ओवर आकाश परमार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे हाँ खूबसूरत गेंद एक बार फिर से हेलीकॉप्टर का प्रयास किया था लेकिन लेकिन बीच बीच भीश नहीं आई फिलहाल एक ही रन से संतोष एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर ये आखिरी ओवर जारी है अभी भी पांच गेंदों का खेल बाकी है और इस बार देखना वहां पर गेंद हवा में फील्डर देखना है कोई गलती नहीं करेंगे कोई गलती नहीं करेंगे बड़ी सफलता पुष्पराज सिंह आउट होकर पेवेलियन नए बल्लेबाज मयूर राणा अभी भी चार गेंटों का खेल बाकी है इस बार जो कि डाउन टा डा ग्राउंड खेला है देख रहा वहां पर खिलाड़ी डेनाट है पहला रन काफी तेजी से सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और एक बार फिर से हेलीकॉप्टर का प्रयास फील्डर हेलीकॉप्टर मिस्टर बंटी पटेल की आठ बिलाड़ी एटी एट गजेंद्र सिंह बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज है उनके बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का पहला छक्का वो भी हेलीकॉप्टर लगाया था ये भी हेलीकॉप्टर एक बार फिर से हाल देखना वहां पर बल्ले का होने की गिना पहला रन काफी तेजी से हल्का सा फुटबॉलर जरूर हुआ था सिर्फ सिंगल स्कोर बता हुआ एटी नाइन अगर ये गेंद सही सही होती है तो मेरे ख्याल से आखिरी गेंद हो सकती है इस इनिंग की खूबसूरत गेंद आखिरी गेंद बिंदी गेंद के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त हुआ जीत के लिए 90 आगे का आंखों देखा हाल दूसरे इनिंग की शुरुआत हो तब तक मैं यहाँ से आज आ, राजेश आचार्य को माइक्रोफोन पे इनवाइट करता हूँ धन्यवाद साथी सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर जीतू भाई तो पहला मैच वो थोड़ा बॉलिंग ओरिएटेड नजर आया था वन साइड वो मुकाबला था लेकिन दूसरा मुकाबला जो यहाँ पे सिवियाना इलेवन जिन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया आमंत्रित किया यहाँ पे अम्बे लाइंस राजपीपड़ा की टीम को और पहले शुरुआती झटके दिए गए थे दो विकेट काफ़ी जल्दी गिर गए थे अगर आप देखोगे आठ रन के ऊपर दो विकटे गवा चुके थे लेकिन उसके बाद पारी को अच्छी तरीके से संभाला एक छोटी साझेदारी जरूर हुई अठारह रनों की और छब्बीस के ऊपर तीसरा झटका लगा लेकिन इस पारी में जो सबसे वॉच आउट वो जो रहा ना वो जो पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए फोर्टी सेवन रनों की साझेदारी उस साझेदारी की मदद से 89 नाइन नवासी रन बॉर्ड के ऊपर जड़ दिए और तारीफ करनी पड़ेगी जयवीर सिंह अठारह गेंदों में उनतीस रनों की एक सूझबूझ भरी वो पारी थी उस पारी में अगर आप देखोगे ना तो तीन छक्के थे एक चौका था लेकिन संभाल के खेला पारी को एक छोर उन्होंने बनाए रखा फिर अंत में अपनी टीम के आइकॉनिक प्लेयर पुष्पराज सिंह जिनके ऊपर नजरें थी सबकी उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से 290 के स्ट्राइक रेट के साथ 29 रन बनाए 10 गेंदों में और अंत में जरूरत थी एक फिनिशर की तो फिनिशर के तौर पे गजेंद्र सिंह जिन्होंने पांच गेंदों में 15 रन बनाए बहुत ही बढ़िया दो मैक्सिमम जड़े और दो तो जो वो शॉट थे ना वो देखने लायक थे मजा आ गया उस शॉट को देख के हुए तो इस तरह से 89 नाइन नवासी रन के ऊपर लगा दी अम्बे लाइन्स राजपिपड़ा की टीम ने पांच विकेट के नुकसान पे गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो सभी गेंदबाजों को विकेट प्राप्त हुआ है जैनिश ठाकुर जिनका पहला ओवर अच्छा रहा था सात रन दिए थे लेकिन दूसरे ओवर में इकतीस रन खर्च किए और अड़तीस रन दो ओवर में एक विकेट अनिरुद्ध दरबार दो ओवर में बारह रन एक विकेट उनके नाम रहा जिल सोलंकी की दौर में इक्कीस रन एक विकेट सिंह परमार एक ओवर में नौ रन एक विकेट उनके नाम और आकाश परमार एक ओवर में नौ रन और एक विकेट उनके नाम रहा तो इस प्रकार से तो अब यहां से आठ ओवर की समाप्ति के बाद एटी नाइन नवासी रन हुए हैं प्राप्त तो क्या सीवियाना इलेवन के लिए हो गए इतने पर्याप्त ये देखना होगा इसकी कहानी इस सवाल का जवाब अगली पारी में आपको मिलेगा और महाराणा प्रताप कप 2022 ईए सीजन तीसरा श्री भूतसर चौरा राजपूत समाज और राजपूत युवा उत्कर्ष संघ वलसाड़ और कोचवाड़ा सेकवा ग्रुप के द्वारा आयोजन किया गया है इस महाराणा प्रताप कप 2022 जिसका ये तीसरा सीजन चल रहा है इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया योगदान सभी ऑर्गेनाइजर का 90 नब्बे का टारगेट का पीछा करने उतरेगी सिविया ने इलेवन की टीम जो ऑर्गेनाइजर के रूप में इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा काम किया अच्छा योगदान संजय सिंह ठाकुर पार्थ सिंह दिलीप सिंह मितेश सिंह देव्य सिंह ऋषिराज सिंह अमित सिंह और विनंद सिंह दरबार बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी ऑर्गेनाइजर का सिवियाना इलेवन के एक्स्ट्रा प्लेयर आएंगे और सलामी बल्लेबाज के तौर सीविया सिवियाना इलेवन के लिए तेजस और सजानंद पारी की शुरुआत करने के लिए आएंगे नब्बे रनों का पीछा यहाँ पे उनको करना पड़ेगा जीत के साथ अगर यहाँ पे शुरुआत करनी है तो ये जो नब्बे रनों की चुनौती है उसे हासिल करना होगा और वो जो कहानी किस तरह से लिखेंगे ये नब्बे रनों की जो मंजिल प्राप्त करनी है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो एक अपने आप में इंटरेस्टिंग बात होगी कि अब जो विकेट में थोड़ी नमी है विकेट में वो जो सुबह नमी नजर आ रही थी वो अब थोड़ी यहाँ से कम हुई है अब गेंद जो टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी थोड़ी गति कम हो रही थी, थोड़ी दिक्कत आ रही थी, थी दिक्कत आ बल्ले पे उसको खेलने में अब वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंफर्टेबली गेंद आएगा क्योंकि पढ़ने के बाद जितनी गति से गेंद हाथ से छूटेगी उतनी गति से बल्ले पे आएगी तो वो थोड़ा कंफर्टेबल होगा बाउंस तो इस विकेट में आपको प्राप्त होगा ही बॉलर नेम प्लीज विजय सिंह विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम द फार एंड इन द सेकेंड इनिंग टारगेट यहां पे दिया गया है नब्बे का और उस टारगेट को हासिल करने की जिम्मेवारी यहां पे उठाई है सदानंद सिंह और तेजस ने ऑफ साइड के ऊपर मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर कवर मिड विकेट बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के साथ शुरुआत करेंगे ऑन साइड की दिशा में एक फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात डीप लेग में और सामने की दिशा में एक लॉन्ग ऑन लॉन्गन लॉन्ग ऑन खड़ा है तो ये फील्डिंग के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे दिग्विजय लेट्स प्ले हैवी गो राइट एम ओवर द विकेट टू तो द राइट हैंड बैट्समैन पहली गेंद के ऊपर आगाज किया है ये शॉट नहीं ये संदेश है पारी की शुरुआत करने का एक अपना ही बल्लेबाज का अंदाज है छह रन के साथ शुरुआत की है यहां बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार किनारा लगा था शायद वहाँ पे किनारा लगा था ये अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर गेंद टप्पा पड़ा था थोड़ा उछाल भी मिला था वहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं थी शॉट को खेलने के लिए थोड़ा सा लॉक वहाँ पे हुए बल्लेबाज और अच्छी वापसी मानना पड़ेगा पहली गेंद के ऊपर छक्का आया उसके बाद दिग्विजय की अच्छी वापसी है पैरों के ऊपर गेंद डालोगे खराब गेंद थी यहाँ पे बल्लेबाज की चरण में गेंद तो बाउंड्री की शरण में गेंद ये इस ओवर का दूसरा मैक्सिमम स्कोर बोर्ड के ऊपर 12 रन लगा दिए दोनों मैक्सिमम की मदद से आए खराब गेंद थी सही नसीहत दी लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का बटोरा इस बार के बाहर कट कवर की दिशा में थर्टी सर्कल को मात्र क्रॉस करना था क्योंकि पावर प्ले चल रहा है देर इज अ रूम आउटसाइड डी ऑप्शन स्लैश वेरी हार्ड ओवर द टॉप थ्रू द एक्स्ट्रा कवर एरिया रनिंग अवे फॉर नाउ द स्कोर सिक्सटीन रन ऑन द बॉर्ड जस्ट फर्स्ट ओवर नावन प्रोग्रेस बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मानना पड़ेगा तेजस दरबार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है वहां पे अपील की गई है लेकिन जी नहीं वो जो उछाल था ना विकेट के ऊपर वो अंपायर के जहन में रहेगा लेकिन अच्छी बल्लेबाजी मानना पड़ेगा दो मैक्सिमम मिड विकेट के ऊपर से फिर लॉन्ग लेग के ऊपर से फिर अपर कट के सहारे एक चौका कवर की दिशा में जड़ा छह रन के साथ शुरुआत हुई थी क्या विकेट के साथ खत्म होगा जी हाँ छह रन के साथ जो ओवर शुरू हुआ था उसे यहाँ पे विकेट के साथ खत्म किया है दिग्विजय सिंह स्ट्राइक गेंदबाज है तो ब्रेक थ्रू दिलाना उनकी जिम्मेवारी थी वो उन्होंने निभाई है कीपर नेम पुष्पराज थे वहां पे विकेट कीपर के रूप में और कोई गलती नहीं की उन्होंने क्योंकि अमूमन आसान नहीं होता इस प्रकार का कैच लेना अच्छा ओवर गुजर रहा था अच्छा ओवर गुजर रहा था पहला सोलह रन ऑलरेडी आ चुके थे उसे और बड़ा बनाने के प्रयास में तेजस दरबार अपना विकेट गवाया उन्होंने इस बार वो जो लेंथ थी ना वो थोड़ी ऊपर की थी बैक ऑफ लेंथ थोड़ी डाली थी और गति भी वहाँ पे प्राप्त की थी दिग्विजय ने और उसका रिवॉर्ड मिला ऊपरी किनारा कोई गलती नहीं की पुष्पराज ने वहाँ पे सोलह के ऊपर पहला झटका लेग स्टम्प के बाहर तो निश्चित तौर से वाइड का इशारा दोबारा डालना पड़ेगा इस गेंद को गेंदबाजी में राणा अच्छी गेंद थी ये थोड़ा उछाल का अभाव नजर आया एक्रॉस द लाइन वहाँ पे खेलने का प्रयास सदानंद सिंह के द्वारा लेकिन लाइन तक बिल्कुल नहीं पहुँचे देवा और वो जो है ना पैचिस के ऊपर जब गेंद गिरेगी वो थोड़ा उछाल का अभाव नजर आएगा सत्रह रन ये थोड़ा ये भी दिशा से बटके इनकी गेंदे जो इनका रिलीज पॉइंट है ना और अगर आप इनका एक्शन देखोगे उतना जंप करते नहीं हैं और जिस प्रकार से ये गेंद जहां जिस पॉइंट को रिलीज करते हैं ना वहां से उछाल मिलना थोड़ा मुश्किल होगा तो लैक ऑफ बाउंस इनकी गेंदबाजी में नजर आएगा थोड़ा अठारह रन व्हाइट की मदद से इस बार शॉट कड़क है ये शॉट बेहतर है कवर की दिशा में ओवर द टॉप ये चौका है बाईस रन ट्वेंटी टू इस चौके की मदद से सिवियाना इलेवन अच्छा शॉट है या हाफ गेंद आउटसाइड दी ऑप्शन सीधे बल्ले से वो कवर ड्राइव के अंदाज में एक्स्ट्रा कवर का मात्र फील्डर था उसे बीट करना था उसके ऊपर से इस शॉट को खेला खूबसूरत शॉट ये लगा ट्वेंटी टू बाईस रन शॉट ये कड़ाक है शॉट ये बेहतर है लेंथ को पिक किया है वहां पे स्पॉट को बेहतरीन तरीके से पड़ा है लॉन्ग लेग के ऊपर से मैक्सिमम जड़ा है अट्ठाईस रन ट्वेंटी एट रन एक बहुत ही खूबसूरत शॉट वहां पे देखने को मिला बैट डिलीवरी एंड गॉट द ट्रीटमेंट कनेक्शन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन हुआ और सही नसीहत प्रदान की लॉन्ग लेग के ऊपर से मैक्सिमम। इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में धकेला है गेंद को दूसरे की मांग है मिसफील्ड की वजह से वो दूसरा रन मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी सरानंद सिंह के द्वारा और मानना पड़ेगा सोची समझी क्लेवर बैटिंग क्योंकि जानते हैं कि कवर की दिशा में एक चौका जड़ चुके हैं एक छक्के की जरूरत थी वो भी लॉन्ग लेग के ऊपर से आया है तो उसके बाद वो हल्के हाथों से खेलना और स्ट्राइक रोटेशन करना एक अच्छे बल्लेबाज की वो निशानी होती है अच्छी गेंद ऑप्शन के बाहर किनारा लगा है फील्डर पीछे सॉथ थर्डमैन का काफी सीधा खड़ा था तो एक रन का पूरा पर्याप्त मौका एक रन की मदद से थर्टी वन इकतीस सीवीआई इलेवन का स्कोर बढ़ता हुआ नब्बे रन का पीछा करने उतरी है यहाँ पे टीम सीवीआई नलेवन की नब्बे रनों की चुनौती यहाँ पे प्रदान की है शुरुआत बहुत ही बढ़िया मिली है पहले दो ओवर में पावर प्ले में जो फायदा उठाना चाहिए वो अब तक तो उठाया है सदानंद और तेजस दरबार ने तेजस दरबार वापिस जा चुके हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म रख के गए अपनी टीम के लिए ये थोड़ा लैक ऑफ बाउंस उसकी वजह से वो ज्यादा हवा में गेंद गई नहीं इस गेंदबाज की गेंदबाजी में वो नजर आएगा थोड़ा उछाल का अभाव और यहाँ से एक रन के साथ अब ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति सोलह प्रति ओवर रन आ रहे हैं बत्तीस रन एक विकेट के नुकसान पे पिछला जो ओवर मयू राणा का महंगा साबित हुआ सोलह रन वहाँ पे आए दो ओवर के बाद बत्तीस रन सिवियाना इलेवन टॉस वैसे तो जीता था अगर देखा जाए तो सी इलेवन ने और पहले फील्डिंग का फैसला जो किया था और रंबे लाइन्स ने नवासी एटी नाइन रन बना दिए नब्बे रन का नब्बे रनों का पीछा करने उतरी सी वी इलेवन की टीम पावर प्ले समाप्त होने के बाद बत्तीस रन एक विकेट के नुकसान पे सदानंद सिंह और जैनिश ठाकुर जैनिश ठाकुर अमूमन स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में अपनी टीम में भूमिका अदा करते हैं। आज वन डाउन बल्लेबाज के तौर पे उनको भेजा गया है कप्तान ने। गजेंद्र okay. सिंह अब गेंदबाजी परिवर्तन के रूप में आए हैं दूर वाले छोर से गेंदबाजी का भार संभालेंगे तीसरे ओवर में सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन जैनिश ठाकुर और पावर प्ले खत्म होने के बाद अब डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग ये दो फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर सामने वाइडिस लॉन्गन मिड विकेट बाउंड्री थर्टी आर सर्कल में एक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास और उस लाइन और लेंथ को बिल्कुल पढ़ नहीं पाए और वो जो गैप बन गया ना पैर और के बैठ पैर और बैठ के बीच में से वहां से गेंद को निकाला ब्रेक थ्रू पहली ही ओवर में दिलाया है यहाँ पे विकेट मिला है गजेंद्र सिंह को और बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी का प्रदर्शन वापिस जाना पड़ेगा यहाँ पे बल्लेबाज जैनिश ठाकुर को दूसरा झटका बत्तीस के ऊपर नए बल्लेबाज आकाश आकाश परमार और राजपूत समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी बात के अब आकाश परमार वापस एक्शन में आए हैं दो साल पहले तीन साल पहले मैंने इनको देखा था खेलते हुए रानकुआ में एक बहुत बड़ा नाम था और बेहतरीन उसी प्रकार से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भी की थी एक अच्छे पिक फॉर्म में चल रहे थे और तीन साल के बाद वापस क्रिकेट में आए हैं और पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे रन लिया है वेरी अर्ली ऑफ द मार्क आकाश परमार तो तीन साल पहले इनको देखा था मैंने और मानना पड़ेगा उनका जो ब्लैड बैट का जो फ्लो था ना पहली बार में देख के पता लग जाता है कि ये एक बड़ा क्रिकेटर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समस्याओं के कारण थोड़ा दूर रहना पड़ा उनको क्रिकेट से लेकिन अब फिर से कुकेरी के लिए एक अच्छे संकेत और थोड़ा सा वहां पे उछाल का भाव ऑप्शन के बाहर सफल करके खेलने का प्रयास सदानंद सिंह के द्वारा लेकिन अब वो जो लाइन और लेंथ थी ना उछाल उसको पढ़ने में नाकामयाब रहे तो ये भी एक वॉचआउट प्लेयर हो गए आकाश परमार उनके ऊपर भी नजरें रहेगी कि वापसी कैसे करेंगे इस बार यह शॉट सीधे बल्ले से वाइड मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद वहां पे रन एक मिलेगा इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी फोर चौतीस रन ओवर यह अच्छा गुजरा है मात्र दो रन आए हैं गेंदबाजी में परिवर्तन किया और वो काम किया है बॉलिंग चेंज है शॉट ये सीधा शॉट अच्छा है फ्लो अच्छा है इनका बल्ले का अभी भी वो जान है इनके बल्ले में उनकी कलाइयों में और इस महीने में जो राजपूताना बिग बैश हुआ था एक, एक से चार अक्टूबर तक रोनवेल में वहां पे भी इस गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की थी इनफॉर्म गेंदबाज है कंट्रोल गेंदबाजी करते हैं रिवर्सिप एडम करने का प्रयास सदानंद सिंह नाखों से थोड़े अपने आप से इसके लिए थोड़ी गति चाहिए यहाँ पे पिछली गेंद के मुताबिक थोड़ी गति कम थी और थोड़ा एग्जीक्यूशन जल्दी कर दिया इस शॉट को उसकी वजह से डॉट बॉल में यह गेंद तब्दील हुई तीन ओवर की समाप्ति पिछले ओवर में मात्र तीन रन आए गजेंद्र सिंह के और एक विकेट भी वहां पर आया थर्टी फाइव पैंतीस रन तीन ओवर की समाप्ति के बाद तीस गेंदों का खेल बचा है पचपन रन चाहिए अगली पांच ओवर में अब यहां से जीतने के लिए पचपन रनों की जरूरत ग्यारह रन ओवर यहां से बनाने होंगे राज तरुण नई गेंदबाज के रूप में एक और गेंदबाजी में परिवर्तन लिफ्ट ऑर्थोडॉक्स ओवर द विकेट इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करेंगे जी हां इस बार पैरों को पकड़ा था बल्लेबाज के और विकेट कीपर बीट हुए वहां पे तो देखना होगा कि अंपायर का इशारा वाइड अतिरिक्त में ये रन गिने जाएंगे और स्पिनर इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार फर्स्ट टाइम स्पिनर इंट्रोड्यूस इन द सिनिंग लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करेंगे लेकिन जरूरी आपका डायरेक्शन क्या होगा वो सही होगा तभी विकेट आएगा जी डायरेक्शन गलत वही बात कर रहा था कि जो बल्लेबाज जो गेंदबाज इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हैं ना उनके लिए जरूरी होता है फ्लाइट और डायरेक्शन डायरेक्शन गलत हुआ ना तो इस प्रकार से आपको छक्का मिल जाएगा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन तरीके से रिवर्स स्विप के अंदाज में शॉट को जड़ा और स्कोर बढ़ता हुआ फोर्टी रन रिवर्स एडम फिर से लगातार दो गेंदों के ऊपर दो प्रयास किए हैं लेकिन इस बार थोड़ी हवा में ज्यादा चली गई है लेकिन मैक्सिमम मिला वहां पे प्रयास जरूर किया कैश का प्रयास लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं था मानना पड़ेगा सदानंद सिंह नाव ऑन फायर दो लगातार वो भी रिवर शिप के अंदाज में शॉट को खेलना और उसे एक ही दिशा में बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छह रन में तब्दील करना ये अपने आप में एक अच्छे और बेहतरीन क्रिकेटर की निशानी है स्कोर 49 रन सदानंद 26 के ऊपर हल्के हाथों से फ्लिक किया है मात और सिंगल मिलेगा इस सिंगल की मदद से 50 रन बॉर्ड के ऊपर नजर आएंगे 50 रन बॉर्ड के ऊपर नजर आ गए हैं और चौथा और मात्र चल रहा है गेंदबाजी में परिवर्तन राज तरुण आए लेकिन यहां पे राज कर रहे हैं सदानंद सिंह टॉस गेंद खराब गेंद थी बैड डिलीवरी गॉट द ट्रीटमेंट विद द मैक्सिमम ओवर टू मिड विकेट एरिया इस ओवर में आड़े हाथ लिया है गेंदबाज को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया है सभी विकटों की उम्मीदों को आकाश परमार बैक विथ द बैंग बेहतर है कड़क है यह बल्ले का फ्लो पहले से ही मुझे पसंद है कवर की दिशा में बेहतरीन शॉट और इस सिंगल की मदद से यह जो जितने भी शॉट इनके बल्ले से आएंगे और आत्मविश्वास वो जो एक छक्का लगा उससे काफी बड़ा है सत्तावन रन सिंगल की मदद से रिवर्स अटेम किया लेकिन वो थोड़ा कैजुअल एफर्ट मुझे नजर आया जो पहली दो गेंदों पर उन्हें जो प्रयास किया था ना उसके मुताबिक ये थोड़ा लेजी एलिगेंट कैजुअल एफर्ट नजर आया तो डॉट बॉल के साथ डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति चार ओवर की समाप्ति सत्तावन रन फिफ्टी सेवन दो विकेट के नुकसान पे चौबीस गेंदों में तैतीस रन चाहिए थर्टी थ्री रन रिक्वायर इन ट्वेंटी फोर बॉल्स तो ये जो चौबीस गेंदों में तैतीस रन चाहिए ना ये कहानी कैसे बनाई जाएगी ये मंजिल कैसे हासिल की जाएगी वो आप सुनेंगे हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर जीतू भाई पटेल की आवाज में स्वागत है आपका महाराणा प्रताप कप सीजन थ्री का ये दूसरा दिन ग्रुप बी का मैच चलता हुआ इधर सिवियाना के बीच में जिसमें जयएम्बेलायस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए नब्बे रनों का रक्स का पीछा करते हुए सिवियाना इलेवन अच्छा खेल रही है सदानंद सिंह जो कि ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे आए थे अभी तक जमे हुए क्रीज के ऊपर गजेंद्र सिंह बहुत ही बढ़िया गेंद ब्लॉक हॉल में डाला हुआ था गेंद पारी का ये पांचवा ओवर जारी है स्कोर है 59 रन आने वाले 21 गेंदों के ऊपर इकतीस रन काफी रोमांचित मुकाबला रहेगा सदानंद सिंह जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप बल्ले में आए थे चौदह गेंदों के ऊपर तीन छक्के एक चौका लगाकर अट्ठाइस के ऊपर बल्लेबाजी मतलब दो सौ का स्ट्राइक रेट एक बार फिर से डाउन टा ग्राउंड खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी टेन टेनाट है देखना हल्का सा फंबल जरूर हुआ है सिर्फ एक रन से संदोष करना पड़ेगा इन एक रन के साथ अब धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ साठ सिक्सटी दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये पांचवा ओवर जारी है एक बार फिर सेहल क्या से खेल दिया है देखना वहां पर शॉट मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तेनाट रन की कोई गुंजाइश नहीं स्कोर है रुका हुआ सिक्सटी साठ पारी का ये पांचवा ओवर जारी है आने वाली 19 गेंदों के ऊपर तीस रन और इस बार गेंद हवा में कनेक्शन बिल्कुल सही है आउट ऑफ द पार्क अंपायर का इशारा छह रन चेरन, इन छह रनों के साथ छलांग लगाता हुआ सिक्सटी सिक्स रन रन सिक्सटी सिक्स आने वाली अठारह गेंडों के ऊपर चौबीस रन गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स गेंदबाजी का आभार पुष्प आए हैं गेंदबाजी करने के लिए शामना करेंगे आकाश परमार छह गेंदों के ऊपर ग्यारह रन बनाकर खेल रहे हैं एक छक्का जरूर लगाया था वहां पर तो क्योंकि सदानंद सिंह बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं सोलह गेंदों के ऊपर 34 रन चार छक्के और एक चौका शामिल और इस बार रिवर्स अटैम्प करने की कोशिश काफी अच्छी गेंदबाजी अभी भी सत्रह गेंदों के ऊपर चौबीस रनों की जरूरत है आकाश परमार और सदानंद सिंह और इस बार आउटसाइड ऑफ स्टम्प ब्लॉक हॉल गेंदबाजी करने की कोशिश है ये लाइन बिल्कुल सही लाइन है रुका हुआ सिक्सटी सिक्स रन सोलह गेंदों के ऊपर चौबीस रन एक बार फिर से आंडा ढूंढी बल्लेबाजी करने की कोशिश देखना वहां पर काफी तेज यहाँ पर भागते हुए एक रन चुरा लिया इन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सिक्सटी सेवन रन हा इस के है। ये आसान सा कैच और बड़ी सफलता सदानंद सिंह आउट होकर पेवेलियन सिवियाना इलेवन को लगने वाला तीसरा झटका चौंतीस रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर वापस लौट रहे हैं सदानंद सिंह अब नए बल्लेबाज के रूप में बहुत ही बड़ा नाम शैलिन दरबार स्कोर है सिक्सटी सेवन रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर चौदह गेंदों के ऊपर तेईस रन से मेरे साथी कमेंटेटर राजेश भाई बता रहे हैं सिक्सर किंग शैलिन दरबार का आगमन हुआ है लेकिन हल्के से खेल दिया देखना और हल्का सा फंबल हल्का सा फंबल गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर इन दो के साथ है। बार अपने की शुरुआत की स्कोर बढ़ता हुआ सिक्सटी नाइन रन तेरह गेंदों के ऊपर इक्कीस रन हा इस बार बल्ले का किनारा बड़ी सफलता सैलिंडर को सैलिंडरबार लौटना होगा बहुत ही बड़ा झटका सीवियना इलेवन को लगने वाला यह बड़ा झटका नए बल्लेबाज के रूप में कल्पेश परमार जो कि अपना घरेलू क्रिकेट वाकल से खेलते हैं जो कि यहाँ पर मेरे साथ में बैठे पाठ पर बता रहे हैं कि वाकल के पोलाट के नाम से जाने जाते हैं दिग्विजय राज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपने पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे आने वाली बारह गेंदों के ऊपर इक्कीस रन पहली गेंद हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड खेला है देखना वहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात सिर्फ सिंगल सिर्फ सिंगल एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सेवेंटी ग्यारह गेंदों के ऊपर बीस रन बहुत ही रोमांचित तो मुकाबला कल्पेश परमार आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में अंपायर से गार्ड लेते हुए से डाउन ग्राउंड खेला है पहला रन ने काफी तेजी से लॉन्ग की दिशा में सिर्फ एक रन एक रन के साथ यहां पर अपने अकाउंट की शुरुआत की स्कोर बढ़ता हुआ सेवनटी वन रन का ये सातवा ओवर जारी आने वाली दस गेंदों के ऊपर उन्नीस रनों की जरूरत और इस बार जो कि खुद विकेट कीपर भी लड़खड़ा है किसी नीचे रहती हुई गेंद इस गेंद को सबरीन गेंद कहा जा सकता है पढ़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती है काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिल रही है डिग विजय राज के द्वारा एक बार फिर से हल्के एक्स्ट्रा दिशा में खिलाड़ी टेन आठ देखना पहला रन काफी तेजी से सिर्फ एक रन सिर्फ एक रन काफी अच्छी फील्डिंग सिंगल या डबल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्कोर है सेवेंटी टू बहत्तर रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर आठ गेंदों के ऊपर अठारह रन इस ओवर से दो गेंद और भी आनी बाकी है। और इस बार हल्के आटो से खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी टेन आठ देखना वहां पर स्कोर बढ़ता हुआ सेवेंटी थ्री रन साठ गेंद सत्रह रन मतलब ये गेंद बहुत ही निर्णायक गेंद साठ गेंदों के ऊपर सत्रह रन इस बार गेंद हवा में फील्डर यस यहां पर कोई गलती नहीं की आकाश परमार की पारी समाप्ति लगने वाला ये पांचवा झटका आने वाली छह गेंदों के ऊपर सत्रह रन छह गेंदों के ऊपर सत्रह रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए पुष्पराज सिंह अपने पहले ओवर में सिर्फ तीन रन खर्च किए थे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी आ खूब सुरट गेंदबाजी हल्की सी आउट स्विंग गेंदबाजी करने की कोशिश हर हरविंडी के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर एक मानसिक दबाव जरूर रहेगा 60 गेंद पांच गेंदों के ऊपर 17 रन पांच गेंदों के ऊपर 17 रन बहुत ही रोमांचित मुकाबला देखने को मिल सकता है यहां पर फील्डिंग में एक बार फिर से हल्का सा परिवर्तन एक सही सोच मानी जाएगी यहां पर और एक बार फिर से आंडा डूडी बल्लेबाजी करने की कोशिश कल्पेश परमार जो कि कुछ लय में नहीं दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से लगातार तीन बिंदी गेंदे खूबसूरत गेंदबाजी खूबसूरत गेंदबाजी पुष्पराज सिंह जो कि बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाह रहे थे देखना है वहां पर लेकर बाहरों ने किनारा लिया था सिर्फ एक रन दो गेंदों के ऊपर सोलह रन एक समय था जब सोलह गेंदों सोलह गेंदों के ऊपर चौबीस रन चाहिए थे अठारह गेंदों के ऊपर चौबीस रन अब दो गेंदों के ऊपर सोलह रन मैच कहां से कहां आ चुका है काफी अच्छा कम्पैक्ट किया है वहां पर अम्बिलाय इस बार गेंद हवा में खूबसूरत कैच लिया वहां पर एक और झटका लगने वाला ये छठा झटका आटी से आउट होकर पेविलियन हेलो ओम साई के कप्तान अपने प्लेइंग इलेवन लेके कमेंट्री बॉक्स के आगाड़ी टॉस करने के लिए आ जाए ओम साई के कप्तान अगला मैच ओमसा इलेवन वर्सेस सीवियाना इलेवन के बीच में होगा तो दोनों टीम के कप्तान जो कि अपना प्लेइंग लेके कमेंट्री बॉक्स के आगे आ जाए और इस बार है जो कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए ये खिलाड़ी को साइड पहले भेजना चाहिए था आखिरी गेंद के ऊपर छक्का और ये मुकाबला नौ रन से जीता यहाँ पर पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच पुष्पर आज सिंह स्टेज के आगाड़ी अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए जाए संजय काका अगली दस मिनट में तीज मैच ओमसा इलेवन वर्ष सीवियाना इलेवन वर्चे थे तो टॉस मे बने कैप्टन स्टेज आगाड़ी आई जाए सिर्फ पांच मिनट का इंटरवल रहेगा अगला मुकाबला ओम साई इलेवन और शिवियाना इलेवन के बीच में होगा पांच मिनट के ब्रेक के लिए मैं क्षमा चाहता हूं पुष्पराज सिंह थैंक यू डीजे जस्ट वेट डीजे डाउन सिंह जो पिछला मैच बेहतरीन तरीके से लायंस ने नौ रनों से मुकाबले को जीता तो दस गेंदों में उनतीस रनों की पारी खेली पुष्पराज सिंह और जब गेंदबाजी का भार कप्तान ने उनको सौंपा तो वहां पे उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की दो ओवर में दस रन तीन विकेट निकाले पुष्पराज सिंह वॉच आउट प्लेयर है ये मैंने कहा था कि आज के दिन के मुकाबले जो हो गए उसमें इस प्लेयर के ऊपर नजर रहेंगी पुष्पराज सिंह नाम याद रखिएगा तो जो मुकाबला मानना पड़ेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरा एक अलग फेस में मैच चला पहले पांच वगैरह अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से दूसरी पारी में सिवियाना इलेवन का हाथ ऊपर था क्योंकि सदानंद सिंह एक बेहतरीन पारी खेली सोलह गेंदों में चौतीस रन जैसे उनका विकेट गिरा उसके बाद ऐसा लगा जैसे थोड़े कंधे झुक गए सीवीआईन इलेवन के वापसी उन्होंने करनी चाहिए प्रयास भी किए लेकिन एक ऐसा गेंदबाज डेथ होर में बचाए रखा था मे लायंस ने पुष्पराज सिंह और उन, उन उनकी जो पजल थी ना वो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन मानना पड़ेगा मिस्ट्री गेंदबाज घुमाना जानते हैं अच्छे टप्पे के ऊपर डाल के बल्लेबाज को परेशान करना जानते हैं ये उनका रेप्यूटेशन है और रेप्यूटेशन के साथ खेले और अंत में थोड़ा प्रयास किया जरूर आकाश परमार ने द कम मैन तेरह गेंदों में, में चौदह रन बनाए लेकिन वो उतने पर्याप्त नहीं हुए और अंत में जहाँ पे सत्रह रनों की जरूरत थी आखिरी ओवर में तो मात्र वहाँ पे बारह रन बने और जी माफ कीजिएगा वहां पे उस ओवर में उतने ज्यादा रन पुष्पराज सिंह ने खर्च नहीं किए और सात रन दिए मात्र और तीन विकेट भी अपने स्पेल में निकाला तो इस प्रकार से इस मैच को नौ रनों से बेहतरीन तरीके से वापसी करके जीता है अगले मैच का टॉस हो रहा है सीवियन इलेवन और ओमसा इलेवन के बीच में ओम साई इलेवन का कॉल है तीसरा मुकाबला आज के दिन का ग्रुप बी के सभी मुकाबले चल रहे हैं और इस तीसरे मुकाबले में ओम साई इलेवन जिन्होंने टॉस जीता है और पहले एज वी एक्सपेक्टेड उन्होंने भी फील्डिंग का फैसला किया है सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट ओम साई इलेवन है टॉस एंड डिसाइडेड तो फील्डिंग फर्स्ट तीसरा मुकाबला आज के दिन का कुछ ही देर में आप आपके सामने उसका लाइव एक्शन आप देख पाएंगे कुछ ही देर में जल्द ही उस मैच की शुरुआत होगी पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्माइल चैनल फॉर यू आनंद पटेल इस चैनल के ऑनर उसके अलावा इस टूर्नामेंट में जो एज अंपायर के तौर पे अपनी भूमिका निभाएंगे अर्जुन टंडेल सर आशुतोष ठक्कर और जीतू भाई पटेल और इस यूट्यूब के ऊपर जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसके कैमरामैन के तौर पे जिग्नेश राठौड़ रौनक राठौड़ और जय पटेल किरी खिरोज के ऑनलाइन स्कोरर हमारे साथ मिस्टर सलमान रावत एक हज़ार से भी ज़्यादा मैचिस में स्कोरिंग अब तक वो कर चुके हैं तो अपने आप में एक माइलस्टोन क्रिएट किया है उन्होंने और डीजे ऑपरेटर के तौर पे विनेश पटेल कलवाड़ा विशाल साउंड और कमेंट्री बॉक्स से जीतू भाई पटेल बलसाड़ से बिलोंग करते हैं और मैं राजेश आचार्य इस महाराणा प्रताप कप जो 2022 सीजन तीसरा स्वागत है सभी टीमों का तो कुछ ही देर में आज के दिन का तीसरा मुकाबला हम आपके सामने लेके आएंगे थैंक यू डीजे इस टूर्नामेंट के साथ एक और अगर बात की जाए तो आईसीसी टी20 टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और पूरी तरीके से दावेदारी यहां पे प्रस्तुत की है भारत ने अपनी श्रीलंका न्यूजीलैंड के बीच में डेढ़ बजे से एक और मुकाबला आज शुरू होगा और दोनों अंपायर से विनती करेंगे कि बीच मैदान में, में पहुंच जाए और एक जो संदेश है पूरे भारतवर्ष में वो वर्ल्ड कप के लिए जो फैल रहा है वो आपके सामने हम लेके आएंगे हेलो फ्रेंड्स मैं राजेश आचार्य क्रिकेट कमेंटेटर आज हम बात करेंगे टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप की पहला वर्ल्ड कप 2007 में आज से 15 साल पहले भारत ने जीता था तो आज उस बात को 15 साल हो गए हैं पंद्रह सालों से पिछले पंद्रह सालों से वो जीत का जश्न नहीं दिखा जीत के वो नज़ारे नहीं दिखे वर्ल्ड कप उठाने वाला वो नया कप्तान नहीं मिला तो भारतीय टीम अब खत्म करो इंतजार बहुत हुआ इंतजार टीम इंडिया ले आओ वर्ल्ड कप फिर से एक बार चाहिए जी हाँ टीम इंडिया वर्ल्ड कप ले आओ फिर से एक बार क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के बाद वो दूसरा कप्तान मिला नहीं है कि जो भारत को चैंपियन बना पाए और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत में लेके आए तो इस बार उम्मीदें हैं रोहित शर्मा से पूरी कॉन्ग्रेचुलेसन एडवांस में करेंगे और बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया के लिए और यहाँ पे भी सभी खेलने वाली टीमों को और आज के दिन जो चार टीमें ग्रुप बी की उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक सभी को तुरंत ही अब जल्द से जल्द आज के दिन का तीसरा मुकाबला शुरू होगा थैंक यू डीजे तो अब आज के दिन का तीसरा मुकाबला ओम साई इलेवन और सीवीआन इलेवन के बीच में तो दोनों के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये मुकाबला मोस्ट विन कंडीशन डू और डाई कंडीशन होगी लेट्स प्ले अंपायर का ही सारा और क्योंकि जो दोनों टीमें सी वी इलेवन वो भी अपना पहला मुकाबला हार चुकी है और ओम साई इलेवन वो भी अपना पहला मुकाबला हार चुकी है तो दोनों टीम यहाँ से जीत की शुरुआत करना चाहेगी खाता खोलना चाहेगी जीत का पहली गेंद सीधे बल्ले से बुक में खेलने का लेकिन वहां पे मिड ऑफ के ऊपर खड़े ने कोई गलती नहीं की तेजस दरबार जो पिछले मुकाबले में पहले ओवर में एक बेहतरीन दो सिक्सर और चौका लगाया था लेकिन यहाँ पे कप्तान के भरोसे पे खड़े नहीं उतरे और गोल्डन डक के स्वरूप वापिस जाएंगे पहली गेंद के ऊपर झटका लगा सीवीआईन को एक लॉफ्टर ड्राइव खेलने का प्रयास वहाँ पे तेजस दरबार के द्वारा हुआ मिस टाइम वो शॉट थोड़ा हवा में ज्यादा चली गई और नई गेंद है तो अमूमन आर सर्कल में वो कैचेस जाने के जो आशंका है वो थोड़ी बढ़ जाती है तो वहीं इस बार मसला हुआ तेजस दरबार के साथ लेकिन अच्छी शुरुआत जीत राठौड़ एक अच्छी शुरुआत विकेट के साथ यहाँ पे शुरुआत करवाई अपनी टीम को ये दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी है मुकाबला अब स्लीप एक खड़ी कर दी गई है ये शॉट बेहतर है ये शॉट कड़क है खाता खोलने का बल्लेबाज का अपना ही अंदाज है ओवर पिच डिलीवरी आउटसाइड डी ऑप्शन फुल फेस फुल फेस ऑफ द बैट ओवर टू लॉन्ग ऑन वाइड इज लॉन्ग ऑन एरिया फॉर द मैक्सिमम क्या अंदाज है खाता खोलने का मानना पड़ेगा जैनिस ठाकुर खाता खोला छोटी पटकी हुई गेंद इस बार एरिया चुना लॉन्ग लगाने के बाद वो ज्यादा लालच करने गए ऊपरी किनारा लग गया थोड़ा डायरेक्शन जो गेंदबाज ने वो पिछली गेंद में हाफ वाली थी इस बार छोटी पटकी हुई गेंद थी लेकिन पुल शॉट खेलने के प्रयास में ऊपरी किनारा ऊंचाई मात्रा हासिल हुई लेकिन लंबाई मिली नहीं और लॉन्ग लेग की दिशा में लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर को ढूंढ निकाला और दूसरा विकेट दूसरे विकेट का यहां पे पतन हुआ है वापस जाएंगे जयनिश ठाकुर एक छह रन जरूर लगाए कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे लेकिन गलती कर दी दूसरा झटका छ के स्कोर के ऊपर लगता हुआ सीवीआई ने इलेवन को क्रिकेट का एक अपना ही अलग ये मजा होता है ये खेल अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है एक पल में सिचुएशन कहीं और नज़र आती है दूसरे पल में वो सिचुएशन किसी और के पक्ष में चली जाती है तो इससे ये जो एक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल ये खेल है ये इस बार ऊपरी किनारा लगा है लेकिन स्क्वायर लेग को क्लियर किया है सदानंद सिंह पिछली मैच में एक बेहतरीन पारी खेली थी वहां से अपना जो फॉर्म उन्होंने प्राप्त किया था उस फॉर्म को जारी रखा है यहाँ पे भी पहली गेंद के ऊपर मैक्सिमम आया है छोटी पटकी हुई गेंद थी लेकिन इस बार बल्लेबाज जो था ना वो राइट हैंड बैट्समैन था वो इनफॉर्म प्लेयर सदानंद था छह रन के साथ बारह रन ये कमाल का ओवर हो रहा है रन भी आ रहे हैं विकेट भी आ रहे हैं पैरों के ऊपर गेंद थी मात्र फ्लिक किया एक मात्र फील्डर वहां पे मौजूद था लेकिन सीधा उनके हाथों में अच्छी वापसी वहां पे बल्लेबाज के चरणों में गेंद डाली थी डाउन द लेग बारह रन दो विकेट के नुकसान पे काफी कुछ घटा है इस ओवर में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास अपील वहां पे की गई है कॉट बिहाइंड की लेकिन इस अपील को नकारा है उत्साह और विश्वास था लेकिन अंपायर जानते थे कि वहां पे बल्ले का कोई भी हिस्सा लगा नहीं है तो पहले ओवर की समाप्ति इंटरेस्टिंग ओवर हुआ समाप्त बारह रन आए दो तो मैक्सिमम आए लेकिन दो विकेट भी मिले हैं तो ये दोनों तरफ से ये ओवर देखा जाए तो सही गुजरा है तो पहले ओवर की समाप्ति सीवीआई ने इलेवन बारह रन दो विकेट के नुकसान पे ओवर की समाप्ति बारह रन धर्मेंद्र सिंह नए गेंदबाज के रूप में विल प्रोसीडिंग फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स एंड इन सेकंड ओवर प्ले विद द सॉफ्ट हैंड जस्ट फ्लिक चांस फॉर द इनफ फॉर द सिंगल दूसरे की मांग थी लेकिन जी नहीं क्योंकि शायद रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन अब यहाँ से साझेदारी करनी पड़ेगी वो विकेट गंवाना नहीं चाहेंगे और बल्लेबाजी में थोड़ा प्रमोशन कल्पेश भाई को मिला है सलामी बल्लेबाज के तौर पे भेजा गया है ये शॉट अच्छा है कवर के ऊपर से ओवर था तो टॉप फील्डर उसके पीछे भागेंगे लेकिन मात्र गेंद को उठाने के लिए जाएंगे सदानंद सिंह पिछले मैच में सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे लेकिन यहाँ पे कप्तान की एक अलग सोच के इनको अगर थोड़ा मिडल ऑर्डर में लाया जाए ना तो वो साझेदारी भी अच्छी बना सकते हैं इनिंग को बिल्डअप भी कर सकते हैं और अंत में एक फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं तो वही सोच रही है और अच्छी सोच है ये सत्रह रन ये फ्लैक्सीबल प्लेयर है कहीं भी खेल सकते हैं और ये आप में ये पोटेंशियल होना चाहिए एक आपने ये क्षमता होनी चाहिए कि टीम की जरूरत के हिसाब से आपको खेलना है बड़ा है ये मिस टाइम शॉट हुआ है नो मैं गेंद गिरेगी थोड़ा शॉट वैसे अगर खेलना चाहते थे वो मिड ऑफ के ऊपर से लेकिन जो गति थी ना उसकी वजह से उनका जो बल्ला वही वो दिखा रहे हैं कि बल्ला थोड़ा ड्रैग हुआ उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा कवर की ओर गेंद चली गई सही परिणाम यह रहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ विकेट नहीं आया अठारह रन इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन कनेक्शन उतना ठीक हो नहीं रहा है धीमी गति की गेंदे उसको पढ़ने में थोड़ी नाकामयाबी अब तक हासिल हुई है बल्लेबाज कल्पेश को लेकिन साझेदारी यहां से चाहिए जो दो झटके जल्दी लगे उसमें से उभरना है यह शॉट इनका बेहतरीन है क्या शॉट है यह हाफ फॉल गेन उसको खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर वो भी रिवर्स स्विप के अंदाज में मानना पड़ेगा वॉट ए इम्प्रोवाइजेशन बाय द सदानंद सिंह ये इनका पका पकाया हुआ शॉट है इनके ऊपर महारत हासिल है इनको वो कहते हैं ना बल्लेबाज के कुछ ऐसे शॉट होते हैं आप क्रिकेट में देखते हो दे, एवी डी विलियर्स का जो बैकवर्ड स्वीप है जो बैकवर्ड वो स्वीप खेलते हैं विराट कोहली का जो हम कवर ड्राइव देते हैं सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव वो ऑइन मॉर्गन जो रिवर्स कूप खेलते थे अपना खुद का एक वो ट्रेड बार शॉर्ट होता है बल्लेबाजों का तो इसी प्रकार का जैसे टेनिस में हम देखते हैं जिमी दरबार का वो पुल शॉट फेवरेट है फिर शैलीन दरबार के आउटसाइड ऑप्शन से जाके वहां से मिड विकेट क्लियर करना वो उनका फेवरेट शॉट है तो ऐसे सब ट्रेडमार्क शॉट होते हैं तो वैसे सदानंद का ये फेवरेट शॉट उनका ट्रेडमार्क दोवर के बाद 25 रन दो विकेट के नुकसान पे सिवियाना इलेवन साढ़े बारह की औसत से यहाँ पे रन आए हैं पहले दो ओवर में 25 रन दो विकटे यहाँ पे गवाई है सीवीएन इलेवन की टीम ने लेकिन सदानंद सिंह एक बेहतरीन पारी फिर से अपनी टीम की भागदौर उन्होंने अपने हाथ में ली है और ये मुकाबला तो दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी है क्योंकि यहां से अब हार नहीं सकते क्योंकि आगे का सफर काफी मुश्किल हो जाएगा दोनों टीम जीतना चाहेगी तो ये आज के दिन का सबसे इंटरेस्टिंग ये मुकाबला है नजरे जमाए रखेगा इसके ऊपर इसका टेलीकास्ट भी हो रहा है लाइव टेलीकास्ट माइल चैनल फॉर यू के जरिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बार अच्छी गेंद थी पैरों को पकड़ा था लेकिन मिसिंग द लेग लेग स्टम्प के बाहर जा रही थी क्योंकि उनका जो स्टांस था ना वो ही क्लियर कर रहा था बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन गति में परिवर्तन और उछल का थोड़ा अभाव इस कौन से हमने देखा है ऑफ स्टंप के बाहर हमने देखा है कि ये के ऊपर जब भी गेंद गिरती है ना तो वहां से थोड़ा उछाल कई कबार कम प्राप्त होता है फिर से इस बार उसी रिसा में इसी वजह से किनारा लगा ये उछाल का ये अभाव है ना उसकी वजह से शॉट थोड़े टाइम हो रहे हैं ये विकेट की खासियत है स्पॉटिंग विकेट है गेंदबाज को भी मदद मिलेगी घुमाव भी है उछाल भी है और मैरिट के ऊपर खेले तो अच्छे रन भी बन सकते हैं। अपना फेवरेट शॉट निकाला था पिटारे में से लेकिन ये वो रिवर स्विप वाली लाइन और लेंथ नहीं थी इसके लिए थोड़ी बैक ऑफ लेंथ चाहिए थोड़ी गति चाहिए गति तो थी लेकिन अगर गेंद में घुमाव मिलेगा ना इन स्विंग अगर आएगी या तो आउट स्विंग आएगी तो रिवर स्विप थोड़ा मुश्किल शॉट बन सकता है लेकिन ओवर ये अच्छा गुजर रहा है अगर फील्डिंग के लिहाज से देखा टीम की ओर से लगातार बल्ला घुमाए जा रहे एक ही टप्पे के ऊपर ये मुझे पसंद आई ये जो गेंदबाज की है ना अंकित वाला ये भी एक वॉच आउट क्रिकेटर में है इनके ऊपर भी नजरे रहती है शॉट बेहता रहा है और फील्डर को ढूंढा रिवॉर्ड मिला है डॉट बॉल का जो दबाव बना था सदानंद के ऊपर उस दबाव को वो झेल नहीं पाए और एक सॉफ्ट नील वहां पे मौजूद थे एक सॉफ्ट माना जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पी, इसके पीछे ताकत जरूरत थी अगर वो ताकत लगती ना तो आसानी से वो स्क्वायर ऑफ द तो विकेट थोड़ी बाउंड्री छोटी है उसको आप क्लियर कर सकते थे लेकिन अब थोड़ा टाइम आप एक्शन रिप्ले में भी देख सकोगे कि थोड़ा अपने ऑन द फीट टॉ के ऊपर खड़ा होके वो शॉट खेलने का प्रयास उसकी वजह से वो जो ताकत थी ना वह कम हो गई ऑन द फीट आप शॉट तभी खेल सकते हैं जब आपको सामने की दिशा में शॉट खेलना हो क्योंकि वो सामने की दिशा में ऑन द फीट वो ओवर द टॉप शॉट बनता है यहाँ पे थोड़ा एरिया गलत चुना क्रिकेटिंग टैक्टिक के थोड़ा विपरीत शॉट ये खेला और झटका लगा है यहाँ पे सी वी को तीसरा और शैलिन दरबार एक और आइकॉनिक क्रिकेटर ना कि राजपूत समाज से बल्कि पूरे गुजरात टेनिस क्रिकेट की ओर से और बाहर भी ये खेलने जाते हैं तो एक और वॉच आउट क्रिकेटर और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी सीवीएन इलेवन के लिए तुषार देसाई गेंदबाजी के रूप में चौथा ओवर लेके आएंगे और पिछला ओवर काफी अच्छा रहा मानना पड़ेगा वो जो ओवर डाला अंकित बाला ने और uh, मेडन ओवर वो रहा था एक विकेट आया था इस बार इस टाइम शॉट फील्डर उसके नीचे जी नहीं नो मैं स्लैंड में गिन गिरेगी मिस टाइम शॉट अभी तक देखा जाए तो कल्पेश का बल्ला खामोश रहा है प्रयास उनके द्वारा हो रहे हैं लेकिन वो लय वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तीन ओवर की चौथा ओवर प्रगति पर है सत्ताईस रन बॉर्ड के ऊपर सैलिन दरबार स्ट्राइक के ऊपर रिवर्स अटैम्प किया और खेलने का प्रयास किया था उत, थोड़ा उछाल मिला और ये थोड़ा अतिरिक्त करने का प्रयास सैलिन के द्वारा पहले गेंद के ऊपर इंप्रोवाइजेशन करना चाहते हैं ऊंचे लंबे कद के ये गेंदबाज है तो उनका रिलीज पॉइंट काफी ऊपर से आता है इस बार कट किया है बेहतरीन ये इनका अंदाज़ अपना ये शॉट नहीं बल्कि संदेश था सैलिन दरबार का खाता खोलने का ये अलग अंदाज था रूम मिला ऑप्शन के बाहर और अब पूरे बल्ले से वो कट जो होता है ना स्क्वायर कट वाला वही कट यहां पे नजर आया रूम आउटसाइड दी ऑप्शम प्ले वेरी इंटेंशनली और अब फील्डर वहां पे मौजूद प्रोटेक्शन वहां पे खड़ा कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर डीप में अच्छी गेंद थी है चकमा दिया था वहां पे फ्लिक करने का प्रयास था कलायोग के सहारे मोड़ने का प्रयास था लेकिन जल्दी वहाँ पे अपना जो बल्ला है ना वो बंद कर दिया और इस गेंदबाज के पास ये खासियत है वो गति देते नहीं है थोड़ा वो महेश थिक्साना वाला एक्शन इनका नजर आता है जब वो गेंद छूटती है थर्टी वन इकतीस रन ये इस बार थोड़ी पढ़ने की और पढ़ने के बाद बाहर की ओर निकली थी जगह पैसे स्टैंड एंड डिलीवर करना चाहते थे सैलिन लेकिन कोई कनेक्शन हुआ नहीं एक चौका आया इस ओवर में लेकिन फिर भी ओवर अच्छा गुजर रहा है इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और हल्के हाथों से एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे सैलिन और चार ओवर की समाप्ति बत्तीस रन तीन विकेट के नुकसान पे पिछला ओवर तुषार देसाई का अच्छा रहा मात्र 6 रन आए उस ओवर में तो पहला हाफ यहां पे इस समाप्त हुआ है तो चार ओवर की समाप्ति बत्तीस रन तीन विकेट गवाई है पूरी जिम्मेवारी और इस टीम की जो भागदौड़ होगी अब वो सैलीन दरबार के हाथ में टीम के आइकॉनिक प्लेयर है और इनको देखना एक अपने आप में एक अच्छी बात होती है कई सालों से क्रिकेट में कई सालों से हम देखते आ रहे हैं सैलिन दरबार को अपने क्रिकेट का हुनर प्रदर्शित करते आ रहे हैं और वो जो क्रिकेट में समय का नियम होता है चालीस मिनट में आपको आठ ओवर खत्म करने होते हैं वो थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा सभी टीमों से हम अनुरोध करेंगे गेंदबाजी में कंटिन्यू करेंगे अंकित बाला पहला ओवर मेडन रहा था विकेट आया था फील्डिंग में परिवर्तन वाइड लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग पीछे फाइन लेग थर्टीआर सर्कल के अंदर है ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जो कठिन सवाल सदानंद को पूछे थे वही सवाल यहाँ पे वापिस दोहराया है शैलिन दरबार के सामने क्वेश्चन बाय द अंकित बाला शॉट बेहतर है कड़ाट है फील्डर वहां पे उसको बीट करेंगे देखना होगा जी नहीं रोका है अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन सैलीन दरबार के बल्लेसा मुझे जब भी शॉट निकलता है ना तो वो फील्डर को काफी अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि ताकत आती है ना उस शॉट के पीछे लेकिन अब तक तो देखा जाए जो सात गेंदे खेली है सैलीन ने वहां पर थोड़ा खामोश रखा है लेकिन वो कहते हैं ना खामोशी से खेला गया खेल कई कबार खतरनाक होता है तैतीस रन कल्पेश परमार शॉट अच्छा है ये पैरों के ऊपर गेंद डाली थी वहां से फ्लिक किया है फील्डर मौजूद वाइडिस लॉन्ग वन के ऊपर अंकित बाला अच्छा ओवर ये भी घट रहा है पहले ओवर में अगर आपको सफलता मिलती है वो भी मेडन विकेट तो अपने आप में वो अलग ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि क्रिकेट कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का खेल है इस बार डाउन द दा लेग अंपायर के दिमाग में वही चल रहा है क्योंकि शायद लेग स्टम्प को मिस कर रही थी सफल करके खेलने का प्रयास था शैलिन दरबार के द्वारा लेकिन थोड़ा मिस टाइम इस बार हल्के हाथों से सीधे बल्ले से कवर की दिशा में थर्टी फाइव पैंतीस रन लेम्प के बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी White का इशारा वहां पे बल्लेबाज को फॉलो कर रहे थे लगातार तो उसकी वजह से थोड़ा ये दिशा से बटके इंटेंशनली लेग के ऊपर गेंद डाली थी उन्होंने फिर से वही प्रयास इस बार डाउन द ग्राउंड फील्डर सामने मौजूद है वाइड लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में और एक रन मात्रा हासिल होगा और पांच ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर है थर्टी सिक्स छत्तीस रन तीन विकेट के नुकसान पे अंकित बाला बेहतरीन स्पेल उनके द्वारा डाला गया 37 सेवन माफ कीजिएगा सड़तीस रन और दो ओवर में अंकित रन एक मेडन और एक और विकेट आज के दिन के दूसरे ऐसे गेंदबाज और इस टूर्नामेंट के ऐसे दूसरे गेंदबाज जिन्होंने ओवर डाला हो इससे पहले विशाल सिंह ने यह कारनामा किया था पहले ही मैच में टाइगर इलेवन की ओर से दो मेडन डाले थे तो अब पांच ओवर की समाप्ति अठारह गेंदों का खेल पहली पारी में बचा है ये अठारह गेंदे यहां से काउंटर अटैक करना पड़ेगा सात विकेट अभी भी हाथ में है तो जो स्ट्राइक गेंदबाज थे धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जो स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में आए थे जिन्होंने दूसरा ओवर डाला था अब गेंदबाजी में वो आए हैं स्टंप के बाहर वाइड का इशारा थोड़ी ज्यादा फ्लाइट प्रदान करने के प्रयास में दिशा से भटक गए उंगलियां घुमाते हैं ये पहला और महंगा रहा था जहां पे तेरह रन इन्होंने प्रदान किए थे शॉट ये बेहतर है शॉट ये कड़क है कब से सेट हुए थे ये बल्लेबाज अब हाथ खोलने का जब मौका मिला है तो वहां पे उन्होंने छक्का जड़ा मिड विकेट को क्लियर किया है और इस छह रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 40 44 रन ये शॉट बेहतर था और ये जो थोड़े दबाव में लग रहे था ना वो दबाव काफी हद तक रिलीज होगा प्रेशर रिलीज करने वाला ये मैक्सिमम था 44 रन शॉर्ट ये भी अच्छा है हवा में ऊंचाई का छक्का और लंबाई का भी छक्का मिलेगा जी हाँ कैमरामैन मैन के ऊपर से यह शॉट इतनी ऊंचाई मिली थी और जो लॉन्गन के ऊपर से उसको क्लियर करना चाहते थे और यहां से अब अलग फेस में मैच चलेगा आखिरी के तीन ओवर में रनों की बारिश चाहिए तो उसकी शुरुआत यहां पे कर दी गई है बल्लेबाज नाम है कल्पेश पचास रन बोर्ड के ऊपर इस बार फिर से प्रयास हुआ है फील्डर इंटरेस्टेड है, लेकिन मात्र दर्शक बने प्रयास किया फिर भी मैक्सिमम नहीं रोक पाएंगे मानना पड़ेगा कल्पेश परमार जीतू भाई ने कहा था कि वाकल के कैरन पोलाड है तो ये उन्होंने जो अपना रेप्युटेशन बनाया है ना उस रेप्युटेशन के ऊपर खेल रहे हैं जी अब आप, आप अपने नाम से नहीं बल्कि काम से जाने जाते हैं नाम बड़ा या छोटा नहीं कहानी बड़ी होनी चाहिए कहानी यहां पे 19 रनों की चार गेंदों में स्ट्राइक रोटेशन अब हुआ है पहली तीन गेंदों के ऊपर लगातार तीन मैक्सिमम पहला वाइड आया था और अब स्ट्राइक के ऊपर सैलिन दरबार दस गेंदों में 23 के ऊपर कल्पेश परमार एक नई सोच के साथ उतरी थी जहां पे कल्पेश परमार को सलामी बल्लेबाज के तौर पे भेजा गया और वह सही सोच साबित हुई सत्तावन रन इस बार ये भी जाएगा बार पार्टी ज्वाइन द कल्पेश परमार हाथ उन्होंने भी अपने खोले हैं और अपना ट्रेडमार्क शॉट जो मैंने बताया था ना कि ऑप्शन के बाहर सफल करेंगे हाफ ऑली गेंद हो या यॉर्कर हो वहां से उसको उड़ाएंगे मिड विकेट लॉन्गन के ऊपर से 63 ये खेल अब अलग मोड़ पे चला है बेहतर है हेलीकॉप्टर छोटा सा निकाला लेकिन बल्ले का फ्लो ये बेहतरीन था और अब छह ओवर की समाप्ति 64, फोर चौसठ रन 64 रन पिछले ओवर में अगर देखा जाए ना धर्मेंद्र सिंह राठौर 27 रन खर्च किए चार छक्के उसमें शामिल पिछले ओवर में सत्ताईस रन आए और यह पूरा मैच में वो टर्निंग होता है ना वहां से कारवा थोड़ा अलग दिशा में चला है पहली पांच ओवर में क्या हुआ वो उससे कुछ मायने ही नहीं रखता आप शुरुआत कैसे करते हैं वो जरूरी नहीं आप कैसे खत्म करेंगे ना वो जरूरी रहता है पांच ओवर में ऐसा लगा ये स्कोर जिस प्रकार से चल रहा था लेकिन उसके बाद कल्पेश परमार और शैलिन दरबार और बेहतरीन तरीके से पिछला ओवर अच्छी तरीके से बड़े ओवर में उसे तब्दील किया और वो कहते हैं ना कि फिक्र करता है कि वो फिक्र करने से होता है क्या कर ले तो खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या वही भरोसा यहाँ पे कल्पेश परमार ने अपने के ऊपर दिखाया और अब ओवर के बाद सिक्सटी फोर चौसठ रन ग्यारह गेंदों में चौबीस कल्पेश और सैलिन दस गेंदों में 13 के ऊपर तो सर देसाई गेंदबाजी का अब भार संभालेंगे एंड उनका चेंज हुआ है दूर वाले छोर से गेंदबाजी लेके आएंगे सामने सैलिन दरबार यह शॉट बेहतर है गैप वहां पे ढूंढा है देखे जाएगी जी नहीं खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन निश्चित तौर से तीन रन बचाए जिस गति से गेंद जा रही थी ना ऐसा लगा के साइड निकल जाएगा लेकिन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग पी सब पीस ऑफ एफर्ट 65 फाइव पैंसठ रन स्ट्राइक के ऊपर ताबड़तोड़ कल्पेश परमार फॉर्म में आ चुके हैं और बल्ले के साथ गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से अब कनेक्ट हो रही है फील्डिंग में लगातार तब्दीलिया मिड विकेट लेग लॉन्ग ऑन वाइड लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर भी अब तो खड़ा कर दिया है बाउंड्री लाइन के ऊपर इस बार क्रॉस बैटेड थोड़ा लैक ऑफ बाउंस नजर आया उसकी वजह से वो डाउन द दा ग्राउंड शॉट गया छासठ सिक्सटी सिक्स रन सठ रन कदमों का इस्तेमाल किया है मिड ऑफ को वहां पे क्लियर किया है ओवर द टॉप ये शॉट कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन शॉट ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है सैलिन दरबार तो जल्दी पहुंच जाते हैं वो लेंथ के ऊपर और अच्छी तरीके से यहाँ पे लेंथ को पड़ा और एक बेहतरीन सीधे बल्ले से चौका जड़ा यह भी इनके पास कला है ये ताकत का भी प्रदर्शन करते हैं और थोड़ा नजाकत भी दिखाते हैं और कदमों का इस्तेमाल करके मिड ऑफ को भी क्लियर करना जानते हैं सत्तर रन इस बार ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन थोड़ा जल्दी शॉट खेल गए क्योंकि गति इस गेंद पास की थोड़ी कम है और कई कबार वो उंगलियां इस्तेमाल करते हैं गेंद के ऊपर इस बार बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास थोड़ा स्टेप डाउन किया था जरूर सैलिन ने लेकिन लगातार दो डॉट डिलीवरिया आखिरी गेंद इस ओवर की सत्तर रन सेवेंटी इस बार सीधे बल्ले से सामने की दिशा में फिल्डर को बीट किया है सीधा डाउन द विकेट ये शॉट थोड़ी सी दो गेंदों में जो चुप्पी शादी थी उसे तोड़ा सामने की दिशा में एक बेहतरीन शॉट जड़ा दोनों बार जो चौके जड़े वो कदमों का इस्तेमाल करके यहां पे भी चौके के साथ इस ओवर को खत्म किया है रन, सात ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी छह गेंदों का अब पहली पारी में खेल बचा है तो टारगेट तो यहां से अमूमन आपको अस्सी के ऊपर तो खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये जिस प्रकार का ग्राउंड का डायमेंशन है अगली मैच अंबेलाय टाइगर इलेवन के बीच में होगा दोनों कप्तान अपने प्लेइंग इलेवन रेडी रखे और इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा स्टेज के ऊपर तो दोनों कप्तान अपना प्लेइंग इलेवन लेके स्टेज के ऊपर आ जाए टाइगर इलेवन के कप्तान और अम्बे लायंस के कप्तान जीत राठौड़ गेंदबाजी का अब बार संभालेंगे आखिरी ओवर में सामने कल्पेश परमार बारह गेंदों में पच्चीस के ऊपर खेल रहे हैं इस बार इनसाइड एज लगा है और विकेट के पीछे कोई गलती नहीं कि विकेट की विकेट कीपर ने एक बहुत ही खूबसूरत कैच धर्मेंद्र सिंह वहां पे मौजूद एज अ विकेट कीपर के तौर पे उमून आसान नहीं होता क्योंकि गेंद जब इस तरह से किनारा लगता है काफ़ी तेज़ गति से ट्रैवल करती है और मानना पड़ेगा बहुत ही अच्छा कैच लेकिन एक अच्छी पारी अच्छी पारी यहाँ पे खेल के वापिस जा रहे हैं कल्पेश परमार क्योंकि जब थोड़ी टीम मजदार में फंसी थी थोड़ी मुसीबत में थी तब उन्होंने अपनी टीम को एक अच्छी पारी खेल के दी क्योंकि खुद के ऊपर उन्होंने भरोसा जताए रखा क्योंकि जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा तब भी सिर्फ खुद था खुद पर था भरोसा हमारा वही यहां पे कल्पेश परमार ने किया अच्छी पारी खेल के वापिस डग में रवि वाकल छोटी गेंद लेकिन उसको छोटा बना दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ाना चाहते हैं फील्डर वहां पे देखना होगा कि कंफर्मेशन क्या आएगा अंपायर के द्वारा जी वहाँ पे आउट करार दिया गया एक अच्छा कैच लेकिन अन्यथा हवाई यात्रे के ऊपर उसको भेजा था गेंद को ऊंचाई का तो छक्का मिला ऐसा लगा लेकिन वो लंबाई प्राप्त नहीं हुई दो गेंदों के ऊपर लगातार दो विकेट जीत राठौड़ के द्वारा और रवि माकल उनके पास ज़्यादा विकल्प थे नहीं क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा था तो एक लाइसेंस लेके आए थे कि बड़ा शॉट खेलना ही है सेवेंटी फोर अभी भी स्कोर रुका हुआ है हैट्रिक हो होगी है ये दो गेंदों को दो विकेट चटकाई है पहले कल्पेश परमार को वापिस भेजा और उसके बाद शून्य के स्कोर पर रवि वाकल को वापिस भेजा और अब यह हैट्रिक गेंद अब तक इस टूर्नामेंट में ये मौका आया नहीं है वो हैट्रिक का जश्न दिखा नहीं है आकाश परमार नए बल्लेबाज के रूप में इस बार एक ही रन मात्र प्राप्त होगा दूसरे की मांग जी नहीं करेंगे और आकाश परमार ऑफ द मार्क विद द सिंगल तो ये ओवर थोड़ा अच्छा रहा है तीन पहली तीन गेंदों में अगर देखा जाए तो मात्र एक ही रन आए लेकिन अब अच्छी बात टीम के लिए कि सैलिन दरबार स्ट्राइक पे आए हैं। आखिरी तीन गेंदों में उनकी ज़रूरत है कि बड़े शॉट उनके बल्ले से आए जो उनकी पहचान है बड़ा शॉट खेला है हवा में है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर थैंक यू वेरी मच सैलिन दरबार बहुत ही बढ़िया शॉट क्रॉस बैटेड और इतना सीधा स्ट्रेट एज एन एरो हवाई यात्रा करवाई गेंद को और जो जरूरत थी जिस शॉट की वो सही समय के ऊपर वो बड़ा बल्लेबाज होता है ना उसकी ये निशानी होती है कि बड़े मैच के वो खिलाड़ी होते हैं वहां पे वो बड़ा शॉट खेल के अपनी पारी को एक अच्छा अंजाम देते हैं ये भी शॉट बेहतर है इस बार मिड विकेट का फील्डर इंटरेस्टेड लेकिन हाथों में लग के छह रन जाएंगे क्या बात है क्या बल्लेबाजी है फिनिश ये करना जानते हैं साझेदारी ये करना जानते हैं ये ऐसे ही नहीं बड़े क्रिकेटर बनते हर परिस्थितियों में खेलने का इनके पास वो अपना एक हुनर होता है तो वो हुनर यहाँ पे दिखा रहे हैं एटी सेवन बॉर्ड के ऊपर लग चुका है अब आखिरी गेंद दबाव में जीत राठौड़ ये भी ऊंचाई का तो छक्का है लंबाई का भी देखना होगा जी नहीं वहां इनकी खासियत रहती है इतनी तेज गति से बल्ला चलता है ना के वो जो गेंद की दुर्गति करके रख देते हैं और अंत में अच्छी तरीके से फिनिश किया मानना पड़ेगा स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए शैलिन दरबार को क्योंकि जो पारी खेली है ना अच्छा फिनिश किया है और मस्ट विन मुकाबले में जो कहते हैं ना जो मंच मिलता है वहां पे यह पंच लगाते हैं तो यह बड़ा मंच है और यह मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए जरूरी है तो यहाँ पे टॉस जीता था ओमसाईवन की टीम ने और पहले फील्डिंग का उन्होंने फैसला किया पहले पांच ओवर अच्छे घटे उनके लिए लेकिन आखिरी तीन ओवर में वो कल्पेश परमार और शैलिन सेल, दरबार नाम का एक तूफान आया जो इक्यानवे नाइन्टी वन लगा के चला गया एक अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी उसका सही तोड़ निकाला सैलिन दरबार और कल्पेश परमान ने तो 91 वन बॉर्ड के ऊपर रख दिए है पाँच विकेटें गवाई अच्छी पारी कल्पेश के द्वारा दिखी तेरह गेंदों में पच्चीस रन बीच में एक मिडल ऑर्डर में सदानंद सिंह ने एक अच्छी पारी खेली बारह गेंदों में सत्रह रनों की लेकिन ज़रूरत थी एक फिनिशर की वो रोल अदा किया शैलिन दरबार ने अठारह गेंदों में अड़तीस रनों की पारी यहाँ पे खेली गई बानवे 92 का यहां पे टारगेट रखा गया है लेकिन गेंदबाजी की बात की जाए जीत राठौड़ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दो ओवर 29 रन और चार विकेट उनको मिले अंकित बाला सबसे बढ़िया गेंदबाज साई लेवन की ओर से एक रेप्यूटेशन लेके आए और उसी लिहाज से उन्होंने गेंदबाजी की दो ओवर एक मेडन चार रन एक विकेट दो ओवर में चालीस रन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ सबसे महंगे गेंदबाज तो ये था पहली पारी का लेखा जोखा। अब जीतने के लिए यहां रूप नाइन रनों की जरूरत है और को डिफेंड करना इस टारगेट को अपनी पोजीशन को और थोड़ा मजबूत बनाने के लिए इस टूर्नामेंट में तो अगली पारी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं कमेंट्री बॉक्स में इनवाइट करूंगा हमारे साथी और सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर जीतू भाई हेलो अंपायरों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए ओम साई इलेवन पुटानो बारहमो खिलाड़ी जो अंकित बाला और हेमराज सिंह हेमराज सोलंकी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में यहां पर आए हैं पहले गेंदबाजी का बार दूर वाला छोर से अनिरुद्ध आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अनिरुद्ध यस अंपायर की ओर से संकेत मिल चुका है दूसरे इनिंग का प्रारंभ जीत के लिए 92 और पहली गेंद हवा में और यहाँ पर जो कि गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी लेकिन पहले बाउंस के बाद फील्डर ने फील्ड की एक रन के साथ यहाँ पर अंकित बाला जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की ओम साई इलेवन जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की और इस बार छोटा प्लेन गेंद थी हल्के हाथों से पुल कर दिया है देखना वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे एक रन के साथ यहां पर हेमराज जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की स्कोर बढ़ता हुआ दो रन जीत के लिए 92 रनों का लक्ष्य मिला है दोनों टीम के लिए ये मुकाबला मस्ट विन मुकाबला है अगर टूर्नामेंट में बना रहना है तो बार जो कि घूमकर खेलने की कोशिश है दिशा से बट के वाइड करार वाइड करार अटीरिक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तीन रन स्कोर बढ़ता हुआ तीन रन पारी का यह पहला ओवर जारी और इस बार पुल स्टॉक कर दिया है गेंद आउट ऑफ द पार्क बहुत लंबा। ही लंबा अंपायर का इशारा गेंद जो कि आउट ऑफ पार्क हो चुकी है इतना लंबा शिक्षर अंकित बाला के बल्ले से निकलने वाला ये पहला सिक्सर स्कोर बढ़ता हुआ नौ रन छह रनों के साथ स्कोर नौ रन एक बार फिर से स्ट्रोक ये भी कड़क है जाएगी सीमा रेखा बार लगातार डोके डो के ऊपर दो छक्के और इस बार हल्का nose cut stroke खेल दिया है देखना वहां पर पॉइंट कवर व्हीलाड़ी देना थे काफी अच्छी फीलिंग थी वहां पर लेकिन कोई भी बैकअप में नहीं था फिलहाल एक ही रन से संटू स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर अंकित बाला जो कि अंबेलियंस के कप्तान से गुजारिश है प्लीज कमेंट्री बॉक्स पर आए पहले से ही पोजीशन बन थी खूबसूरत स्त्रोक बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुबह अल्लाह क्या बात है अंपायर का इशारा छह रन स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी टू बाईस रन काफी तेज शुरुआत यहाँ पर ओम धरमपुर की ओर से डीजे डाउन डीजे डाउन अम्बे लाइंस के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज़ दो मिनट के लिए कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए अम्बे लाइंस के कप्तान गेंदबाजी में अब कमेंट्री बॉक्स से जयनीश आए हैं जयनीश ठाकुर लेकिन बड़े स्ट्रोक की कोशिश देखना वहां पर रनआउट का मौका दुर्भाग्यवश देखना वहां पर दुर्भाग्यवश रनआउट पहला झटका कोई जरूरत नहीं थी वहां पर हेमराज आउट होकर पेवेलियन और इस बार अडिशा से बटके वाइड करार वाइड करार नए बल्लेबाज के रूप में क्रुणाल राणा का आगमन हुआ है जो कि नॉन स्ट्राइक के एंड पर है स्कोर है 23 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर और इस बार नकल गेंदबाजी करने की कोशिश है काफी अच्छी गेंदबाजी काफी अच्छी वापसी वहां पर स्कोर है रुका हुआ ट्वेंटी थ्री रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर काफी अच्छी गेंदबाजी जयनेश ठाकुर के द्वारा और इस बार हल्की सी इन स्विंग गेंदबाजी कराने की कोशिश है तारीफे काबिल गेंदबाजी तारीफ काबिल गेंदबाजी जैनेश के द्वारा इस बार मिस इट मिस टाइम हुआ है खूबसूरत कैच खूबसूरत कैच यहां पर लगने वाला ये दूसरा झटका अंकित आउट होकर पेवालियन तेजस थे फील्डर जिन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से बैठे हुए एक बहुत ही खूबसूरत कैच लिया

नए बल्लेबाज के रूप में एक हठी दमदार ऑलराउंडर धर्मपुर की शान ऐसे धर्म सिंह राठौड़ आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और इस बार हल्के आटो से खेला है देखना वहां पर इस एक्स्ट्रा की दिशा में खिलाड़ी तैनात है थे रन की कोई गुंजाइश नहीं स्कोर है रुका हुआ ट्वेंटी थ्री रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर जारी है इस ओवर से काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है सिर्फ एक रन जो आया था वो वाइड का मतलब काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी इस बार हल्के आटो से डाउन ग्राउंड खेला है देखना वहां पर रन की कोई गुंजाइश नहीं सिर्फ एक रन दो झटके एक रन आउट के रूप में और एक विकेट काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी दो ओवर की समाप्ति स्कोर है ट्वेंटी थ्री रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर फील्डिंग टीम के कप्तान सैलिन दरबार से गुजारिश है कि प्लीज वक्त बर्बाद न करें जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए दोनों अंपायरों से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए हाँ खूबसूरत गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर है अधीर दरबार जो कि पहले और में थोड़ थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए लेकिन एक बार पा फिर से मोर्चे के ऊपर लगाया गया है दूर वाले छोर से खूबसूरत इस बीच यहाँ पर वाइड करार वाइड करार हल्की सी आउटस्विंग गेंदबाजी कराने की कोशिश में यहाँ पर डिसा से बटके स्कोर है ट्वेंटी फोर और इस बार जो कि लुकिंग लंदन टोकिंग टोकियो कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना स्कोर है ट्वेंटी फोर रन कुणाल राणा जो कि यहाँ पर कुछ लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं दोनों प्रारंभिक दो बल्लेबाज से पेवेलियन लौट चुके हैं और इस बार पुल स्ट्रोक खेल दिया है देख रहा वहां पर फील्डर के लिए कोई मौका नहीं अंपायर का इस सारा छह रन शैलिन दरबार लेकिन अब कोई मौका ही नहीं था उनके पास गेंद को रोकने का इन शरणों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टी थर्टी एक बार फिर से दिशा से बट के वाइड करार वाइड करार इन अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी वन रन पारी का ये तीसरा ओवर जारी है एक बार फिर से घूमकर खेल दिया है देखना वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं सैलिडर बार थोड़े से नाखुश वहां पर अंपायर का इशारा चार रन स्कोर बढ़ता थर्टी फाइव रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर इस बार कट स्टोक खेलने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ बाकी का काम विकेट के पीछे कल्पेश खड़े थे उन्होंने पूरा किया स्कोर है रुका हुआ थर्टी फाइव और इस बारे पल्लू स्ट्रक खेलने की कोशिश है प्रयास जरूर किया था, देखना वहां पर दो रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन दो रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी सेवन रन तीन ओवर की समाप्ति स्कोर है थर्टी सेवन तीस गेंदों के ऊपर पचपन रनों की जरूरत रिक्वायर्ड रेट जो है प्रति ओवर ग्यारह रन के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज वक्त बर्बाद न करें चालीस मिनट में आपको इनिंग खत्म करनी है जेनिस जो कि पिछला ओवर बहुत ही खूबसूरत रहा था सिर्फ एक रन और एक सफलता हासिल की थी एक बार फिर से कप्तान सेलीन दर्बार जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है आज इस बार धर्म सिराठोर स्वागत किया सिक्सर के साथ शॉट ऑफ लैंड गेंद थी पहले से ही पढ़ लिया था और ही खूबसूरत फुल स्ट्रोक और बढ़ता हुआ 43 रन बार फिर से बल्ले का किनारा लिया पर खिलाड़ी तैनात थे काफी अच्छी फील्डिंग थर्ड थर्डमैन के फील्डर द्वारा रन की कोई गुंजाइश नहीं स्कोर है फोर्टी थ्री रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर एक बार फिर से कट स्टोक खेलने की कोशिश है काफी अच्छी गेंदबाजी काफी अच्छी गेंदबाजी जैनीज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है और इस बार नो बॉल का इशारा हुआ है नो बॉल का इशारा हुआ है नो no का इशारा हुआ है स्कोर बढ़ता हुआ फोर्टी फाइव रन फ्री हिट फ्री हिट खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका और इस बार जो कि फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए काफी अच्छी गेंदबाजी जयनीश के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी स्कोर रुका हुआ फोर्टी फाइव और इस बार ऊंचाई बहुत है लंबा इटनी नहीं है शैलिन दरबार कोई गलती नहीं करेंगे लगने वाला ये तीसरा झटका नए बल्लेबाज के रूप में केवराज का आगमन हुआ है स्कोर है 45 फाइव रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 25 गेंदों के ऊपर 47। सेवन हार और झीट के बीच में धर्म सी राठौड़ खड़े हैं एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं भारत कोई भी छेड़छानी करने की कोशिश नहीं की ओवर की समाप्ति हुई चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है स्कोर है 45 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर बूटसर चोरा राजपुर समाज आयोजित महाराणा प्रताप कप कोचवाड़ा ग्रुप आयोजित सीजन क्रिकेट ग्राउंड कलवाड़ा के ऊपर आज के दिन दूसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला जारी है अंपायरों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए इस टूर्नामेंट को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो है संजय सिंह ठाकुर पाठ सिंह ठाकुर दिलीप सिंह ठाकुर मितेश सिंह डीवीएस सिंह ऋषिराज सिंह अमित सिंह और वीरेंद्र सिंह दरबार बड़ी मेहनत से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया है झील एक बार फिर से जील दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सामना करेंगे धर्म राठौड़ चौबीस गेंदों के ऊपर फोर्टी सेवन खूबसूरत गेंदबाजी हल्की सी अपील जरूर हुई थी लेकिन सामने ज्यादा विश्वास में कम कोई नुकसान नहीं सुरक्षित अभी विक्रीज में मौजूद स्कोर है फोर्टी फाइव रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर खूबसूरत है इन स्विंग यॉर्कर लाइन गेंदबाजी करने की कोशिश वहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जीट के झील के द्वारा काफ़ी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी स्कोर रुका हुआ 45 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये पांचवा ओवर जारी है खूबसूरत शौक देखना वहां पर डी पर स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी तैनात है सिर्फ सिंगल स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर धर्म सिंह राठौड़ जो कि अभी भी कुछ लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं नौ गेंदों का सामना किया आठ रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं अब स्ट्राइक के ऊपर केवराज हल्के हाथों से डाउन टू ग्राउंड खिला है देखना वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात है सिर्फ सिंगल एक एक रन से यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है सीबीआना इलेवन को नुकसान है तो ओम साइड धर्मपुर को फोर्टी सेवन रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये पांचवा ओवर जारी खूबसूरत गेंदबाजी हल्के हाथों से खेला है देखना वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी तेनाट काफी अच्छी फील्डिंग बहुत ही अच्छी फील्डिंग एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा तब पांच गेंदों के ऊपर सिर्फ तीन रन आए हैं काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी यहाँ पर झील सोलंकी के द्वारा और इस बार डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी देखना वहां पर खिलाड़ी तैनात वहां पर कोई रन नहीं लिया इस ओवर से सिर्फ तीन रन काफी अच्छी गेंदबाजी आने वाली अठारह गेंदों के ऊपर चवालीस रन गेंदबाजी में एक और परिवर्तन आकाश परमार कमेंट्री बॉक्स इनसे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सामना करेंगे धरम राठौड़ अथरा गेंदों के ऊपर चवालीस रन रिक्वायर्ड रन रेट जो है करीबन करीबन पंद्रह रन के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी गेन घूमकर खेलने की कोशिश है काफी अच्छी फील्डिंग थी वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग शॉट शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी द्वारा रन की कोई गुंजाइश नहीं अरे भिंडी के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर एक मानसिक दबाव जरूर रहेगा और इस बार के है। और खूबसूरत कैच बड़ी सफलता धरम सीरा थोड़ा आउट होकर पेवलियन ओम साई धर्मपुर को लगने वाला ये बहुत ही बड़ा झटका नए बल्लेबाज के रूप में भैरव सिंह का आगमन हुआ है भैरव दरबार है 48 रन, 16 रन। गेंदों के ऊपर आ खूबसूरत खूबसूरत गेंदबाजी हल्की सी उछालटी हुई काफी अच्छी गेंदबाजी अगर शॉर्ट ऑफ लैंड गेंदबाजी करना है तो काफी तेज गेंदबाजी करनी होगी आपको और वही दिखाया वहां पर आकाश परमार ने और इस बार जो कि बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी कॉर्नर के शाम गेंद चली गई फिलहाल एक ही रन से संदूस करना पड़ेगा इन एक रन के साथ जिन्होंने अपना काउंट की शुरुआत की स्कोर बढ़ता हुआ फोर्टी नाइन रन बारह डिशा से बटके वाइड करार इन अतिरिक्त रनों के साथ चेयर अपने फिफ्टी पचास रन हाँ इस बार कड़क कड़क स्रोत ऑन के ऊपर से सीमा रेखा पार अंपायर का इशारा रन स्कोर बढ़ता हुआ फिफ्टी सिक्स अभी भी तेरह गेंदों के ऊपर छत्तीस रनों की जरूरत एक बार फिर से दिशा से बट के वाइड करार इन अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 सेवन तेरह गेंदों के ऊपर 35 रन और इस बार गेंद में और इस बार एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा गेंद ऊंचाई बहुत थी लेकिन दो फील्डरों के बीच में गेंद गिरी एक ही रन से संतोष ओवर की समाप्ति हुई आने वाली बारह गेंदों के ऊपर चौंतीस रन अंपायरों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए आशुतोष भाई और जीतू पटेल से मेरी गुजारिश है जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए बारह गेंदों के ऊपर चौंतीस रन दूर वाले छोर से एक बार फिर से झील सोलंकी हाँ इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश है काफी अच्छी गेंदबाज आउटसाइड ऑफ सम गेंदबाजी ये बेहतरीन लाइन है अरे बिंडी गेंद के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर एक मानसी का दबाव जरूर रहेगा स्कोर है फिफ्टी एट हाँ इस बार के फील्डर टेनाट देखना वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे कोई गलती नहीं करेंगे केवराज की पारी समाप्ति बल्लेबाज के रूप में जिगर दरबार खूब खूबसूरत गेंदबाजी खूबसूरत गेंदबाजी झील के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी आने वाली नौ गेंदों के ऊपर चौंतीस रन चाहिए जबकि झील ने अभी तक नौ गेंदें फेंकी है और सिर्फ तीन रन खर्च किए हैं क्या गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी आ, इस बार जिगर के बल्ले से जिगर वाला स्ट्रोक डेर आए लेकिन दुरुस्त आए काफी देर के बाद यहां पर शिक्षा देखने को मिला आठ गेंदों के ऊपर अट्ठाईस <गणाँगा> आठ गेंदों के ऊपर जीत के लिए अट्ठाइस <गणाँगा> मतलब आने वाली दो गेंद बहुत ही निर्णायक गेंद यस यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान वाली सिचुएशन एक बार फिर से घूमकर खेल दिया है यहाँ पर जीगर जो कि एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर बढ़ता हुआ सिक्सटी फाइव रन साठ गेंद सत्ताईस रन इस बार फ्लिक शॉट कर दिया है गेंद जा रही है सीमा रेखा की और अंपायर का इशारा चार रन बहुत ही खूबसूरत सी देखा आउटसाइड डॉपस्टम ब्लॉक होल गेंदबाजी करने की कोशिश एक बैट का किनारा लगाया और चार रन हाँ बिल्कुल हार्दिक पंड्या वाला आने वाली छह गेंदों के ऊपर तेईस रन बारी का आखिरी ओवर आकाश परमार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद के ऊपर कड़ाके का स्त्रो कड़ाके का स्त्रोत स्वागत किया यहां पर सिक्सर के साथ जीगर के बल्ले से निकलने वाला यह दूसरा छक्का पांच के ऊपर सत्रह रन जिगर अगर ये मुकाबला जीताते हैं तीन सिक्सर लगा के तो मनोज भाई की ओर से पांच हजार रुपया मनोज सोलंकी पांच गेंद सत्रह रन हाँ खूबसूरत वापसी खूबसूरत वापसी वहां पर चार गेंदों के ऊपर सत्रह रन हाँ इस बारे नीन दरबार कोई गलती नहीं करेंगे जीकर की पारी से माप्टी नए बल्लेबाज अनिल ठाकुर हल्के आटो से खेल दिया है डाउन द ग्राउंड सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दो गेंद सोलह रन मतलब अब यहाँ से अगर गेंदबाज गलती करता है तो ही मैच में कुछ बन सकता है वरना एक तरफा मुकाबला आ, इस बार बल्ले का बाहरों ने किनारा काफी अच्छी गेंदबाजी काफी अच्छी गेंदबाजी अम्बे लाइन्स के प्रारंभिक बल्लेबाज तैयार रहे टाइगर इलेवन कप्तान अपनी टीम तैयार रखे और इसी तरह ये मुकाबला यहाँ पर जो कि सिवियाना इलेवन जिन्होंने जीत लिया है कॉन्ग्रेचुलेशन सिवियाना इलेवन इस मैच के मैन ऑफ द मैच सैलिन दरबार सैलीन दरबार इज अ मैन ऑफ द मैच बहुत ही बढ़िया पिछला मुकाबला स्कोर कार्ड आप देख सकोगे सीवियना इलेवन जो पारी का लेखा जोखा बेहतरीन तरीके से 91 रन बनाए थे 38 रनों की अच्छी सैलिन दरबार ने पारी खेली और कल्पेश परमार की 25 रनों की बदौलत 92 का जब टारगेट यहां पे रखा गया और उसका पीछा कर रही थी साई इलेवन की टीम तो 92 के जवाब में अगर देखा जाए तो 76 सिक्स छहत्तर रन मात्र बना पाए एक अच्छा प्रयास किया जिगर दरबार ने और एक अच्छी आतिश जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली लेकिन वो इनफ उतनी रही रही कि जीत की दहलीस को पार करवा पाए लेकिन मानना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया वापसी आखिरी दो ओवर में जो ज़रूरत थी जो रनों की वो वहाँ पे रोका और जो 92 का टारगेट था उसे वहाँ पे अच्छी तरीके से डिफेंड किया और सीवियाना इलेवन साई इलेवन दोनों के लिए इस मैच को जीतना काफी जरूरी था और वो वो जो जरूरत थी वो उस हिसाब से खेले लिएवन वेल्डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन और मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली जिसकी सबको तलाश थी जिसकी सबको जिसका इंतजार था कि वो पारी कब आएगी सैलिन दरबार के बल्ले से वो इसी डुअर डाई मुकाबले में दिखी और उस पारी के चलते शैलिन दरमार मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए तो बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का यहां पे प्रदर्शन सलामी बल्लेबाज दोनों आ जाए अम्बे लायंस राजपीपड़ा की ओर से टाइगर इलेवन जिनके अतिरिक्त प्लेयर यहां पे आएंगे और अम्बे लायंस इलेवन के अतिरिक्त प्लेयर यहां पे उपस्थित हो गए पिछला मुकाबला जो सीवीआई सोलह रनों से बेहतरीन तरीके उस मुकाबले को अपने नाम किया उसके मैन ऑफ द मैच शैलिन दरबार थर्टी एट अड़तीस रनों की नाबाद पारी उसी पारी की बदौलत एक बानवे रन का टारगेट उन्होंने सेट किया और वो बने उस मैच के मैन ऑफ द मैच वेल्डन शैलिन दरबार आज के दिन का चौथा मुकाबला टाइगर इलेवन वर्सेस अम्बेलायस अम्बेलायस जिनको जिन्होंने टॉस हारा और पहले उनको बल्लेबाजी करनी पड़ रही है क्योंकि टॉस टाइगर इलेवन ने जीता उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया है अंपायर का इशारा वहां पे हो चुका है लेट्स प्ले सलामी जोड़ी वीरेंद्र और ऋषिराज शॉट सामने की दिशा में ड्रॉप चांस शायद जी नहीं कोशिश अच्छी की थी लेकिन इतनी तेज गति से आपके फॉलो थ्रू में गेंद आती है तो उतना आसान होता नहीं विशाल सबसे बढ़िया उम्दा गेंदबाज दो मेडन ओवर डालने वाले एकमात्र ऐसे गेंदबाज इस टूर्नामेंट में पहले ही मैच में वो कारनामा उन्होंने किया था इस बार अक्रॉस द लाइन थोड़ा क्रॉस बेटेड बैकफुट पे जाके लेकिन कनेक्शन उतना बेहतर हुआ नहीं अभी भी रन की तलाश है इस बार रूम था आप के बाहर ओवर द टॉप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर उसके पीछे है लेकिन रोका है वहां पे अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन मानना पड़ेगा अच्छा एथलेटिज वहां पे दिखाया पार्थिव परमार एक राइजिंग क्रिकेटर है वो जहां तक मुझे याद है 2020 में जो राजपूताना बिग बेस कुकेरी में हुआ था दो ओवर में जहां पे उनचास रनों की जरूरत थी योगेंद्र दरबार के साथ पार्थिव परमार ने मिलकर सैतालीस रन बनाए थे दो ओवर में और जो मुकाबला वहां पे एक तरफा लग रहा था उसे दो रनों से वहां पे वो हारे थे मात्र लेकिन जो लड़त दिखाई दी थी, थी वहां पे ये पार्थिव परमार ने अपना हुनर दिखाया था अच्छी गेंद ये अपील की वहां पे एलबीडब्ल्यू की है और विक्टो के बिल्कुल सामने क्योंकि अमूमन जब आप एक्रॉस द लाइन थोड़ा खेलते हैं और विकेट के सामने बिल्कुल गेंद खत्म हो रही थी और उछाल का वो थोड़ा अभाव क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाज ने अपना फॉलो थ्रू खत्म किया ना वहां से एग्जैक्टली पता चल रहा था कि विक्टो को ये हिट कर रही थी बहुत ही अच्छा डिसीजन अंपायर के द्वारा बेहतरीन डिसीजन वैसे भी बी के जाने माने अंपायर है मिस्टर अर्जुन टंडेल सर इनसे गलती की गुंजाइश होती नहीं है तो वैसे भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक विकेट टेकर गेंदबाज के, के रूप में जाने जाते पहले ही ओवर में विकेट निकाल लें बल्लेबाज का नाम परिमल इस बार पैरों के ऊपर फ्लिक करने का प्रयास वहां पे अपील जरूर की गई लेकिन आ, मिसिंग लेग साइड जी हाँ लेग स्टम्प को मिस कर रही थी वो मात्र उत्साह था विश्वास बिल्कुल नहीं था इस अपील में और लेख बाई के एक रन के साथ ओवर की हुई समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति पे चार रन एक विकेट के नुकसान पे जो हम अपेक्षा कर रहे थे कि विशाल सिंह गेंदबाजी करते है ना तो विकेट अमूमन वो चटकाते ही है तो वही कारनामा यहाँ पे भी किया है इस बार मयूर राठौड़ अब गेंदबाजी के ऊपर आइकॉनिक प्लेयर राजपूत समाज की ओर से अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर जिस भी जिस भी टीम से खेलते हैं उस टीम में एक अच्छी एसेट के रूप में और कई सारी अब ओपन टूर्नामेंट में भी हमने इनको खेलते हुए देखा है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव राइजिंग क्रिकेटर इस बार ऊंचाई का तो ये छक्का है लेकिन लंबाई नहीं मिलेगी लॉन्ग वन के ऊपर से कोई गलती नहीं की विशाल अभी अभी गेंदबाजी करके आए थे लॉन्ग वन के ऊपर खड़े थे वहां पे उनको ये कैच लेने की जरूरत थी और एक अच्छे कैच के तहत अच्छी गेंदबाजी मयूर राठौड़ हमेशा जब भी आते हैं गेंदबाजी के ऊपर तो विकेट निकालना ये जानते हैं कुछ ना कुछ स्कोर कार्ड में वो हरकत करके जाते हैं तो यहाँ से विकेट उनको मिला है तो दूसरा झटका यहाँ पे लगता हुआ अम्बे लाइन्स इलेवन की टीम को बैट्समैन नेम प्लीज न्यू बैट्समैन नेम राणा नए बल्लेबाज के रूप में मयूर राणा कम्स आउट टू तो द मिडल आफ्टर फॉलिंग डाउन सेकंड विकेट ऑप्शन के बाहर कठिन सवाल था ये क्योंकि वाइड कर वो फ्रंट फुट निकाला था उसकी वजह से वो जो डिस्टेंस है वो कम हो गया लेकिन मानना पड़ेगा काबिल तारीफ क्लेवर बॉलिंग का प्रदर्शन मयूर राठौड़ ये डैक हिट करना जानते हैं जैसे यहां पे किया ये अमूमन यह लाइन और लेंथ इनको काफी पसंद है कि यहां से बल्लेबाज को थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है बल्ले का फेस ओपन करोगे तो उसके लिए थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट और स्वीपर पॉइंट मौजूद है थर्टीआर सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर जाएगा लॉन्ग लेग थर्टीआर सर्कल में आएगा पटकी हुई गेंद लेकिन उंगलियां घुमाई थी यह चेंज ऑफ पेस होना चाहिए यह गति में परिवर्तन हर गेंदबाज को मॉडर्न टेनिस क्रिकेट की यह डिमांड है कि आप अच्छे गेंदबाज तभी बन पाओगे जब आपके पास चेंज ऑफ पेस होगा अलग अलग सवाल पूछने की आप में क्षमता होगी तभी एक अच्छे गेंदबाज आप बन पाएंगे इस बार भी थोड़ी उंगलियां घुमाई थी लेकिन इस बार फॉलो किया बल्लेबाज को अगर अलग अलग चार गेंदों देखोगे ना अलग अलग लाइन और लेंथ के ऊपर उसे खत्म किया और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हुई है पांच रन दो विकेट के नुकसान पे दो ओवर की समाप्ति के बाद मतलब पावर प्ले की समाप्ति पिछला ओवर मयूर राठौड़ का अगर आप देखोगे ना काफी अच्छा लगा पहले वाइडी शॉर्कर डाली उसके बाद बैक ऑफ लेंथ ऑफ ऑपस्टम्प के बाहर डाली उसके बाद उंगलियां घुमाई मिडल पे से ऑफ ऑपस्टम के बाहर निकाली और अंत में लेग स्टम्प पे ऊपर वो ओवर को समाप्त किया तो ये वो जो मैं बात कर रहा था ना वेरिएशन की वेरिएशन अपने आप में गेंदबाज को एक पजल बनाता है और एक एपिडेशन उनकी खड़ी करता है जस परमार पहले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था तीन विकेट निकाले थे वहां पे उन्होंने तो इनफॉर्म गेंदबाज है ये भी और वो पहला मैच वैसे भी बॉलिंग ओरिएंटेड रहा था और उस मैच में उस मैच में टाइगर इलेवन की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया रही इस बार बीट किया फील्डर को उनकी ओर से गेंद निकल गई थोड़ा फुटवर्क वहां पे बाउंड्री लाइन पे दिखाया लेकिन चौका रोकने में नाकामयाब ये थोड़ा वेलकम बाउंड्री बनी जाएगी जरूरत थी इस चौके की चौके की मदद से नॉरन गेंदबाज का स्वागत किया है चौके की मदद से शॉर्ट बेहतर है शॉर्ट अच्छा है ये लेंथ को पड़ा है मिड विकेट के ऊपर से ये मैक्सिमम जड़ा है वोट अ ग्रेट शॉर्ट छह रन की मदद से स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ पंद्रह रन क्रिकेट का खेल है ना कुछ अलग ही तरीके का होता है इसमें एक्साइटमेंट कब बढ़ जाती है कुछ पता नहीं चलता इस बार रिवर्सिप अटेम्प किया था लेकिन ये वो गेंद नहीं थी रिवर्सिप वाली उसके लिए बैक ऑफ लेंथ चाहिए थोड़ी गति चाहिए और कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है पिछला जो मैच हमने देखा वो भी कुछ उसी प्रकार का था इस बार ओवर द टॉप शॉट फील्डर वहां पे मौजूद गलती कर दी गलती कर दी है वहां पे फील्डर ने यह कैच होना चाहिए था कप्तान भी यही सोच रहे कि यह कैच हो सकता था एक और विकेट यहां पे आ सकता था क्योंकि ये जो गेंदबाज है ना यह विकेट निकालना जानता है लेकिन अब गलती कर दी देखना होगा जीवनदान का फायदा कैसे उठाते हैं अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी थोड़ी उंगलियां घुमाई थी और उसकी वजह से वो जो थोड़ा स्क्वायर कट खेलने का प्रयास था उनका उसके नीचे से बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई अच्छी वापसी गेंदबाज की इस बार किनारा लगा वाइड एंगल के ऊपर गेंद थी शायद दे छोड़ देते तो वाइड हो सकती थी लेकिन अब जब बल्ला चला लिया है तो फिर एक रन मिला मिसफील्ड की वजह से तो जस परिवार के पहले ओवर में आए तेरह रन और तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर अठारह रन दो विकेट के नुकसान पे तो अब तीन ओवर की समाप्ति अठारह रन मयूर राठौड़ विल कंटिन्यू इन इज सेकंड ओवर एंड फोर्थ ओवर ऑफ दिस इनिंग चौथा ओवर लेके आएंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से फील्डिंग में परिवर्तन होगा शॉर्ट फाइन लेग पीछे मौजूद है ऑन साइड के ऊपर प्रोटेक्शन देखोगे ना तो डीप चवेर लेग है डीप मिड विकेट है और अब वाइड लॉन्ग ऑन है ऑफ साइड के ऊपर एक्स्ट्रा कवर कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास लेकिन मात्र वो प्रयास बना सफलता नहीं मिली मयूर राणा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी वो रनों की तलाश में है अगर मगर काश में है मयूर राणा यहाँ पर रनों की तलाश में है पांच गेंदे हो चुकी है जी परिमल परिमल और मयूर राणा चार गेंदे खेल चुके हैं शून्य रन है और परिमल दो लगातार डॉट बॉल और ऊपरी किनारा ये दबाव बना था ये जो दबाव बना था डॉट बॉल का उसकी वजह से वो जानबूझ के इस शॉट को खेलना पड़ा और मयूर राठौड़ पहले ओवर में भी मैंने कहा था ये क्लेवर गेंदबाज है ये आपको एक ही तरीके की लाइन आपको ऑफर नहीं करेंगे एक ही तरीके का लेंथ इनके द्वारा देखने को नहीं मिलेगा हर गेंद के ऊपर आपको मानसिक तौर से तैयार रहना पड़ेगा कि अगली गेंद कौन सी आएगी तो वो पजल सॉल्व नहीं कर पाए टफ क्वेश्चन आस्किंग बाय द मयूर राठौड़ एंड परिमल फॉरेस्ट टू डिपार्ट्स वापिस नगआउउट में जाएंगे तो यहां पे विकेट एक और गिरा चौथा झटका तीसरा झटका अठारह रन तीन विकेट दो नए बल्लेबाज मयूर राणा पुष्पराज सिंह पुष्पराज सिंह जो पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे उनतीस रन तीन विकेट किनारा लगा है विकेट कीपर ने गलती नहीं की बड़ा विकेट बड़ी मछली को पहली गेंद के ऊपर फांसा इस सा... वेरियस एंड डिलीवरी आउटसाइड पुष्पराज सिंह वांट्स टू गो फॉर द बिग एट्स बिग एज डेफिनेट एज मेक्स नो एनी मिस्टेक बिहाइंड द विकेट बाय द विकेट कीपर ये बड़ी मछली ये बड़ा विकेट ये जो टीम है ना इन्होंने एक अपना वो सिग्नेचर सेट किया है यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया अपने आप के लिए कि गेंदबाजी हम करेंगे किफायती गेंदबाजी ही करेंगे ऐसा नहीं कि पहला जो मैच था वो हमने ऐसे ही थर्टी सिक्स रनों में ऑल आउट किया था ये दूसरी मैच में भी वो क्षमता पुरवार कर रहे वो एफिशियंसी अपनी लगातार दिखा रहे हैं कि हमारे पास गेंदबाजी जो है ना उसका तोड़ इस टूर्नामेंट में अभी तो कोई निकाल नहीं पाया है और मयूर राठौड़ आइकॉनिक क्रिकेटर जो होता है ना वो यही होता है मयूर राठौड़ इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइकॉनिक प्लेयर क्योंकि ऑलराउंडर के हिसाब से खेलते हैं इस विकेट की जरूरत थी पुष्पराज सिंह पुष्पराज आज चला नहीं आज चला है मयूर राठौड़ और दो गेंदों में दो विकेट मतलब तीसरी हैट्रिक तीसरी गेंद के ऊपर जरूरत होगी एक अच्छी गेंद की क्या यहां से भी एक कठिन सवाल आ सकता है संभाल के खेला हल्के हाथों से इंटेंशनली ओपन द फेस ऑफ द बैट कई बार मौके बने हैट्रिक के लेकिन वो दर्ज नहीं हुई है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया एक भी रन अब तक इस ओर में आया नहीं है तो यहां से एक रन बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर हल्के हाथों से संभाल के खेला और एक रन के साथ ये सफल ओवर मयूर राठौड़ का डबल हेडर यह विकेट जहां पे दो विकेट और सबसे बड़ा विकेट पुष्पराज सिंह का निकाला वापस चलता कर दिया उनको और 19 रन चार विकेट के नुकसान पे चार ओवर की समाप्ति के बाद तो पहला हाफ अब तक तो देखा जाए पूरी तरीके से यहां पे टाइगर इलेवन के नाम रहा है बेहतरीन मानना पड़ेगा गेंदबाजी काबिल तारीफ सभी गेंदबाजों ने जो अपना बेस्ट है ना वो यहाँ पे दिया है एकमात्र बल्लेबाज परिमल जो डबल डिजिट में पहुंच पाए थे उनको भी मयूर राठौर ने चलता कर दिया और गेंदबाजी में तीन विकेट उनके नाम मयूर राठौर स्पेल खत्म किया पहले ओवर में एक रन एक विकेट दूसरे ओवर में एक रन दो विकेट तो दो ओवर दो रन तीन विकेट और विशाल सिंह वो तो खैर एक अच्छे गेंदबाज है ही एक वॉच आउट प्लेयर के लिस्ट में उनका भी नाम है नजरें थी उनके ऊपर भी जस परमार पहला और महंगा रहा था एक और तेरह रन लेकिन यहाँ से अब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है मयूर राठौड़ ने कि आप अच्छे गेंदबाज है स्पेल आप अपना अच्छी तरीके से खत्म कीजिए अब फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली लेफ्ट हैंड बैट्समैन जयवीर सिंह यादव लेफ्ट हैंड बैट्समैन पीछे आप देखोगे ना थर्ड मैन बिल्कुल स्लिप की तरह खड़ा है इस बार सीधे बल्ले से कवर पे फील्डर मौजूद योगेंद्र दरबार वहां पे मौजूद थे काफी समय बाद थोड़ा एक्शन में आए योगेंद्र दरबार एक बैकवर्ड पॉइंट है स्लीपर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर इस बार गैप ढूंढने का प्रयास वहां पे एक्स्ट्रा कवर कवर के बीच में से लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ निकाला और कंट्रोल गेंदबाजी पहली दो गेंदों पे देखी जाए तो वो ट्रेडिशनल टेस्ट मैच वाली लाइन होती है ना ऑफ स्टॉम के बाहर गुडलेन के ऊपर टप्पा थोड़ा अतिरिक्त उछाल बल्ले का फेस ओपन करके फील्डर को ढूंढना यह अमूमन टेस्ट मैच में हम देखते हैं लेकिन यह शॉर्टर फॉर्मेट है ज्यादातर वो पिक्चर दिखेगा नहीं और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो हाफ वाली गेंद थी सीधे बल्ले से लॉफ्टेड ड्राइव के अंदाज में उस गेंद को अच्छी गेंद को चौके में तब्दील किया तो ये थोड़ी वेलकम बाउंड्री जरूर मानी जाएगी जयवीर सिंह के द्वारा और इस चौके की मदद से ट्वेंटी थ्री तेईस रन थोड़ी सी खामोशी अब तक तो छाई हुई है क्योंकि तो रन उतने आ नहीं रहे इस बार उठाया है बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन का फील्डर इंटरेस्टेड और वो गलती नहीं करेगा एक चौका पहले आया उसके बाद अपनी लाइन को थोड़ा तब्दील किया जस परमार ने सीधी विकटों के ऊपर निशाना साधा और हवा में ज्यादा खेल बैठे एलिवेशन वहां पे मिला नहीं और सीधा फील्डर के हाथ में एक और झटका पांचवा विकेट यहां पे गिरता हुआ अंबे का ट्वेंटी थ्री तेईस रन पांचवा झटका यहाँ पे लगता हुआ एक चौका जरूर आया जयवीर सिंह के बल्ले से लेकिन उसके बाद हाफ वॉली गेंद थी उसके ऊपर जोर से मारने का प्रयास ही नहीं किया गया और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े फील्डर को वहाँ पे कैच थमा बैठे मयूर राठौड़ को ढूंढा और गजेंद्र सिंह नए बल्लेबाज के रूप में अच्छी गेंद बढ़िया गेंदबाजी जसफरमार के द्वारा एक विकेट उनको मिला है ट्वेंटी थ्री अभी भी स्कोर रुका हुआ तो अब यहां से ओवर की समाप्ति पांच ओवर की समाप्ति के बाद 23 थ्री तेईस रन तेईस रन पांच विकेट के नुकसान पे तो बहुत ही अच्छा ओवर अगर देखा जाए तो पिछला गुजरा पहले ओवर में तेरह रन आए थे जस परमार के पिछले ओवर में मात्र एक चौका आया वो जो जयवीर सिंह ने लगाया था लेकिन उसके बाद सभी डॉट बॉल और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 23 थ्री ओवर की समाप्ति पाँच विकेट के नुकसान पे ऑफ साइड की दिशा में टॉस गेंद बल्ला जरूर चला है लेकिन थोड़ी देर हवा में गेंद रही थी नो में गिरी एक रन यहां से मिला है तो ये थोड़ा लो स्कोरिंग मैच यहां पे चल रहा है गेंदबाजी में परिवर्तन हिराग सिंह खुद कप्तान अब गेंदबाजी के ऊपर इस बार रूम था के बाहर तेज गति से स्लैश किया फील्डर वहां पे पार्थिव अच्छी फील्डिंग पीछे है प्रोटेक्शन कोई था नहीं बाउंड्री लाइन के ऊपर तो निश्चित तौर से रन ये बचाए तेज गति से गेंद जा रही थी 25 रन 25 शॉट ये बेहतर है पार्थिव परमार वहां पे दर्शक बन के रह गए लो फुलटॉस गेंद पैरों के ऊपर बल्लेबाज की चरण में गेंद बाउंड्री की शरण में गेंद खराब गेंद पूरा वक्त यहाँ पे है पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा अम्बिलायंस का क्योंकि एक मैक्सिमम आया था अच्छा शॉट कनेक्ट हुआ था लेकिन वो जो विक्टो का जो फासला है ना वो वहाँ पे वो पूरी तरीके से संभाल नहीं पाए और वो हिट विकेट होके वापस चले गए न्यू बैट्समैन नेम प्लीज़ देख विजय शॉट ये बेहतर है कड़क है फील्डर मौजूद है ड्रॉप चांस देखना होगा चौका जी ने रोका है रोका है वहां पे, जनक सिंह जी कैच छोड़ा है उन्होंने विकेट यहाँ पे हो सकता था हैट्रिक का मौका बन सकता था इस बार ऊपरी किनारा पीछे फील्डर इंटरेस्टेड जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर थोड़ा सा आगे गिरी डाइविंग एफर्ट की जरूरत थी वहां भी लेकिन एक रन मिला वहां पे अच्छी गेंदबाजी खुद कीपर के द्वारा हिराग सिंह ओवर की आखिरी गेंद ये यहां और इस बार गलती नहीं देखना होगा जी विकेट यहां पे आया कोई गलती नहीं की इस बार एक अच्छा एफर्ट पिछला मिस फील्डिंग देखा था लेकिन इसके बाद दूसरा एफर्ट अच्छा लगाया और कैच में उसे तब्दील किया तो पिछले ओवर में हिराग सिंह के आए मात्र चार रन और जहां पे दो विकेट मिले उनको तो अब यहां से अंबे लायंस की जो परिस्थिति है ना वो थोड़ी, थोड़ी हालत और खस्ता हो रही है सत्ताईस रन सातवा झटका मानना पड़ेगा इनकी जो गेंदबाजी है ना पहली मैच वहां पे भी उन्होंने छत्तीस के ऊपर को ऑल आउट किया था यहां पे भी अंबे लायंस जो एक अच्छी टीम है बल्लेबाजी में अच्छी टीम मानी जाती है बैट्समैन नेम सिवियाना इलेवन को जिन्होंने पहला मैच हराया था 89 रन जिन्होंने बनाए थे पहले मैच में उस टीम को एक एक रनों के लिए तरसाया है तो मानना पड़ेगा का लाजवाब काबिल तारीफ गेंदबाजी एक ग्रुप वाली जो टीमें है वो भी इस टीम के ऊपर नजरें बनाए रखी होगी उन्होंने भी वो भी देख रही होगी कि कौन से कौन से गेंदबाज इस जो टीम है उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। सॉरी ये कड़क है सॉरी ये बेहतर है क्या बात है ऑफ साइड की गेंद को यहाँ पे हेलीकॉप्टर के रूप में उड़ाया है मिड विकेट को क्लियर किया है वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव शॉट इन मॉडर्न टेनिस ऊपरी किनारा वहां पे अपने ही में कैच लेने का प्रयास लेकिन नो के नो में है वो गेंदगिरी तैतीस रन और इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन विशाल सिंह जो इस टीम के अब तक के अच्छे बेहतरीन गेंदबाज नजर आए हैं। पहला ओवर भी काफी अच्छा रहा था उनका और पहला मैच भी काफी बढ़िया रहा था चौतीस रन इस बार रूम बना के वो रडार थी ना उसको वहां पे क्लियर किया लेकिन फिल्डर को क्लियर करने में नाकामयाब रहे आसान सा कैच वहां पे। और वापिस जाना पड़ेगा डग में हाथ खोलने का मौका वहां पे कुलदीप के द्वारा दिखा लेकिन डगआउट में वापिस गोल्डन डग के रूप में 34 रन थर्टी फोर आठवा झटका ये लगा है आठवा विकेट यहां पे गिरता हुआ विशाल सिंह अगर वो गेंदबाजी के ऊपर आए उनके हाथ में गेंद हो और विकेट कॉलम में विकेट ना आए ये बात मैंने देखी नहीं है पहले मैच में भी ये हुआ था यहां पे भी वही कहानी वापस दोहराई जा रही है हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ अगेन बैट्समैन नेम जयवीर बैट्समैन नेम जयवीर ओके तो अभी अभी यहां पे आठवां विकेट गिरा है जयवीर यादव नए बल्लेबाज के रूप में यहां से अंबे लाइन्स की थोड़ी हालत अब खराब हो चुकी है चौतीस रन आठवां झटका लग चुका है लेकिन लो स्कोरिंग मैच हमने देखा है कई कबार टफ बन जाता है क्या बात है क्या गेंदबाजी है यह मानना पड़ेगा प्लेट किया था वहाँ पे बल्लेबाज को क्योंकि इस एंगल के ऊपर गेंदबाजी ऐसा लगता है कि शायद विक्टो को मिस करके निकल जाएगी लेकिन ये जो गेंदबाज है ना इसका नाम है आप याद रखिए विशाल सिंह ये गेंदबाज है और यहां पे बेहतरीन तरीके से विक्टो को वहां पे बल्लेबाज ने मिस कर दिया गेंदबाज ने उसे मिस नहीं किया और नौवा झटका चौतीस के ऊपर नौवा विकेट यहां भी गिरता हुआ हैट्रिक का मौका है दो गेंदों के बाद लगातार दो विकेट निकाले हैं विशाल सिंह ने आदित्य सिराज हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे वे हैट्रिक आता है तो टीम भी ऑल आउट हो जाएगी इस बार किनारा लगा बाहरी किनारा फील्डर उसके पीछे भागेंगे, लेकिन चौका नहीं रोक पाएंगे क्योंकि पीछे अमूमन आउटफील्ड काफी तेज होता है और एक वेलकम बाउंड्री ड्रिक गेंद के ऊपर आया है चौका सफल ओवर यहां पे विशाल सिंह का फिर से हुआ है और स्कोर थर्टी एट अड़तीस रन नौ विकेट के नुकसान पे थर्टी एट अड़तीस रन तीन विकेटे यहां पे भी सो, मैच में भी विशाल सिंह ने निकाली है इस बार एक्रॉस द लाइन शॉट डीप में फील्डर मौजूद रन कोई मिलेगा नहीं डॉट बॉल के साथ यहाँ पे विशाल सिंह ने अपना स्पेल खत्म किया दो ओवर में चौदह रन तीन विकेट विशाल सिंह के नाम मयूर राठौर दो ओवर में दो रन तीन विकेट और यहाँ से अड़तीस रन बने हैं आखिरी ओवर अभी भी बाकी है नौ विकेटें गवा चुके हैं और हीरक सिंह परमार ऐसा लगता है शायद आखिरी ओवर लेके आएंगे गेंदबाजी में परिवर्तन किया है हिराक सिंह जिन्होंने पहले ओवर में चार रन दिए थे दो विकेट निकाले थे प्रीतेश गोहिल गेंदबाजी का भार संभालेंगे वैसे तो अमूमन टीम को बल्लेबाजी से काफी मदद करते हैं क्योंकि उनका कैरियर स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर का है एज पर ग्रीक हीरो स्टैटिस्टिक्स शॉट बेहतर है फील्डर वहां पे इंटरेस्टेड और गलती कर दी पहुंच भी गए थे वहां पे लेकिन वन बाउंस वहां पे चौका पहुंच भी गए थे फील्डर वहां पे लेकिन जब कैच करना था तो वहां से थोड़ी गलती हो गई स्वागत है यहाँ चार रनों के साथ किया गया गेंदबाज प्रितेश गोयल का एक हाफ वॉली गेंद थी बल्ला चलाया वहां पे वो लॉन्ग ऑफ का फील्डर थोड़ा इंटरेस्टेड भी हुआ लेकिन अंत में चौका मिला पीछे एक शॉर्ट थर्डमैन है शॉर्ट गली बैकवर्ड पॉइंट इंटरेस्टिंग फील्डिंग इसी वजह से ये फील्डिंग लगाई गई है ये इसका रीजन है क्योंकि इनकी गेंदे पड़ने के बाद थोड़ा कांटा बदलती है और वो टॉपेज या तो बाहरी किनारा लेती है इसी वजह से वो बैकवर्ड पॉइंट गली और हथ हाँ में पीछे मौजूद है थर्टीआर सर्कल में इस बार थोड़ी हाफ वाली गेंद थी जमीन के समान अंतर द ग्राउंड शॉट रन मिलेगा एक ही दूसरे की मांग थी लेकिन नकारा और सही सोच क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है जितनी गेंदे खेलेंगे उतने रन थोड़े बटोर पाएंगे क्योंकि सामने अम्बे लाइन्स की भी गेंदबाजी अच्छी है ये शॉट बेहतर है कवर की दिशा में फील्डर काफी दूर है लंबा चेज है लेकिन गेंद अपनी रेस जीतेगी चौका मिलेगा वेलकम बाउंड्री यहाँ पे आती हुई और इस चौके की मदद से फोर्टी सेवन क्या थोड़ी गलती कर दी ऐसा लगा हीराग सिंह ने आखिरी ओवर में एक नए गेंदबाज को लाके क्योंकि रन आ रहे हैं कंट्रोल में थी वो रन रेट वो थोड़ा खुली है और डिफेंडिंग टोटल माना जाता है छः से भी ज्यादा का औसत अगर आपको डिफेंड करना होता है ना तो वो कई कबार वो आत्मविश्वास देता है गेंदबाजों को यह दिशा से बटके वो जो चौके आए ना उसका ये दबाव है और इस चौके की मदद से 48 48 रन और कहते ना छे से छे से ज्यादा का औसत अगर आपके पास डिफेंड करने के लिए हो ना तो वह एक अच्छा आत्मविश्वास देता है गेंदबाजों को शॉर्ट सामने की दिशा में हवा में थोड़ा आगे गिरेगी रोकने का प्रयास नामुमकिन क्या ओवर यह गुजर रहा है थोड़ा आगे आके पकड़ने का आपको प्रयास करना चाहिए था ऐसा गेंदबाज गोहिल बोल रहे लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुक गई खेत चार रन की मदद से पचास के पार स्कोर फिफ्टी टू महंगा ओवर यह हो रहा है आखिरी गेंद बची है चौदह रन पांच गेंदों में आ चुके हैं तीन चौके इस ओवर में आए हैं तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस है अब कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी जब गेंदबाजी पे आएगी अंबे लाइन्स की टीम इस बार बाहरी किनारा पीछे फिल्डर है डायरेक्ट थ्रो चाहिए जी नहीं थ्रो नहीं किया और 53 तो जहां पे पारी लड़खड़ाई थी अम्बे लाइन्स की लेकिन अंत में अच्छी तरीके से खत्म किया है फिफ्टी थ्री तेपन रन एक डिफेंडिंग टारगेट ये टारगेट इतना बड़ा नहीं है इतना छोटा भी नहीं है ये डिफेंडिंग टारगेट माना जाता है आठ ओवर की मैचिस में क्योंकि आपके पास अच्छी गेंदबाजी है आप लड़ सकते हैं लेकिन मानना पड़ेगा अच्छा प्रयास अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है यहाँ पे टाइगर इलेवन की टीम ने 27 रनों पे सात बल्लेबाजों को वापस चलता कर दिया था लेकिन उसके बाद थोड़े से रन बटो रहे हैं खास करके गजेंद्र सिंह जिन्होंने नौ गेंदों में चौदह रन बनाए और आखिर में आदित्य सिंह तीन पांच गेंदों में तेरह रन उन्होंने बनाए और ऊपर के स्लॉट में देखा जाए तो परिमल जिनके बल्ले से चौदह रन आए थे तो इन तीन बल्लेबाजों की मदद से 53 रन तेपन रन बॉर्ड के ऊपर जड़े हैं अम्बे लायंस ने गेंदबाजी में बात की जाए विशाल सिंह के ऊपर नज़रें थी सबकी और उन सभी नज़रों को उन्होंने फिर से सही साबित किया कि दो ओवर में चौदह रन तीन विकेट दो ओवर मात्र दो रन तीन विकेट दो विकेट मिले हिराग सिंह परमार को एक विकेट रहा जस परमार के नाम तो इस प्रकार से अब आठ ओवर की समाप्ति के बाद फिफ्टी थ्री तेपन रन हुए हैं प्राप्त क्या हो गए इतने पर्याप्त इस सवाल का जवाब आपके सामने लेके आएंगे अगली पारी के लिए मिस्टर जीतू भाई कॉमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपका फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट कर ले इसके बाद अभी भी दो मुकाबले बाकी है टाइगर इलेवन के कप्तान से गुजारिश है मयूर राठौड़ से गुजारिश करता हूं कि अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजे प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में रवि और पार्थिव की जोड़ी अंपायर की ओर से संकेत मिला है दूसरे इनिंग का प्रारंभ पहले गेंदबाजी के बाद दूर वाले छोर से गजेंद्र सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद जोरदार अपील और आउट यहाँ पर है। लेक भी फोर आउट पहला झटका टाइगर इलेवन को लगने वाला पहली गेंद के ऊपर झटका प्रीतेश गोहिल आउट बंडाउन बल्लेबाज के रूप में जस परमार का आगमन हुआ है वेरी फर्स्ट गेंद के ऊपर एक सफलता हासिल कर ली वहां पर गजेंद्र सिंह जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर प्रीतेश गोहिल को पेवेलियन की राह दिखाई थी काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर अम्बे लाइन्स की ओर से हाँ खूबसूरत गेंदबाजी खूबसूरत गेंदबाजी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अगर पहली गेंद के ऊपर विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज को अपना आत्मविश्वास बढ़ जाता है काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर गजेंद्र सिंह के द्वारा ओम शाह इलेवन अपना प्लेइंग इलेवन तैयार रखें हाँ खूबसूरत गेंदबाजी हल्के हाथों से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में पहला रन काफी तेजी से एक रन के साथ यहाँ पर जस परमार जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की टाइगर इलेवन जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की स्कोर है एक रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर अब स्लाई के ऊपर पार्टी डाइने और बायने हाथ की जोड़ी यहां पर मैदान के ऊपर और इस बार गेंद हवा में फील्डर मौजूद क्या ये कैच हा खूबसूरत कैच लगने वाला ये दूसरा झटका नए बल्लेबाज के रूप में एक मजबूत ऑलराउंडर मयूर राठौड़ आए हैं अब पूरा डारो उनके कंडों के ऊपर और इस बार हल्के हाथों उसे खेल दिया हेक्श कवर की दिशा में गेंद जा रही है सीमारेखा कर फील्डर के लिए लंबा चेस अंपायर का इशारा चार रन अंपायर का इशारा चार रन चार रन के साथ यहां पर शुरुआत स्कोर बढ़ता हुआ पांच रन डो विकेट पारी का यह पहला ओवर जारी है दो झटके जरूर लगे हैं पारी को संवारने की कोशिश यहां पर हाँ खूबसूरत है बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में खेला हल्का सा फंबल देखना वहां पर रन की कोई गुंजाइश नहीं ओवर की समाप्ति हुई पहले ओवर की समाप्ति स्कोर है पांच रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर काफी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी यहां पर अम्बिलाइंस की ओर से गेंदबाजी में अब पुष्पराज सिंह आ गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी लेकिन पहले बाउंस के बाद शॉर्टिश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे रन की कोई गुंजाइश नहीं काफी अच्छी शुरुआत एक बार फिर से बल्ले का बाहर नहीं किनारा लिया था, लेकिन एक टेन आउट कर दी गई है काफी अच्छी फील्डिंग सजा के रखी हुई है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा देखने को मिल रहा है पुष्पराज सिंह स्कोर रुका हुआ पांच रन पारी का ये दूसरा ओवर जारी और इस बार गेंद हवा में क्या ये कैच लगने वाला ये तीसरा झटका टाइगर इलेवन को लगने वाला ये तीसरा झटका नए बल्लेबाज के रूप में जयमल देसाई स्कोर है पांच रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी यहां पर आ खूबसूरत खूबसूरत गेंदबाजी तारीफ़ काबिल गेंदबाजी पुष्पराज उन्होंने ऐलान कर दिया है झुकेगा नहीं चला और इस बार हल्की सी इन स्विंग काफी अच्छी गेंदबाजी तारीफ है काबिल गेंदबाजी पारी का ये दूसरा ओवर जारी है स्कोर है पांच रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर और एक बार फिर से गेंद मैं क्या ये क्या प्रयास करना चाहिए था ये प्रयास करना चाहिए था मेडन ओवर मेडन सफलता तारीफ़ काबिल गेंदबाजी पुष्पराज सिंह काफ़ी अच्छी गेंदबाजी दो ओवर की समाप्ति स्कोर है पांच रन तीन विकेट फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज वक्त बर्बाद ना न करें गेंदबाज विजय है क्या यस थैंक यू। अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का समय समाप्त हो चुका है तो इस बार गेंद हवा में फील्डर सिर्फ दर्शक सिर्फ दर्शक मयूर राठौड़ के बल्ले से निकलने वाला पहला विश्वसनीय स्ट्रोक बढ़ता हुआ रन पारी का तीसरा ओवर और इस हल्के आटो से कट कर दिया कर देखना वहां पर की दिशा में खिलाड़ी देना दूसरे रन के लिए पलटे जो में कारक और रन आसानी के साथ चुरा लिया काफी अच्छी रनिंग द विकेट्स वहां पर सोच काफी अच्छी वहां पर इन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ थर्टीन तेरह रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर तेरा का जो आंकड़ा रहता है कई टीमें शुभ भी मानती है और कई टीमें अशुभ भी मानती है स्कोर है थर्टीन क्या कहेंगे आप आ, इस बार हल्के हाटो से खेल दिया देखना वहां पर एक रन के साथ यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश वहां पर स्कोर बढ़ता हुआ चौदह रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर और इस बार नो बॉल का इशारा नो बॉल का इशारा हुआ है यस yes, यहां पर फ्री हिट खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका मयूर के लिए ये गेंद गोल्डन गेंद हो सकती है हार्ट खोलने का मौका दिया है यहां पर फ्री हिट इस बार हवाई यात्रा के ऊपर भेज दिया है फ्री हीट का भरपूर फायदा उठाया अंपायर का इशारा छह रन स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी टू बाईस रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर अब बत्तीस गेंदों के ऊपर बत्तीस रन एक बार फिर से हल्के आटो से खेल दिया है बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड की रन की कोई गुंजाइश नहीं करने की कोशिश की है वहां पर बार कड़क कड़क ये उनका एक फेवरेट जोन है मयूर राठौड़ जो कि अनस्टॉपेबल खूबसूरत बल्लेबाजी अंपायर का इशारा छह रन स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी एट रन तीन ओवर की समाप्ति आने वाली तीस गेंदों के ऊपर छब्बीस रन इस बार घूमकर खेलने की कोशिश है बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी दीप अस्कल की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे, थे सिर्फ सिंगल स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी नाइन रन ट्वेंटी नाइन रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर और इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास गेंद हवा में जा रही है सीमा रेखा की और फील्डर के लिए लंबा चेस पहले बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा पार अंपायर का इशारा चार रन है थर्टी थ्री रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले अट्ठाईस गेंदों के ऊपर इक्कीस रन अच्छी गेंदबाजी यहां पर पुष्पराज सिंह के द्वारा पहला ओवर मिडन किया था एक बार फिर से रिवर्स अटैम्प करने की कोशिश काफी अच्छी गेंदबाजी काफी अच्छी गेंदबाजी स्कोर है थर्टी थ्री रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर हाँ खूबसूरत गेंदबाजी हल्की सी आउटस्विंग गेंदबाजी करने की कोशिश है काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी यहाँ पर पुष्पराज सिंह के द्वारा स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी फोर रन पच्चीस गेंदों के ऊपर बीस रन और इस बार गेन हवा में देखना यहाँ पर सीटे कमेंट्री बॉक्स के पास अंपायर का इशारा चार रन आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 16 रन ओमसा इलेवन अपना प्लेइंग इलेवन लेकर स्टेज के ऊपर आ जाए ये मैच खत्म होने के बाद टॉस किया जाएगा अगली मैच ओमसा इलेवन वर्सी जय अम्बे लाइन्स के बीच में होगा जैसे ही मैच समाप्त होगी तुरंत टॉस किया जाएगा इस बार हल्के आटो से खेल दिया है देखना वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं गेंद जा रही है सीमा रेखा पार अंपायर का इशारा चार रन राठौड़ जो मैच को जल्दी खत्म करने की मूड में दिखाई दे रहे हैं स्कोर है बयालीस रन आने वाली तेईस गेंदों के ऊपर बारह रनों की जरूरत और इस बार ग् परिवर्तन करने की कोशिश है लेकिन हल्के आटो से खिला है मिड विकेट की दिशा में गेंद चली गई एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाज जो कि यहाँ पर 38 38 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और इस बार नो बॉल का इशारा नो बॉल का इशारा मतलब खतरे की घंटी यहाँ पर स्कोर है 44 नो बॉल का इशारा यस अंपायर अर्जुन टंडेल सर मुख्य अंपायर की भूमिका में बहुत लंबा अनुभव और, और बीडीसीए से अंपायरिंग करते हैं करीबन करीबन मैंने देखा है 19-20 साल से अंपायरिंग कर रहे हैं और फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए वहां पर का अंडर 16, अंडर 19 के कोच भी है मौजूदा हाँ एक बार फिर से खूबसूरत स्ट्रोक हल्के आटो से खेल दिया है देखना वहां पर कॉर्नर की और गेंद चली गई एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ फोर्टी फाइव पारी का ये ओवर जारी जीत के लिए सिर्फ नौ रनों की जरूरत और इस बार गेंद हवा में जरूर रही थी लेकिन पहले बाउंस के बाद एक बाउंसर का इशारा हुआ है आज बोल बड़ा झटका यहाँ पर मयूर राठौड़ आउट होकर बेउलियन स्कोर है 45 रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली अठारह गेंदों के ऊपर नौ रन चार झटके लगे हैं अठारह गेंदों के ऊपर नौ रन गेंदबाजी में परिवर्तन मयूर राणा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए देखना वहां पर निशा से बट के वाइड करार वाइड करारनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ फोर्टी हल्के हाथों से खेला है बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड की रन की कोई गुंजाइश नहीं और इस बार गेंद हवा में कुलदीप के लिए लंबा चेस से गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर अंपायर का इशारा देखना होगा यहाँ पर पहले के बाद में खूबसूरत श्रोक स्कोर हुआ चेयर अप द फिफ्टी पचास रन चेयर अप द फिफ्टी पचास रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर सोलह गेंदों के ऊपर चार रन एक बार फिर से घुटनों के बल पर खेल दिया है देखना वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में पहला रन काफी तेजी से सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा जीत के लिए सिर्फ तीन रनों की जरूरत यहां पर यह मुकाबला जीतने के लिए टाइगर इलेवन को हल्के हाथों से खेला है देखना वहां पर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है खूबसूरत गेंदबाजी खूबसूरत गेंदबाजी स्कोर रुका हुआ 51। वन ओम साई कैप्टन और इस बार जो कि जगह बनाकर खेलने की कोशिश वहां पर है डीप स्क्वायर लेकिन इस खिलाड़ी तैनात थे, थे और की समाप्त हुई छे ओवर की समाप्ति स्कोर है फिफ्टी टू बावन रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर बारह गेंदों के ऊपर डो रन बारह गेंदों के ऊपर डोरन आदित्य आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूर वाला छोर से गेंदबाजी का बार आदित्य करेंगे okay. 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 और इस बीच यहां पर नो बॉल यस यहां पर पांच रन पेनल्टी और ये गेंदबाज पूरी टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर सकेगा नो बॉल लेकर इशारा और यह मुकाबला यहाँ पर टाइगर 11 ने जीत लिया जय अंबेलियंस ना कैप्टन तथा ओम साई 11 ना कैप्टन तात्कालिक स्टेज पर आवे टॉस माटे ओम साई 11 ना कैप्टन तथा जय अंबेलियंस ना कैप्टन पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच मयूर राठौड़ अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए स्टेज के ऊपर आए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच मयूर राठौड़ जेएमएल आइंस ना कैप्टन ओम साईं लोना कैप्टन मिस्टर धरम राठौड़ धरम

देव्यज सिंह अमित सिंह और विरन सिंह दरबार इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेहतरीन तरीके इस टूर्नामेंट को यहाँ तक पहुँचाया है और एक सफल टूर्नामेंट के रूप में इसको आगे मुकम्मल करवाया है और इस टूर्नामेंट में जो दाता दाताश्रियों ने अपना योगदान दिया है हम उनको कैसे बोल सकते हैं तो इस प्रकार यहाँ से हम आप आपको उनसे रूबरू करवाएंगे श्री श्रीमितेश सिंह परमार सेगवा के सरपंच श्री पच्चीस हज़ार का योगदान मीनाबेन संजय सिंह ठाकुर तालुका पंचायत सभ्य श्री पच्चीस हजार का योगदान श्री अरविंद भाई पटेल धारा सभ्य श्री इक्कीस हज़ार का योगदान उसके अलावा ऋषिराज सिंह ठाकुर जिन कोचवाड़ा से जिनका योगदान है पंद्रह हज़ार का अरुण सिंह चावड़ा वलसाड़ से ग्यारह हज़ार एक सौ ग्यारह का योगदान किशन सिंह परमार सेलवास से ग्यारह हज़ार का योगदान उनके द्वारा मिला कमलेश सिंह ठाकुर प्रमुख श्री वलसाड़ तालुका पंचायत ग्यारह हज़ार भिखू सिंह मगन भाई ठाकुर सेगवा से दस हज़ार का योगदान उनसे मिला है दलपत सिंह ठाकुर प्रमुख श्री भूतसर चौड़ा पाँच हजार कल्पनाबेन पटेल जिला पंचायत सभ्य उनके द्वारा पाँच हजार पाँच हज़ार का योगदान विनोद भाई आहिर पीठा सरपंच पाँच हज़ार का योगदान भरत सिंह परमार बारसोल पाँच हज़ार उनके द्वारा मिले हैं सुलेमान शेख सेग, सेगवा के सरपंच श्री पाँच उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं भूतसर क्रिकेट टीम पच्चीस सौ रुपये सागर सिंह परमार भूतसर दो हजार रुपए रिद्धि सिद्धि बंगलोस चिरा सिंह राठौड़ पांच हजार का अनुदान उनके द्वारा आया है धर्मपुर राजपूत समाज पच्चीस सौ रुपए का अनुदान उनकी तरफ से रत्न सिंह रावत भूतसर से ग्यारह सौ रुपए का योगदान योगेश सिंह सोलंकी भूतसर दो हजार का योगदान और कालूबाई आहिर बड़ियादेव रेसिडेंसी कोचवाड़ा पच्चीस सौ रुपए का योगदान उनके द्वारा हासिल हुआ उसके अलावा दिव्य सिंह ठाकुर मल्ला पंद्रह सौ रुपए और बिरजू भाई कॉन्ट्रैक्टर बलसाड़ से ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह का योगदान उनके द्वारा प्राप्त हुआ है तो सभी इन मुख्य दाताश्रियों का डॉनर का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑनर्स का विजय सिंह नवेरा इक्कीस सौ रुपए का योगदान उनके द्वारा प्राप्त हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का विजय सिंह इक्कीस सौ रुपए का योगदान स्पॉन्सर थैंक्स टू ऑल द पार्टनर्स आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द ऑनर्स एंड ऑनर्स एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल मेंबर्स ऑफ कुचवाड़ा ग्रुप दे आर कॉन्ट्रीब्यूटे Contributed very well behind the screen, also on the screen uh, for the smooth conducting of this tournament. Thank you so much. तो अब आज के दिन का एक और मुकाबला. ओम साइन 11, अंबेलाइन सी 11 और ओम साइन 11. जिन्होंने टॉस जीता है जब टॉस हुआ सिक्का जब उछला ताश के पत्तों में इक्का चलता है और क्रिकेट में सिक्का चलता है और जब वो चला तो गिरा ओमसाई इलेवन के पक्ष में और उन्होंने ये फैसला किया कि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे साई इलेवन अगर देखा जाए तो अपने पहले दोनों मुकाबले हार चुकी है पहले उनको हराया टाइगर इलेवन ने उसके बाद सिवियाना इलेवन के सामने भी उनको हार का सामना करना पड़ा और आज इस तीसरे मुकाबले में जो उनका आखिरी मुकाबला होगा इस ग्रुप स्टेजेस का वो होगा अंबे लायंस के सामने और अम्बे लायंस अम्बे लायंस एक ऐसे पायदान के ऊपर खड़ी है पहला मैच वो जीते हैं दूसरा मैच वो हारे हैं तो उनके द्वारा कोशिश होगी कि इस मैच को जीत के अपनी पोजीशन को थोड़ा और पुख्ता बनाया जाए और साई इलेवन चाहेगी कि जीत अगर यहाँ पे हासिल करते हैं तो अंबे लायंस के साथ एक एक जीत के साथ वो बराबरी के ऊपर बैठेंगे तब पूरी जो नजरें रहेगी वो आखिरी मुकाबले के ऊपर रहेगी तो उम्मीद है उनकी अभी भी बरकरार ओम साई इलेवन की क्योंकि लीग जो स्टेजिस होते हैं जो प्रीमियर लीग होते हैं ना वो प्रीमियर लीग में ये खासियत होती है कि आप कौन से भी मौके के ऊपर आप वापसी कर सकते हैं क्योंकि आपको मुकाबले खेलने तीन से चार मुकाबले तो आपको खेलने होते हैं उसमें आप वापसी कर सकते हैं ग्रुप स्टेजिस में ये एक फायदा रहता है खास करके जब टीम अलग अलग हिस्सों में बांटी गई हो तो यहां से टॉस पे खबर आ चुकी है न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट ओम साई इलेवन हैव वन द टॉस टू बैटिंग फर्स्ट Anggit bhai महाराणा प्रताप बी का पांचवा मुकाबला हमारा अंपायर का मैच चालू स्ट्राइक पे धरम राठौर जो कि बहुत ही बड़ा नाम है और उतना ही बड़ा नाम जेम बिलास की ओर से और यहां पर गोल्डन डक मिस्टर धर्म राठौर धरम का नाम है वैसा काम आज किया नहीं है सुबह से कैच पकड़ना फिल्डर नाम जाए कैच पकड़ना तो नाम सोचे भाई भाई जाए धर्म का बल्ला आज सुबह से खामोश दिखा है जैसा नाम है वैसा आज किया नहीं है सुबह से और उसका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं फेरोसी दरबार मयूर राणा जो कि पारंपरिक गेंदबाज के तौर पे लगाया गया है जय अम्बे लायंस की ओर से आज सुबह से हमने देखा है जय अम्बे लायंस की ओर से तीन तीन मैचों में पारंपरिक गेंदबाज अलग अलग दिखे हैं नए बल्लेबाज के रूप में बेरोसी दरबार धर्म राठौड़ का स्थान लेने के लेके मयूर राणा की अगली गेंद फुल टॉस गेंद आउटसाइड डी ऑफ और यहां पे हमारे अंपायर का इस तरह नो बॉल और फ्री हिट मिलेगी जिगर ठाकुर जो कि लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर है फ्री हिट का फायदा उठाएगी कि नहीं आने वाला वक्त बताएगा और फुल टॉस स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया जमीन के सहारे जब तक फिल्डर फिल कर दे तब तक एक रन चुरा लिया इसी बीच चौपील यहां पे हुई है बिल्कुल विक्टो के सामने पुलाम डाल भी। Pitching in line, impact in line, there is no any hesitation into the mind of umpire. It's a correctly right decision, straight right into the money, and a batsman has to depart way clear here for the dugout. पहला झटका यहाँ पे लगा है इस बार अच्छी गेंद थी राइट इनटू द ब्लॉक हॉल अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी का प्रदर्शन थोड़ी सी मिसफील्ड रन लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ी देर हो गई अंत में कोई रिस्पॉन्ड नहीं वहां पे स्ट्राइकिंग बल्लेबाज के द्वारा दूसरा यहाँ पे यहाँ पे दो विकटे गिर चुकी है साई इलेवन की शॉट ये बेहतर है शॉट ये कड़क है, है फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं तो देखे जाएगी ये चौका द लाइन, क्रॉस बैटेड, बिल्कुल सीधा डाउन द विकेट, ये चौका सात रन इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन इनसाइड एज वहां पे निचला हिस्सा लगा बल्ले का ये लैक ऑफ पाउंस ये उछाल का अभाव हमने देखा है विकेट में और इस सिंगल की मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ आठ रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद आठ रन दो विकेट के नुकसान पे साई इलेवन आठ रन दो विकेट के नुकसान पे पुष्पराज सिंह इस बार किनारा लगा स्लिप मौजूद थी वहां पे बीट किया है थोड़ा आगे गिर गई थी उसकी वजह से वहां पे ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए चौका यह भाग्य का चौका मिला है इस चौके की मदद से बारह रन स्कोर बढ़ता हुआ पुष्पराज सिंह काफी इंप्रेस किया आज पूरे दिन अगर देखा जाए ऐसे कुछ गेंदबाज है जिन्होंने काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है उनमें एक नाम पुष्पराज का शामिल होता है आइकॉनिक प्लेयर है अपनी टीम के लिए भरूच से वैसे घरेलू क्रिकेट खेलते हैं यह शॉट बेहतर है लपेटा घसीटा लेकिन डगआउट का रास्ता बनाया क्योंकि जब स्पिनर गेंद डालता है उंगलियां घुमाता है उसके ऊपर उछल के साथ बाहर गेंद निकलती है तो आप उसको वो स्क्वायर लेग नहीं या मिड विकेट नहीं दिखा सकते क्योंकि वो लंबी बाउंड्री बन जाती है तो विकेट का झटका विकेट को डिजर्व कर रहे थे डेफिनेटली यहाँ पे विकेट आना ही था इस ओवर में तीसरा विकेट गिरा है बारह के स्कोर पे तीसरा झटका विकेट यहाँ पे अब मिला है ये गेंदबाजी के ऊपर आते हैं और विकेट का तोहफा लाते हैं अपनी टीम के लिए वो आकाश चोपड़ा वो एक नया सवाल लाए हैं मौजूद अगर आप देखोगे ना वो एक मैच देख रहा था पिछला ऑस्ट्रेलिया का वहां पे उन्होंने कहा था कि मिचे स्टार्क आए क्या विकेट लाए यही सवाल अब करना पड़ेगा फुल टॉस गेंद खराब गेंद थी लॉन्ग लेग के एरिया में वन बाउंस इन टू द फैंस चौका वहां पे मिलेगा बैड डिलीवरी एंड गॉट द ट्रीटमेंट आज पूरे दिन और नो बॉल नो बॉल वेस्ट हाइट के ऊपर और चौका भी वहां पे नो बॉल के ऊपर तो स्कोर कार्ड में पांच रन और अतिरिक्त जोड़े जाएंगे और ये गेंद है अतिरिक्त गेंद उसकी वजह से अब फ्री हिट होगी अगली ये जो गेंद अब डाली जाएगी वो फ्री हिट होगी हिट के ऊपर सीधा फील्डर के हाथों तो में मिस फील्डिंग पे लेकिन पीछे बैकअप है रन मात्र एक ही मिलेगा और इस सिंगल की मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ रन ओवर थोड़ा महंगा हो रहा है जो अब तक गेंदबाजी कर रहे थे उसके हिसाब से रिवर्स अटम्प करने का प्रयास था पीछे विकेट कीपर बीट हुए और बाइका इशारा अंपायर की ओर से और अतिरिक्त रनों में ये रन गिने जाएंगे और वो अमूमन इस बार जगह बना के खेलने का प्रयास था वहां पे शायद किनारा लगा था टॉप एज लगा था विकेट का मौका बन सकता था लेकिन फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाए और एक रन के साथ 19 रन दो ओवर की समाप्ति पावर प्ले यहां पे समाप्त हुआ साढ़े नौ की औसत से पहले दो ओवर में 19 रन बने हैं और तीन विकेट गवाई है टॉस जब हुआ था ओम साई इलेवन ने टॉस जीता था पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया तो शुरुआत उतनी कुछ ठीक तरीके से रही नहीं है ग्रुप बी के आज सभी मुकाबले चल रहे हैं इससे ग्रुप बी में ओम साई इलेवन टाइगर इलेवन सिवियाना इलेवन और अम्बे लाइन्स की टीम समाविष्ट है अभी जो मुकाबला चल रहा है अंबे लाइन्स और साई इलेवन के बीच में अंबे लाइन्स जिनके फ्रेंचाइज ऑनर है ऋषिराज सिंह और ओम ओमसाइलेवन के फ्रेंचाइज ऑनर मनीष सिंह गेंद, थोड़ा बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास क्रॉस बैटेड इस शॉट को खेलने का प्रयास लेकिन उतनी ताकत थी नहीं शॉट के पीछे मयूर राणा यह शॉट डाउन द ग्राउंड सामने फील्डर मौजूद वाइड लॉन्गन के ऊपर एक रन आसानी से प्राप्त होगा से रन के साथ बीस रन अब स्कोर बढ़ता हुआ तीसरा ओवर पावर प्ले समाप्त हो चुका है फिर से एक्रोश द लाइन ना वहाँ पे फील्डर मौजूद थे अच्छी तरीके से रोका और शायद वहाँ पे नहीं रोकते तो बैकअप पीछे मौजूद ही था तो एक रन न ही मिलना था इस गेंद के ऊपर ट्वेंटी वन इक्कीस रन ऑन साइड के ऊपर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन है डीप मिड विकेट है और स्क्वायर लेग वो डीप में है सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन वाला फील्डर थोड़ा बिजी रहा इस ओवर में क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने फील्डिंग सजाई है ना काउ कॉर्नर को उन्होंने अगर देखा जाए तो थर्टीआर सर्कल में रखा है और अब वो काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा कर दिया है डीप में शॉर्ट सामने की दिशा में अब काउ कॉर्नर रखिए या लॉन्ग वन रखिए फील्डर को बनाएंगे दर्शक धर्म सिंह राठौड़ जीगर माफ कीजिएगा बल्लेबाज केवराज एक बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से आया है ये भी बेहतर है ऊंचाई ज्यादा है लंबा ही, वहां पे जी नहीं और यहां पे मिला है एक बड़ा मैक्सिमम आया था उत्तरी थोड़ी ज्यादा गेंद ऊपर निकल गई हवाई यात्रा करवाने के चक्कर में वो ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पाए एलिवेशन मिला नहीं मात्र हाइट मिली और चौथा झटका 28 के ऊपर तीन ओवर की समाप्ति पिछले ओवर में नौ रन आए राणा के और एक विकेट भी चटकाया बैट्समैन नेम प्लीज न्यू बैट्समैन नील नए बल्लेबाज के रूप में गजेंद्र अब गेंदबाजी का बार संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से ये अच्छी गेंद थी थोड़ा ही सी पटकी हुई गेंद पढ़ने के बाद अतिरिक्त उछाल मिला था क्रॉस बैटेड शॉर्ट खेलने का प्रयास जरूर किया गया आ, लेकिन जो उछाल था उसे पढ़ नहीं पाए गजेंद्र सिंह गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे आए हैं। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास थोड़ा डाउन दल ले गेंद जा रही थी पैरों के ऊपर टकराई अब देखना होगा अंपायर का इशारा जी बल्ले से वहाँ पे लगा था शायद ऐसा लगा कि पैरों के ऊपर पे टकराई लेकिन बल्लेबाज के खाते में ये रन जुड़े जाएंगे उनतीस रन ट्वेंटी नाइन इस बार कवर ड्राइव के अंदाज में स्वीपर पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है चौके के लिए खूबसूरत शॉट सबसे बेहतरीन ये शॉट नजर आया हाफ वॉली गेंद थी और जो गैप ढूंढा ना फुल फेस ऑफ द बैट वहां पे इस्तेमाल किया स्वीपर पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में एक छोटा सा गैप था उसे ढूंढा और वो कहते हैं ना सुई में से धागा पिरोया उसी तरीके से गेंद को निकाला चौका बटोरा इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बैट्समैन मेकिंग फॉर होम हिमसेल्फ आउटसाइड ही ऑप्शन वॉन्ट्स टू तो गो फॉर द कट बट देयर इज नो एनी इट्स सर नाइस कम बैक सर रियली नाइस कम बैक बाय द गजेंद्र इस बार सामने की दिशा में शॉर्ट कवर पे और शॉट उतना परफेक्टली टाइम हुआ नहीं मिस टाइम था, था थोड़ा और अच्छी वापसी चौका या उसके बाद दो गेंदे डॉट बॉल स्कोर अभी भी तैतीस रन रुका हुआ है पांच रन वैसे इस बार थोड़ा उछाल मिला था कट करने का प्रयास किनारा लगा है और गेंद जाएगी वहां पे गली के रीजन में चौके के लिए तो एक वेलकम बाउंड्री आई है और नौ रन अब तक इस ओवर में बने हैं इस नौ रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी सेवन रन सड़तीस रन एक गेंद जी चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है नौ रन आए पिछले ओवर में थर्टी सेवन चार विकेट के नुकसान में ओम साई इलेवन तो अब थर्टी सेवन रन चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है नौ से भी ज्यादा का मौजूदा रन रेट चल रहा है उसे थोड़ा और एक्सेलरेट करना पड़ेगा क्योंकि सामने आप देखोगे हम्बे लाइन्स की टीम बल्लेबाजी है उनके पास तो एक टारगेट तो आपको रखना पड़ेगा डॉट बॉल के साथ शुरुआत की गई है बड़ा शॉट खेलने का यहां पे प्रयास जरूर हुआ है लेकिन कनेक्शन वहां पे कुछ जितना ठीक हुआ नहीं 38, 48. सॉ अच्छा है सौडिय बेहतर है वन बाउंस चौका स्क्वायर लेग की दिशा में प्राप्त होगा इस चौके की मदद से फोर्टी टू बयालीस रन स्कोर बढ़ता हुआ 42 टू बयालीस रन ये अच्छी गेंद थी लेग ब्रेक के अंदाज में बाहर की ओर निकाला था डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता थी लेकिन शायद पहुंच गए थे बैकअप में कोई फील्डर वहां पे था नहीं लेकिन अच्छी बात वो अतिरिक्त रन मिला नहीं लेकिन अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा पुष्पराज के द्वारा इस बार भी वही बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास वो लेग ब्रेक गेंदबाजी और अब फ्लाइट थोड़ी कम प्रदान की थी उसकी वजह से वो लो ट्रेजेक्टरी नजर आई बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कठिन सवाल इनके द्वारा आते हैं ये ऑप्शन अच्छा आ चुना है लेकिन फील्डर को ढूंढा है और रन आउट हो सकते हैं वहां पे आसानी से सेक्रीफाइस करते हुए अपनी विकेट को आधा सफर पीच का तय कर चुके थे वापसी करने में नाकामयाब उसकी वजह से वो जो डग का रास्ता है वो पकड़ना पड़ा वापिस जाएंगे डगआउट में पांचवा झटका पांचवा झटका यहाँ पे लगा है ओम साई इलेवन को और स्कोर बोर्ड के ऊपर रन है फोर्टी टू फोर्टी थ्री माफ कीजिएगा तैतालीस रन के ऊपर पांचवा झटका लगा है फोर्टी थ्री तैतालीस रन पांच विकेट के नुकसान पे पांच ओवर की समाप्ति के बाद जो नौ का औसत चल रहा है वो अब नौ के अंदर आ चुका है इस बार ऑप्शन के बाहर वहां पे देखना होगा अपील की गई है हार्ड अपील है वहां पे लाउड अपील लेकिन कोई वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं अंपायर के द्वारा सही फैसला जोरदार अपील जरूर की गई थी लेकिन विकेट यहां पे नहीं मिला है पांचवा विकेट पांच विकेट मात्र गिरी है फोर्टी थ्री इस बार ये शॉट अच्छा है फील्डर सामने है मौजूद है जब तक फील्ड करेंगे एक रन आसानी से प्राप्त करेंगे और इस एक रन की मदद मतलब से चौवालीस रन इस बार सामने की दिशा में थोड़ा सीधा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई फोर्टी फाइव पैतालीस रन ये शॉट अच्छा है हवा में ओवर द टॉप फील्डर आदित्य जब तक फील्ड करेंगे वहां से एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे इस एक रन की मदद फोर्टी सिक्स छियालीस रन ऑफ स्टंप के बाहर चकमा देने का प्रयास वाइड की अपेक्षा कर रहे थे लेकिन बिल्कुल सही डिसीजन सही फैसला ये चकमा दिया था वाइड लाइन के ऊपर और अच्छी गेंदबाजी मानी जाती है मौजूदा टेनिस क्रिकेट में हो या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी इस बार हलो फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से कवर की दिशा में फिल्डर इंटरेस्टेड दूसरे की मांग है लेकिन नहीं पूरी होगी है किरण मिलेगा फोर्टी सेवन रन पांच विकेट के नुकसान पर छह ओवर की समाप्ति के बाद साई इलेवन पैरों के ऊपर यहाँ पे लेग साइड के ऊपर गेंद जा रही थी पैरों के ऊपर टकराई और अभी भी स्कोर सैतालीस रन रुका हुआ है फोर्टी सेवन सातवा ओवर है ये प्रगति पर नील ठाकुर नौ गेंदों में चौथा के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार एक्रॉस द लाइन फील्डर वहां पे मौजूद है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में एक रन मात्र वहां पे प्राप्त होगा एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 48 48 रन पहली दो गेंदे अच्छे ठिकाने पे गिरी है इस बार इनसाइड आउट शॉट ओवर टॉप कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है डीप में रन मात्र एक ही मिलेगा अलग अलग तरीके के गेंदबाजी हुई है पहले डाउन द लेग थोड़ा पैरों के ऊपर डाली थी फिर विकेट टू विकेट उसको काउ कॉर्नर पे भेजा ऑफ साइड ऑफ साइड के ऊपर फिर हाफ वॉली तो वहाँ पे कवर पे खेलने को मजबूर किया तो वेरिएशन चेंज ऑफ वेरिएशन अच्छी गेंद ये बिल्कुल विकटो के ऊपर यूमी साई हिच वहाँ पे एक जगह बनाई थी बल्लेबाज को एक्सपोज किया था और एक वो छोटा सा वहाँ पे जो एक जगह बनी थी पैर और बैठ के बीच में वहां से गेंद को निकाल दिया और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मानना पड़ेगा स्ट्रेट इन टू द ब्लॉक हॉल राइट ऑन टू द मनी एंड नाउ द सिक्स विकेट गोस डाउन ऑन फोर्टी नाइन प्रोग्रेस प्रोग्रेसिंग ऑन सेवंथ ओवर इस बार स्वीप खेलने का प्रयास था और वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा पचास रन बॉर्ड के ऊपर लग चुके हैं तो डिफेंडिंग टारगेट यहां पे जरूर देखने को मिलेगा पचास रन तो बना दिए गए हैं लेकिन अंबे लाइन्स वैसे टीम अच्छी है बल्लेबाजी में पिछले मैच में टाइगर इलेवन की गेंदबाजी थोड़ी अच्छी रही थी उनके सामने इस बार कवर की दिशा में किए शॉट क्रॉस बैटेड लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में एक ही रन प्राप्त होगा फिफ्टी वन इक्यावन रन इस सिंगल की मदद से विकेट विकटे गवा चुकी है अब तक अगर देखा जाए साई इलेवन की टीम टॉस जीत के बैटिंग का फैसला पूरे दिन एक अलग निर्णय आज नजर आया इस पांचवें मुकाबले में अन्यथा सभी ने फील्डिंग ही चूज की है जा रही थी लेक्स्टम के बाहर तो उसे जाने दिया दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को क्योंकि व्हाइट करार है फिफ्टी टू बावन रन पीछे शॉर्ट थर्डमैन भी है शॉर्ट फाइन लेग भी है तो मेरे ख्याल से एक आधा बाउंस ट्राई कर सकते हैं और इस बार विक्टों के ऊपर फिर से यहां पे एक्सपोज किया है एक दूसरे बल्लेबाज को थोड़ा सा सफल करके खेलने का प्रयास था यह थोड़ा दिमागी खेल खेला गेंदबाज ने क्योंकि इससे पहले की इससे पहले की दो गेंदे उन्होंने डाउन द लेग डाली थी वहां पे जो दो वाइड हो गई थी लेकिन इस बार सीधा विक्टो के ऊपर निशाना साधा और बल्लेबाज को वहां पे बल्लेबाज को चलता कर दिया सातवां झटका सात ओवर की समाप्ति फिफ्टी टू बाओवन के ऊपर सातवां विकेट गिरा है साई इलेवन लीजिए किनारा लगा है बाहरी किनारा फील्डर मौजूद है वहां पे शॉर्ट मैन के ऊपर रन कोई प्राप्त होगा नहीं अभी भी स्कोर रुका हुआ है फिफ्टी टू बावन रन आखिरी ओवर अब प्रगति पर है परिमल गेंदबाजी का बार संभाले हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से इस बार थोड़ी हवा में ज्यादा चली गई है फील्डर काफी दूर है और चौका नहीं रोक पाएंगे मिल जाएगा चौका वहां पे वन बाउंस वाइड इस लॉन्ग ऑफ के ऊपर क्योंकि वहां पे जो फील्डर मौजूद था वो कवर की दिशा में एक्स्ट्रा कवर पे खड़ा था यहां से ये एम्बुलंस को बात याद रखनी पड़ेगी कि उनको यह मुकाबला जीतना काफी जरूरी है एक मुकाबला जीत चुके हैं एक मुकाबला हार चुके हैं और सामने अगर आप देखोगे ओम साई इलेवन वो भी ये मुकाबला जीतना चाहेगी अगर वो ये मुकाबला जीतती है तो एक जीत के साथ वो भी खत्म करेंगे अम्बे ऑलरेडी जीत चुके हैं तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाएगा सब दारो मदार जो बाकी रहेगा वो आखिरी मैच के ऊपर सबकी नजरे होगी इट्स इंटरेस्टिंग ग्रुप लेकिन ये अगर मगर की बातें है जो कुछ होगा वो दूसरी पारी खत्म होने के बाद थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा वैसे भी इस मैच का परिणाम जो भी आए आखिरी मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है सॉरी यह बेहतर है लेकिन आगे गिरेगी फील्डर से उस पर आज वहां पे मौजूद और सिंगल की मदद से अब स्कोर स्कोर बोर्ड के ऊपर दिखेगा आपको 58 एट अट्ठावन रन दो गेंदे बची है अभी बीस ओवर की स्कोर बोर्ड के ऊपर एट रन पार स्कोर है वो उससे तो थोड़ा आगे निकल चुके हैं पार स्कोर होता है आठ ओवर में कदमों का इस्तेमाल किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ये गेंद जा रही है बेहतर इन आदित्य के द्वारा मानना पड़ेगा काफी लंबा फासला तय करना था पहले वो स्प्लिंटर बने उसके बाद एक्यूरेसी दिखाई दी और अंत में बेहतरीन तरीके से दो रन बचाए निश्चित तौर से यह एफर्ट पूरी टीम का बॉडी लैंग्वेज बदल देगा अंत तक अपना उन्होंने जो हौसला है वो नहीं गवाया लेकिन यह गलत गेंद डाली है लेकिन फिर भी विकेट मिला है फुल टॉस लो फुल टॉस गेंद है मिड विकेट के ऊपर से उसको क्लियर करना चाहा, लेकिन फील्डर को ढूंढ निकाला विकेट का पतन तो यहाँ से अब साठ के स्कोर के ऊपर आखिरी आठवां विकेट गिरा एक रन का टारगेट अब यहाँ पे मिला है इस मैच को जीतने के लिए अंबे लाइन्स को सीवीएन इलेवन का कैप्टन टाइगर इलेवन ना कैप्टन टॉसइंग इलेवन लाई जाए टाइगर इलेवन कैप्टन सीवीएन इलेवन ना कैप्टन टॉस आगे आई जाए

આગલી મેચના કેપ્ટન સિવિયાના ઇલેવનના કેપ્ટન તેમજ ટાઈગર ઇલેવન ના કેપ્ટન મયુર રાઠોડ जीत आए हैं पहली बार गेंदबाजी करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में ऋषिराज हाँ पहली गेंद के ऊपर खूबसूरत स्ट्रोक खूबसूरत स्ट्रोक अंपायर का इशारा देखना होगा चौके के साथ शुरुआत वीरेंद्र सिंह परमार के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका अगला मुकाबला जो रहेगा टाइगर इलेवन और शिवियाना इलेवन दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज टॉस करने के लिए आ जाए एक बार फिर से खूबसूरत वापसी करने की कोशिश पहली गेंद के ऊपर चौका जरूर मिला था लेकिन वापसी करने की कोशिश यहां पर जीत के द्वारा स्कोर है रुका हुआ चार रन जीत के लिए लक्ष्य मिला है सिक्सटी वन इकसठ रनों का लक्ष्य मिला है खूबसूरत खूबसूरत गेंदबाजी हल्की सी उछाल लेती हुई काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी जीट के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी इस बार हल्के आटो से खेल दिया है एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पांच रन अरे का पहला ओवर जारी है काफी अच्छी गेंदबाजी सिवियाना इलेवन के कप्तान शैलिन दरबार से गुजारिश करता हूं कि प्लीज और इस बार गेंद हवा में फील्डर है जिन्होंने देखना वहां पर कोई गलती नहीं की लगने वाला ये पहला जट देखना वहां पर पहला झटका बल्लेबाज के रूप में जयवीर जाधव स्कोर है पांच रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर और इस बार तो खेल दिया है देखना वहां पर फील्डर गेन के, के पीछे लेकिन कोई भी मौका नहीं अंपायर का चार रन इन चार रनों के साथ यहां पर है जयवीर जाधव जिन्होंने अपने काउंट की शुरुआत की पहले ओवर की समाप्ति स्कोर है नौ रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर दूर वाले छोर से गेंदबाजी का भार तुषार डेसाय आए हैं गेंदबाजी करने के, के लिए हल्का रोज़े खेल दिया देखना वहां पर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात रन की कोई गुंजाइश नहीं एक हल्का सा दबाव बनाने की कोशिश वहां पर धर्म राठौड़ की ओर से एक स्लिप लगा के रखी गई है और इस बार जो कि हल्के आटो से खेल दिया देखना वहां पर मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात रन की कोई गुंजाइश नहीं काफी अच्छी गेंदबाजी और इस बार गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे अंपायर का इशारा छेरन अंपायर का इशारा छेरन हाँ काफी अच्छी गेंदबाजी काफी अच्छी गेंदबाजी वापसी करने की कोशिश वहां पर स्कोर रुका हुआ पंद्रह रनों तो का बाहरू ने किनारा जरूर लिया था वहां पर सीवी ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे रन की कोई गुंजाइश नहीं आ, एक बार फिर से ह्यूज हैंडसम बहुत ही लंबा अंपायर का इशारा स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी वन रन दो ओवर की समाप्ति स्कोर है ट्वेंटी वन रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली छत्तीस गेंदों के ऊपर चालीस रन गेंदबाजी में अब परिवर्तन आए हैं खुद कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे सामना करेंगे जयवीर सिंह, और इस बार हल्के टो से खेल दिया है देखना वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी टू बाईस रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर और इस बार हल्के हाथों से बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में टू सारे फील्डर देखना वहां पर महिपाल माफ करना सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर है ट्वेंटी थ्री रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर बारी का ये तीसरा ओवर जारी है काफी अच्छी बल्लेबाजी मानी जाएगी और इस बार पुल करना चाहते थे देखना वहां पर लंबा चेस गेंद जा रही है सीमा रेखा की और अंपायर का इशारा चार रन काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर जयवीर सिंह जाधव के द्वारा स्कोर है ट्वेंटी सेवन रन और इस बार जो कि हेलीकॉप्टर का प्रयास से किया था डाउन द ग्राउंड खेला है सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा और इस बार क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश की देखना वहां पर पहला रन काफी तेजी से इन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन

स्कोर है तीस रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले तीस गेंदों के ऊपर इकतीस रन जीत एक बार फिर से दूर वाले शोर से गेंदबाजी करेंगे इस बार से खेल दिया देखना वहां पर काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी वन का ये चौथा ओवर जारी है उन्तीस गेंदों के ऊपर तीस रन से देखना यहाँ पर जल्द से जल्द मुकाबला खत्म करने की कोशिश करेंगे या नहीं इस बार सीधा खेल दिया है आउट ऑफ अंपायर का इशारा देखना होगा यहाँ पर आशुतोष से ठक्कर के हाथ हवा में लहराते हुए अंपायर का इशारा छह रन स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी सेवन रन और इस बार जो कि जड़ में डालने की कोशिश है पहला रन काफी तेजी से सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन आने वाली सत्ताईस गेंदों के ऊपर तेईस रनों की जरूरत और इस बार गेंद हवा में क्या फील्डर कैरी करेंगे कोई गलती नहीं की लगने वाला ये दूसरा झटका जयवीर सिंह जाधव आउट होकर पेवलियन अंबेलायस को लगने वाला ये दूसरा झटका नए बल्लेबाज के रूप में पुष्पराज पहली गेंद गेंद हवा में और इस बार जो की बड़ी सफलता पुष्पराज आउट होकर पेविलियन लगने वाला यह बड़ा झटका हाँ बैक टू बैक गोल्डन पिछले मैच में भी कोई रन नहीं बनाया था इस, uh, इस मैच में भी पहली गेंद के ऊपर uh, बिना कोई खाटा खोले पेवेलियन लौटे

तीन गेंदों के ऊपर टीम से पलटा पहले हैट्रिक गेंदबाज नए बल्लेबाज परिमल आए हैं धर्म से एक बार फिर से अपने स्पेल का दूसरा अपनी टीम के लिए पांचवा ओवर लेकर स्कोर है थर्टी एट रन चार विकेट के नुकसान के ऊपर और इस बार डाउन टा ग्राउंड के लिए देखना वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर गाड़ी तैनात थे सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बढ़ता हुआ थर्टी नाइन रन अब यहाँ से एक बारह पंद्रह रनों की पार्टनरशिप की जरूरत और इस बार खूबसूरत खूबसूरत गेंदबाजी धर्म सिंह राठौड़ के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी रन की कोई गुंजाइश नहीं और इस बार गट्टी परिवर्तन करने की कोशिश इनसाइड आउट खेला वहां पर एक किरण से संतुष्ट करना पड़ेगा इन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चालीस फोर्टी हाँ खूबसूरत गेंदबाजी का अंदरूनी किनारा देखना वहां पर डिरेक्ट ही रोटी तो दो कुछ नजदीकी मामला हो सकता था उन्नीस गेंदों के ऊपर बीस रनों की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए अंबे लाइन्स को और इस बार हल्के आटोर से देखना वहां पर इस पार लौंग के ऊपर खिलाड़ी तैनात सिर्फ सिंगल आने वाली अठारह गेंदों के ऊपर उन्नीस रन दूर वाले शोर से गेंदबाजी करने के लिए चेतन परमार, मार गेंदों के ऊपर उन्नीस रन पहली गेंद हल्के आटो से डाउन ग्राउंड खेला है वहां पर लॉन्ग की दिशा में खिलाड़ी तैनात सिर्फ सिंगल काफी अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ फोर्टी थ्री चार विकेट के नुकसान के ऊपर सत्रह गेंदों के ऊपर अठारह रन बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया है शॉर्ट इस एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी थे नाटे रन की कोई गुंजाइश नहीं हर बिंडी गेंद के ऊपर यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर एक मानसिक का दबाव जरूर रहेगा 16 गेंदों के ऊपर अठारह रन और इस बार जो के हल्के आटो से खेल दिया है देखना वहां पर चार फील्डर सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर है चवालीस रन चार विकेट के नुकसान के पास और एक बार फिर से खूबसूरत फील्डिंग खूबसूरत फील्डिंग काफी अच्छी गेंदबाजी और उतनी ही अच्छी फील्डिंग चौदह गेंदों के ऊपर सत्रह रन और इस बार जो कि ऊंचाई और लंबाई भी, भी बिल्कुल सही ये बहुत ही निर्णायक सिक्सर सही समय के ऊपर है इन छह रनों के साथ चीयर अप फिफ्टी पचास रन चीयर अप द फिफ्टी इन साइड आउट पहले छक्का में चौका खूबसूरत बल्लेबाजी अंपायर का इशारा चार रन के ऊपर सात रन इस बार नो बॉल नो बॉल का इशारा हुआ है अब छह रनों की जरूरत फ्री हिट कुल कर बल्लेबाजी करने का मौका ने 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 पर जो आ ये लगा और ये मुकाबला यहां पर अंबे लायंस जिन्होंने जीत लिया है तो आज के दिन का एक और अगला मुकाबला ग्रुप बी का यह छठा मुकाबला महाराणा प्रताप कप 2022 हजार सीजन तीसरा मीठे गीतारी रणवीरारी आसान है राजस्थान री सगड़ी दुनिया बोल रही या धरती है बलिदान री अमर सिंह राणा प्रताप वीर दुर्ग दास सरीख है वीरारी आ धरती है भक्ति में तपियोडी मीरारी तो अब आज के दिन का आखिरी और छठा मुकाबला महाराणा प्रताप कप 2022 2022 सीज़न ये तीसरा और आज के दिन का बी ग्रुप का ये छठा मुकाबला टॉस हो चुका है इस मुकाबले का जहाँ पे टॉस जीता टाइगर इलेवन के कप्तान ने और पहले उन्होंने फैसला किया है कि वो फील्डिंग करेंगे और आज पूरे दिन जो भी मुकाबले उन्होंने खेले हैं सभी मुकाबलों में उन्होंने टॉस जब भी जीता है उन्होंने अमूमन पहले ही गेंदबाजी उनको आई है इससे पहले जो उनका ओम साइक इलेवन के सामने मुकाबला था वहाँ पे भी उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग ली थी उसके बाद जो अम्बे लाइन्स के सामने मुकाबला था वहाँ पे भी उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग का ही चयन किया था तो अब फिर से वही टैक्टिक के मुताबिक आगे बढ़े हैं क्योंकि यही स्ट्रेटर्जी के साथ पहले वो दो मैच जीत चुके हैं सो यहाँ पर भी जब सिक्का उछला तो गिरा टाइगर इलेवन के पक्ष में उन्होंने फील्डिंग पहले पसंद की और इलेवन को उन्होंने आमंत्रित किया है उन्होंने कहा कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए और एक खास बात अब तक रही है टाइगर इलेवन की कि गेंदबाजी उनकी कमाल की है दोनों टीमों को अभी तक उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कम स्कोर के ऊपर उन्होंने सीमित किया है पहले उन्होंने ओम साई को 36 पे ऑल आउट किया था अम्बे लाइन्स इलेवन की टीम को उन्होंने मात्र तेपन रन बनाने दिए थे और अब यहां पे क्या सीवियाना इलेवन वो पजल वो जो एक मिस्ट्री है वो तोड़ पाती है गेंदबाजी की इंटरेस्टिंग बात थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी इसलिए यह मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग रहेगा अंबे लायंस की टीम उनकी भी नजरें इस मुकाबले के ऊपर होगी कि वो दो मुकाबले जीत चुकी है लेकिन अभी भी वो जो उनके नाम के सामने वो क्यू लिखा जाना चाहिए ना वो भी नहीं लिखा गया है क्यू फॉर क्वालिफाई क्योंकि सिवियाना इलेवन अगर जीतती है तो अंबे लाइन्स के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है तो ये मुकाबला इसके ऊपर नजरे अंबे लाइन्स की भी होगी और वैसे भी अगर देखा जाए तो टाइगर इलेवन वो दो मुकाबले जीत चुकी है ना इलेवन जीतती है तो वो भी दो मैच जीतेगी अम्बे लाइन वो भी दो मैच जीत चुकी है तो फिर उसके बाद रन रेट के ऊपर ये पूरा मसला जाएगा तो ये अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया ये इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा इस इंटरेस्टिंग मुकाबले में आपको दिखेंगे विशाल सिंह गेंदबाजी करते हुए पहले पहले ओवर में लेट्स प्ले तेजस दरबार बल्लेबाज हल्के हाथों से इस बार कवर की दिशा में डॉट बॉल के साथ शुरुआत पूरे टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिन्होंने डबल मेडन ओवर डाले हैं विशाल सिंह जो आज के दिन का पहला मुकाबला था ओम साई के सामने दो ओवर में दोनों मेडन और तीन विकेट ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रेट है आपके सामने रखूंगा जाने दिया टू विकेट कीपर एक अच्छी गेंद थी उसे संभाल के खेला वहां पे तेजस दरबार वैसे उनकी ये सहेली नहीं है अमूमन अटैकिंग मोड में आते हैं और उसी प्रकार से वो जाने जाते हैं अटैक करने के लेकिन आज थोड़ी अलग सोच जी हाँ वो प्रयास किया है ऊपरी किनारा नो मैन स्लैंड में गिरेगी फील्डर वहां पे डीप में मौजूद था लेकिन सामने एक अच्छा गेंदबाज है विशाल सिंह चुनौती होगी ये मुकाबला कड़ा होगा वो सामने एक सूझबूझ भरा किफायती गेंदबाज उसके सामने एक आक्रामक सोच वाला बल्लेबाज और सलामी बल्लेबाज के तौर पे इनके साथ है कल्पेश परमार जो वाकल से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं कल पे सामना करेंगे पहली बार इस ओवर में विशाल का हल्के हाथों से सीधे बल्ले से कवर की दिशा में ये एक रेप्यूटेशन होता है गेंदबाज ने एक अपना होद्दा यहाँ पे कायम किया है एक रेप्यूटेशन अपना क्रिएट किया है और उसका इम्पैक्ट हमें बल्लेबाजों की शैली में कई बार नज़र आता है ये जो अभी तक इस में जो गेंदे हुई है चार गेंदे उसमें वो दिखा है इस बार पटकी हुई गेंद बेहतरीन तरीके से और सही उछाल वहां पे प्राप्त किया ये विकेट ये छठा मुकाबला आज के दिन इस पिच के ऊपर हो रहा है लेकिन मानना पड़ेगा पिच क्यूरेटर की तारीफ करनी पड़ेगी अभी भी इस विकेट में वो उछाल है अभी भी ध्रुव पटेल पिच क्यूरेटर अच्छा वर्क और और क्लीन यू मिस आई हिट पे पे बिल्कुल को एक्सपोज कर दिया एक वहां पे मात्रा नजर आ रहा था और वो सबसे बढ़िया गेंद जो लेफ्ट बॉलर की होती है ना पिचिंग ऑन टू द गुड लेंथ एरिया मिलर स्टंप के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा कांटा बदला और एक मात्र ऑप्शम नजर आ रहा था ये वो हेजलवुड वाली गेंद होती है और अगर लेफ्ट आर्म गेंदबाज देखोगे ना तो मौजूदा समय में अर्शदीप सिंह बिल्कुल उसी तरह की गेंद और कल्पेश को तो वापस जाना पड़ेगा टटआउट में एक ओवर की समाप्ति एक रन बोर्ड के ऊपर एक विकेट भी लिखा गया है तो ये मुकाबला बड़ा है रेप्यूटेशन के साथ यहाँ पे टाइगर इलेवन की टीम उतरी है क्योंकि पहली दो मैचों में उन्होंने अपना एक खौफ जमाया है गेंदबाजी के साथ और वो पहले ओवर में उन्होंने कायम रखा है कि उनकी जो गेंदबाजी है ना हर गेंदबाज का एक अलग भूमिका रहती है हर गेंदबाज की एक अलग भूमिका आप देखोगे फार एंड से जब भी गेंदबाजी होती है विशाल शुरू करते हैं, इस एंड से मयूर राठौड़ आते हैं तो वो अमूमन गेंदबाजों की जोड़ी होती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी, भी आप देखोगे आप पुराने समय में देखोगे ना तो वैसे मेघरात के साथ सेनवन सबसे ज्यादा विकेट फास्ट बॉलर उनके साथ ब्रेटली थे वसीम अक्रम वकार सामी और बुमरा शॉट ये बेहतर है शॉट यह बड़ा है गेंदबाज कोई भी हो सामने बल्लेबाज तेजस दरबार है बड़ा शॉट बेहतरीन बल्ले के साथ ये कनेक्शन मिडल ऑफ द बैट और मिला है इस पारी का पहला मैक्सिमम पहला ओवर जो तेजस दरबार में थोड़ा अपना कंफर्टेबल जोन है ना उससे बाहर निकल के वो खेलने का प्रयास किया था वहां पे एक ही रन मिला था और एक टॉपेज भी लग गया था लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया है वो अपने कंफर्टेबल जोन में खेलेंगे इस बार है बड़ा शॉट खेलने का प्रयास विकेटकीपर बीट हुए और किनारा लगा था शायद वहां पे और ये ड्रॉप चांस जीवनदान तेजस दरबार को और वैसे भी ये चांस उनके सामने बनता है क्योंकि वो हर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं तो एक थोड़ा बल्लेबाज कई कबार गेंदबाज को एडवांटेज देता है विकेट का इस बार अक्रॉस द लाइन क्रॉस बैट शॉट बल्ला कहीं और चला उससे पहले गेंद निकल के चली गई विकेटकीपर के हाथों में अच्छी सोच मयूर राठौड़ एक्यूरेट गेंदबाज है सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करना वो जानते हैं गुमाओ भी वो प्राप्त कर लेते हैं इस बार फिर से वही शॉट लेकिन थोड़ा सफल किया था इस बार ऑप्शन के बाहर उसकी वजह से काफी करीब से गेंद वहाँ पे निकली है शरीर से इसीलिए वहाँ पे जो रूम बना था वो रूम बिल्कुल तरीके से खत्म हो गया अच्छी गेंदबाजी बातचीत वहाँ पे सदानंद सिंह समझा रहे जी हाँ के एक इंपॉर्टेंट ये मुकाबला हम खेल रहे थोड़ा धैर्य दिखाइए हवा में ऊंची है ऊंचाई का छक्का है और उसके नीचे इंटरेस्टेड और रॉप चांस ये मौका गवाया है कैच यहाँ पे छूटा है दूसरा जीवन दान प्राप्त हुआ है यहां पे तेजस दरबार को बहादुर को भाग्य का साथ इस बार कट करने का प्रयास फील्डर है डीप में अच्छी फील्डिंग और उसी फील्डिंग के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं और इस ओवर में काफी कुछ घटा दो ड्रॉप चांस भी आए एक बड़ा छक्का मैक्सिमम भी देखने को मिला इंटरेस्टिंग ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले भी समाप्त हुआ दो ओवर के बाद नौ रन साढ़े चार की औसत से विकेट गिरा है एक सीवियना इलेवन अनाद और की समाप्ति के बाद अच्छी गेंद थी ये, बैक ऑफ ए हैंड यह गेंद थी लेग ब्रेक के अंदाज में इस गेंद को रिलीज किया था सदानंद सिंह पढ़ने में नाकामयाब रहे और तीन मैचों में अलग अलग पोजीशन पे बल्लेबाजी की है सदानंद ने पहले सलामी बल्लेबाज उसके बाद चौथे स्थान पे और अब वन डाउन पोजीशन शॉर्ट बेहतर है शॉर्ट कड़क है कनेक्शन इतना पर्याप्त है कि स्क्वायर लेग के ऊपर से मैक्सिमम मिलेगा सदानद एक इनफॉर्म प्लेयर है ये बल्लेबाजी में अपने तो जोहर दिखाएंगे अपने वो तेवर दिखाएंगे तो इस छह रन की मदद से पंद्रह रन अच्छा शॉट था यह मानना पड़ेगा अमूमन आसान नहीं होता जो गेंद घूम रही होती है उसको इस प्रकार से खेलना ये शॉट हवा में है ऊंचाई ज्यादा है लंबाई देखना होगा जी नहीं ये तेजस दरबार बता रहे थे कि आपको वो जो एरिया स्क्वायर लेग वाला थोड़ी छोटी बाउंड्री है वहां पे खेलने की जरूरत थी लेकिन आपने काउ कॉर्नर वा वाला वो सबसे लंबा कौन चुना ये जो का काउ कॉर्नर होता है ना ये इसको चांस ऑफ विकेट कॉर्नर बोलते हैं इसकी वजह से यहाँ विकेट का चांस बनता है तो यहाँ पे दूसरा झटका यहां पे लगा है सीबीआई नई इलेवन को सदानंद सिंह वापस आएंगे तो थैंक यू डीजे विकेट का झटका यहाँ पे पंद्रह के ऊपर दूसरा विकेट जस परमार पहली ओवर में विकेट निकाला और अब फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच हो गए उनको अजय पटेल जो स्पॉट खैरगाम के ऑनर है उनके द्वारा टी शर्ट दी जाएगी जो एजे स्पॉट जलाराम खमण के बिल्कुल ऊपर ये है नई स्पॉट्स की शॉप पहली गेंद के ऊपर खाता खोला है शैलिन दरबार ने अपना तो फाइनल मैन ऑफ द मैच के लिए इनामी घोषणा यहाँ पे हुई है अजय पटेल एजे स्पोर्ट्स कैरगाम के ऑनर फाइनल में मैन ऑफ द मैच होने वाले प्लेयर को उनकी तरफ से टी शर्ट दी जाएगी सोलह रन सिंगल की मदद से दरबार ऑफ द मार्क वेरी अर्ली अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है जस परमार के द्वारा लैक ऑफ बाउंस उछाल का थोड़ा अभाव नजर आया जगह पैसे है वो खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन वो तेज गेंदबाज कई कबार वो जो अपने वो रिस्ट जब इस्तेमाल नहीं करता है ना तो ऐसी नीची गेंद नजर आती है इस बार सफल करके खेलने का प्रयास ऑफ स्टम्प के बाहर लेकिन अच्छी सोच बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जस पर मार के द्वारा और तीन ओवर की समाप्ति के बाद सोलह रन दो विकेट के नुकसान पे नीरव कंसारा एन के स्पोर्ट्स वलसाड़ उनके द्वारा जो मैन ऑफ द सीरीज जो भी प्लेयर होगा उनको ट्रॉफी दी जाएगी तो वो मैन ऑफ द सीरीज की जो ट्रॉफी है उनके स्पॉन्सर नीरव कंसारा एनके स्पोर्ट्स वलसाड़ बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का उसके अलावा अजय पटेल एजे स्पोर्ट्स केरगाम मैन ऑफ द मैच फाइनल में जो हो उनको टी शर्ट और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी नीरव कंसारा फ्रॉम एन के स्पोर्ट्स वलसाड़ सीरीज की ट्रॉफी उसके स्पॉन्सर है नीरव कंसारा तीन ओवर के बाद सोलारन वो जो लो स्कोरिंग का सिलसिला अब तक देखा था वो अभी भी जारी है यहां पे टाइगर इलेवन के सामने अभी तक तो वो मिस्ट्री सॉल्व हुई नहीं है अगली निर्धारित पांच ओवर में क्या होगा वो इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाज अटैम जरूर किया था सैलिन दरबार ने एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाज गोहिल प्रतेश गोहिल आक्रमण के ऊपर उनको लगाया गया है गेंदबाजी में यहां पे एक और परिवर्तन किया गया है चार ओवर में यह चौथा गेंदबाज चेंज हुआ है शॉर्ट ये कड़क है शैलिन दरबार का अपना अंदाज है वो ही आकाश चोपड़ा की वो लाइन याद आती है ये शॉट नहीं है संदेश है शैलिन दरबार का ये अपना ही अंदाज है शॉट बहुत ही बढ़िया आप एक्शन रिप्ले में देखोगे ना तो वो बैकफुट पे जाके है और वो जो उनका ट्रेडमार्क सिग्नेचर शॉट है साइड एंगल से देखो वो स्टम के बिल्कुल पीछे चले जाते हैं तो ये उनका एक चित परिचित ये इनकी पहचान है ये इनका अपना ही एक अंदाज है वो जो मैंने बात कही थी ना कि सबका एक ट्रेडमार्क सिग्ने शॉट होता है वो बंटी पटेल का हम देखते हैं ना वो बैठक शॉट वो काफी फेमस है जैसे जिमी दरबार का पुल शॉट और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रोहित शर्मा का पुल शॉट वो बैकवर्ड स्वीप एबी एबीडी का वो नजाकत वाला शॉट फिर सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव कोहली का वो कवर ड्राइव काम के बाहर तेज गति से स्लैश किया है स्वीपर पॉइंट का फील्डर वहां पे उसको बीट किया चौका बटोरा पहले स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का फिर थोड़ी लाइन में तब्दीली करने का प्रयास किया लेकिन शैलिन दरबार का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला है नाउ सैलिन रियली इन अ गुड टच 26 26 रन ये जो गेंदबाजी में थोड़ी मिस्ट्री पजल चल रही थी ना उसका उकेल यहां पे निकाला है उसका सॉल्यूशन ढूंढा है सैलिन दरबार ने चौके की मदद से 26 रन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा निश्चित तौर से काफी बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी ये एक दबाव है छक्का लग चुका है चौका लग चुका है लेफ्ट बॉलर अमूमन राउंड विकेट तभी आता है जब विकेट टू विकेट वो गेंदबाजी करना चाहता है जैसे ये गेंद विकेट टू विकेट डाला और विकेट का पतन वहां पे फील्डर को ढूंढ निकाला ऊंचाई मिली नहीं लंबाई मिली नहीं फ्लैट यह शॉर्ट गया वापसी यहां पे गेंदबाज गोहिल ने की और सैलिन दरबार एक बड़ा बल्लेबाज एक बड़ा विकेट उनके नाम रहा है और विकेट यहां पे 26 के ऊपर 27 के ऊपर गिरा है यहां पे तीसरा विकेट तीन दशमलव चार ओवर सत्तावीस रन तीसरा झटका यहाँ पे और वो सबसे बड़ा विकेट गेंदबाजी में परिवर्तन चौथे ओवर में लगातार चौथा गेंदबाज आया और यहाँ पे वो परिवर्तन काम करता हुआ एक समय पे शायद ऐसा लग रहा था कि मयूर राठौड़ मयूर राठौड़ वहां पे विशाल को ला सकते थे लेकिन उनके पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर का एक और उनके पास विकल्प पा था वो उन्होंने इस्तेमाल किया शॉट वैसे अच्छा था वो सैलिन का लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में वहां पे फिल्डर को दूर निकाला अब वो जो फिल्डर है ना वहां से हटा दिया जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन अब ऊपरी किनारा हवा में फिल्डर उसके नीचे और दो गेंदों के ऊपर दो सफलता प्रीतेश गोहिल थोड़ा अब वापिस सीवीआईनावन को बैकफुट पे धकेला है ठाकुर वापस आएंगे अब नए बल्लेबाज के रूप में आकाश परमार बीच मैदान में चौथा झटका अभी अभी यहां पे लगा है दो गेंदों में दो विकेट और फिर से यहां पे अब हैट्रिक का मौका बना है पहले शैलिन दरबार को चलता किया उसके बाद तेजस इस बार क्या बात है ये आकाश परमार है ये विंटेज पुराने जो हम देखते थे आकाश परमार को उसकी झलक इस शॉट के ऊपर नजर आई अगेन बैक विद द बैंग के अंदाज में पहला मैक्सिमम क्या बात है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ये शॉट कड़क था शॉट ये अच्छा था आकाश ने ये पे स्टेटमेंट क्लियर किया है कि ये मेरी वापसी है और वापसी के ऊपर मैं कुछ ना कुछ अपने नाम कुछ ना कुछ करूंगा अगले ऑक्शन में आपके लिए और ज्यादा थोड़ी दिक्कतें बढ़ाऊंगा चार ओवर की समाप्ति 33 रन चार विकेट के नुकसान पे। चार ओवर की समाप्ति तैतीस रन और चार विकटे भी गवाई है आकाश परमार तेजस अभी भी मौजूद है वहां पे सोड या कड़ा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है डीप में एक ही रन लेने का मौका होगा क्योंकि तेज गति से ट्रैवल कर रही थी गेंद और काफी एक खूबसूरत मैदान मेंटेन अच्छी तरीके से किया है जो यहां परमार और उनकी टीम के द्वारा बेहतरीन काम और विकेट मानना पड़ेगा छठा ये मुकाबला चल रहा है आज के दिन का लेकिन अभी भी वही उछाल इस विकेट में है एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास वहां पे तेज गति से बल्ला चलाया आकाश की पहले भी ये पहचान हुआ करती थी कि उनके हाथ से बल्ला काफी जोर से चलता है यदि उनके रडार में गेंद आ जाए ना तो बड़े से बड़ा ग्राउंड छोटा पड़ जाता है ये इनकी एक पहचान उन्होंने बनाई थी अब उसी पहचान को यहां पे वापस तलाश कर रहे हैं अच्छी गेंद थी लैक ऑफ बाउंस उछाल का अभाव और ये कई बार होता है लेफ्ट आर्म गेंदबाज जब ऑपस्टर्म के बाहर जब गेंदबाजी कई बार करता है ना थोड़ी सी अगर उंगली घुमा घुमाता है तो वो उछाल का अभाव थोड़ा वहां पे नजर आता है ये मात्र लेफ्ट आर्म गेंदबाज के पास आपको दिखेगी ये कला और ये राइट हैंड बैट्समैन के लिए अमूमन बाहर निकालना पसंद करते हैं इस बार कट किया है फील्डर का दूड़ना में इस फील्डिंग की वजह से आउटफील्ड तेज है चौका मिलेगा यहां पे गलती कर दी जहां पे एक भी रन नहीं था वहां पे चौका प्राप्त हुआ है तो ये थोड़ा बल्लेबाज को काफी कुछ खलेगा वो डिसअपॉइंटेड हो गए नाखुश हो गए लेकिन खुशी यहां पे होगी सीविया नाई इलेवन के कक्ष में उनचालीस रन चार विकेट के नुकसान पे और तेजस दरबार अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार बड़ा शॉर्ट खेलने का प्रयास द लाइन उनका जो ना डबल हेडर पे कुछ ना कुछ घटा है कुछ ना कुछ विकेट लिखा था इस गेंद के ऊपर ऐसा लग रहा था क्योंकि एल से बचे फिर वहां पे डायरेक्ट थ्रो अगर होता ना तो कहानी खत्म हो सकती थी तेरा गेंद थी तेरवा ये रन था ये जो अनलकी नंबर होता है ना कुछ कुछ घटता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ हरकत होती है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी देखते हैं कि या तो विकेट जाता है या तो विकेट का चांस बनता है इस बार पैरों के ऊपर गेंद थी फ्लिक किया हल्के हाथों से फील्डर मौजूद डीप में जब तक फील्ड करेंगे आकाश परमार स्ट्राइक के ऊपर आ जाएंगे ओवर की समाप्ति माफ कीजिएगा स्ट्राइक पे रहेंगे तेजस दरबार तो अब पांच ओवर की समाप्ति आठ की औसत से चालीस रन बने हैं चार विकटे यहां पे गवाई है सिवियाना इलेवन ने और पिछला जो मुकाबला अगर आप देखोगे ना जो सिवियाना इलेवन ने खेला था ओम साई इलेवन के सामने तो पिछला जो आखिरी मुकाबला वहां पे भी पांच ओवर में थर्टी सेवन या अड़तीस रन थे फिर आखिरी तीन ओवर में बेहतरीन कल्पेश और शैलिन दरबार ने अंत में 91 वन रन बॉर्ड के ऊपर रख दिए थे तो ये टीम के पास वो क्षमता है कि आखिरी के तीन ओवर में रन बटोरना जानते हैं यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है चालीस रन और आक्रामक बल्लेबाज है दोनों आकाश परमार और तेजस दरबार गेंद अब मयूर राठौड़ के हाथ में अच्छी गेंदबाजी इस आज पूरे दिन उनके द्वारा दिखी गई है टीम के एक बहुत ही बढ़िया हरफन मॉल ऑलराउंडर क्रिकेटर बेहतरीन शॉट हवा में थोड़ी ज्यादा है फील्डर उसके नीचे इंटरेस्टेड गलती नहीं करेगा मयूर राठौड़ आते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ तो हरकत करते हैं यहाँ से उन्होंने विकेट चटकाया है तेजस दरबार को वापस डगआउट में भेजा है उन्होंने तेजस दरबार हैजू डिपार्ट्स वापिस जाएंगे कोई गलती नहीं कि वहां पे मिड विकेट पे खड़े फील्डर ने एक रनिंग कैच लेना उतना आसान नहीं था लेकिन कंफर्टेबली इस कैच को वहां पे खत्म किया और 40 के ऊपर पांचवा झटका आधी टीम डगआउट में जा चुकी है इस बार कट करने का प्रयास था ऑफ साइड की दिशा में गेंद को थोड़ा उछाल प्राप्त करवाने का प्रयास किया था लेकिन जितनी अपेक्षा कर रहे थे उतना उछाल मिला नहीं नए बल्लेबाज आतीश दरबार इस बार सामने की दिशा में और फील्डर है मौजूद परमार पार्थिव परमार उन्होंने गलती नहीं की इस ओवर में मयूर राठौड़ के नाम यह दूसरा विकेट आया है अच्छी गेंदबाजी का रिवॉर्ड उनको मिला है पहले एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास पे मिड विकेट के ऊपर तेजस दरबार और अब आतिश दरबार बिना खाता खोले स्कोरर को बिना ज्यादा परेशान किए डगआउट में चले गए लेकिन परेशानी अब सीबिया ने इलेवन की बड़ी है चालीस रन चालीस के ऊपर छठा विकेट गिरा है इस बार हल्के हाथों से स्वीपर कवर के ऊपर फील्डर वहां पे मौजूद एक रन प्राप्त होगा इस ओवर में पहला रन आया है फोर्टी वन इकतालीस रन और दो विकेट इस ओवर में आई है पहले तेजस दरबार को चलता किया उसके बाद आतिश दरबार को चलता किया ये सौ कड़क है ये आकाश परमार ये विंटेज आकाश परमार ये कहानी फिर से दोहराई जा रही है इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है और वह याद रखिएगा आकाश परमार वापसी पे आया है फोर्टी सेवन सैतालीस रन विकेट के नुकसान पे ये बल्लेबाज जब तक खड़ा है ना सिवियाना इलेवन की स्कोर कार में रन दिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रखे आकाश ये सही होगा टीम के लिए इस बार ऊपरी किनारा और फील्डर उसके नीचे मौजूद एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ऊपरी किनारा लग के चला गया मयूर राठौड़ उनके नाम सफलता उनको यहाँ पे एक और सफलता प्राप्त हुई है मयूर राठौड़ मानना पड़ेगा अच्छी एक्यूरेट गेंदबाजी सही टप्पे के ऊपर जब भी उनको बड़े शॉट आए हैं ना जब भी उनकी गेंदों के खिलाफ बड़े शॉट लगाए दूसरी गेंद के ऊपर वो वापसी करते हैं लेकिन अच्छी कोशिश की मानना पड़ेगा आकाश परमा ने और फोर्टी सेवन सैतालीस के ऊपर सातवा विकेट ओवर की समाप्ति के बाद 46, 47 फोर्टी सेवन के ऊपर सातवां झटका की समाप्ति के बाद जस परमार गेंदबाजी का भार संभालेंगे दूर वाले छोर से अनिरुद्ध दरबार नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के ऊपर हरशिव दरबार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास हर के बल्ले से लेकिन और थोड़ी सी मिसफील डायरेक्ट थ्रो चाहिए लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हाँ ना हाँ ना लेकिन अंत में रन लेने का फैसला किया तो अब एक दो एक दो सिंगल तो यहाँ पे चालू रखने पड़ेंगे स्ट्राइक रोटेट आपको करना पड़ेगा इस बार थोड़ा क्रॉस बैटेड यह शॉर्ट खेला है डीप में फील्डर मौजूद है रन एक ही मिलेगा फोर्टी नाइन रन शॉर्ट यह अच्छा है हवा में थोड़ी ज्यादा चली गई फील्डर इंटरेस्टेड है और गलती नहीं करेगा के ऊपर फील्डर को तैनात किया था इसी शॉट के लिए थोड़ी ज्यादा हवा में चली गई और ऊंचाई वहाँ पे मात्रा प्राप्त हुई वो जो एलिवेशन मिलना चाहिए वो मिला नहीं उसकी वजह से आठवां झटका आठवां झटका यहाँ पे लगा है शॉट कड़क है ये अच्छा कनेक्शन मिला है फील्डर वहां पर दर्शक बन जाएंगे क्योंकि ये शॉट इतना बेहतरीन था कि इसके ऊपर छह रन की वो छाप लग गई थी और इस छह रन की मदद से पचपन फिफ्टी फाइव पचास के पार स्कोर डिफेंडिंग टोटल झील सोलंकी झील सोलंकी ऑफ द मार्क विद द मैक्सिमम सरप्राइज ली यहां पे सबको उन्होंने चौंकाया है इस छक्के के साथ वो भी कह रहे हैं कि क्षमता हमारे पास भी है मैच चाहे जहां खड़ा हो सामने गेंदबाज कोई भी हो हमको गंवाने का कुछ नहीं है हम अपना बल्ला चलाएंगे उसी प्रयास में छक्का प्राप्त कर लिया लेकिन शॉट बढ़िया था इस बार कवर की दिशा में ओवर द टॉप फील्डर वहां पे मौजूद सीधा एक टप्पा फील्डर के हाथ में रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए गेंदबाज है ना तो अच्छे स्प्लिंटर होते हैं वो अच्छे जो गेंदबाज होते हैं ना वो अमूमन अच्छा भाग लेते हैं तो वही यहाँ पे स्प्लिंटर वाली दौड़ यहाँ पे नजर आई और सत्तावन रन इस दो रन की मदद से उपयोगी रन यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं ये भी कड़क है सामने फील्डर मौजूद जस्ट शॉट फ्रॉम जी नहीं पहुंच गए थे वहां पे वन ऑफ द बेस्ट रिमार्केबल कैच नाखुश थोड़े वहां पे झील अपने आपसे ये भी एक बड़ा शॉट हो सकता था फील्डर एक जो मात्र खड़ा था वाइडिस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर उसको क्रॉस करना था लेकिन उतना आसान नहीं होता तो अंत में एक अच्छा प्रयास किया लेकिन विकेट का पतन आया है एक और विकेट गिरा है सत्तावन नौवा झटका यहां पे लगा है विकेट यहां पे गिरता हुआ झील सोलंकी आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज अनिरुद्ध और नए बल्लेबाज के रूप में दित्य सिंह आखिरी जोड़ी अब बीच मैदान में प्रतेश गोहिल एक और लेफ्ट गेंदबाज ऊपरी किनारा फील्डर उसके पीछे विकेट कीपर और शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर लेकिन मयूर राठौड़ वो जहां भी कैच होता है ना पहुंच जाते हैं और वो भी एक अच्छे फील्डर है अच्छे क्रिकेटर अच्छे ऑलराउंडर तो यहाँ पे सत्तावन के ऊपर के ऊपर इलेवन की पूरी टीम धराशायी हुई है क्या एक सिग्नेचर ये ट्रेडमार्क अपने आप के लिए सेट किया है टाइगर इलेवन ने कि तीनों मैचिस में आप देखोगे ना उनकी जो गेंदबाजी है मानना पड़ेगा सामने वाली टीम को इस तरह से वो मात देते हैं ना वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है सत्तावन रन मात्र यहाँ पे बने हैं लेकिन ये टारगेट है ना ये टोटल ये डिफेंडिंग टारगेट है ये लड़ने लायक ये स्कोर है ये स्कोर इतना भी कम नहीं ये स्कोर उतना ज्यादा भी नहीं ये लड़ने लायक वो टारगेट है तो यहां से सिवियाना इलेवन एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी सत्तावन रन बनाए हैं अट्ठावन रनों की चुनौती यहां पे प्रस्तुत की है तो वो चुनौती कैसे हासिल करेंगे यहां पे टाइगर इलेवन की टीम वो देखना होगा वो अपने आप में इंटरेस्टिंग बात होगी अम्बे लयंस जो टीम है उनकी भी नजरें इस मुकाबले के ऊपर रह, डटी रहेगी क्योंकि तो सिवियाना इलेवन अगर जीतती है ना तो वह दो मैच जीत जाएगी सभी तीन टीमों के दो मैचेस हो जाएंगे फिर रनरेट के ऊपर ये बात जाएगी तो अब फोर्टी ए फिफ्टी एट का जो टारगेट है वो कैसे है यहाँ पे अब अर्चित होगा इसकी कहानी आपके सामने लेके आएंगे हमारे साथी और सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर अजीतू भाई पटेल स्वागत है आपका जीतू भाई Yes, यहाँ पर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में ब्रिटिश गोहिल और पार्थिव परमार की जोड़ी पार्थिव के लिए इनाम भी रखा है डीवीएस ठाकुर शेखवा की ओर से हर सिक्सर के ऊपर पांच सौ रुपए का इनाम उनके मामा है जीत के लिए फिफ्टी एट Yes, यह की ओर से संकेत मिल चुका है यहां पर दूसरी इनिंग का प्रारंभ पहले गेंदबाजी का भार अनिरुद्ध दरबार दूर वाला छोर से गेंदबाजी करेंगे पहले गेंद हल्के आटो से कट करके खेल दिया देखना वहां पर सदानंद सिंह थे गली के ऊपर खड़े थे रन की कोई गुंजाइश नहीं काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर जीत के लिए फिफ्टी एट और इस बार पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है है गेंद जा रही सीवारे का फील्डर के लिए लंबा चेस काफी अच्छी फील्डिंग सिर्फ एक रन सिर्फ एक रन निश्चित रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन बचाए इन एक रन के साथ यहाँ पर प्रश गोहिल जिन्होंने अपना अकाउंट की शुरुआत की अब स्ट्राइक के ऊपर पार्थिव परमार उनके ऊपर इनाम लगा है हर सिक्सर के ऊपर उनके मामा डिव्यस ठाकुर की ओर से पांच सौ रुपये का इनाम है हल्का टो से खेल दिया देखना वहां पर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात रन की कोई गुंजाइश नहीं तो काफी अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर दरबार के द्वारा स्कोर रुका हुआ एक रन पारी का यह पहला हो जारी और इस बार बड़े हिट की कोशिश है लेकिन हल्की सी आउटस्विंग गेंदबाजी करने की कोशिश है ये लाइन बिल्कुल सही है स्कोर रुका हुआ एक रन पारी का ये पहला ओवर जारी है इस बार किसी अपील जरूर हुई थी लेकिन स्कोर रुका हुआ एक रन पारी का ये पहला ओवर जारी है काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी यहाँ पर अनिरुद्ध दरबार दर के द्वारा परमार जो कि पर कुछ दबाव में दिखाई दे रहे हैं और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है देखना वहां पर अगर डायरेक्ट हिट होती तो कुछ नजदीकी मामला हो सकता था फिलहाल एक रन के साथ यहां पर जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की ओवर की समाप्ति पहले ओवर की समाप्ति स्कोर है दो रन कॉमेंट्री बॉक्स इनसे गेंदबाजी का बार जैनिश ठाकुर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और इस बारे हवा में जरूर रही थी लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं काफी अच्छी शुरुआत यहां पर जेनिश इसके द्वारा काफी अच्छी शुरुआत और इस बार घूमकर खेल दिया है पुल स्टॉक जिसको कहा जाना चाहिए यस यहां पर पहला मैक्सिमम पाँच सौ रुपये अपने जेब में डाल दिए डीवीएस ठाकुर ने इनाम रखा था हर सिक्सर के ऊपर पांच सौ रुपया उनके मामा है DJ डाउन छह रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आठ रन एक बार फिर से पटकोगे तो फटका जरूर दिखाओगे लगातार दो गेंडों के ऊपर दो छक्के एक हजार रुपये अपने अकाउंट में मामा जी नजर नहीं आ रहे हैं और इस बार रिवर्स अटेम्प्ट कर दिया है गेंद रही सीमारे का की ओर बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी का ही चार रन स्कोर बढ़ता हुआ अठारह एटीन पारी का ये दूसरा जा जारी है काफी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी यहाँ पर टाइगर इलेवन के द्वारा और इस बार गेन हवा में क्या ये कैच यहां पर है पहला झटका पहला झटका पार्टी आउट होकर पे लेकिन जाते जाते उन्होंने अपना काम कर लिया छोटी लेकिन बहुत ही निर्णायक पारी खेली पहली गेंद के ऊपर बड़े हिट की कोशिश वहां पर की समाप्ति के, 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 के नाम है सरपंच जिनकी ओर से पच्चीस हजार रुपया मीनाबेन संजय सिंह ठाकुर तालुका पंचायत सभ्य पच्चीस हजार रुपया अरविंद भाई पटेल डारा सभ्य श्री इक्कीस हजार रुपया ऋषिराज सिंह ठाकुर कोचवाड़ा पंद्रह हजार रुपया अरुण सिंह चावड़ा वलसाड़ ग्यारह 11 हजार एक सौ ग्यारह किशन सिंह परमार सेलवास ग्यारह हज़ार रुपया कमलेश सिंह ठाकुर प्रमुख वलसाड़ तालुका पंचायत ग्यारह हज़ार रुपया भिखूभाई मगनभाई ठाकुर सेगवा दस हज़ार रुपया डलपत सिंह ठाकुर प्रमुख सिंह बुटसर पाँच हज़ार रुपया कल्पनाबेन पटेल जिला पंचायत सभ्य पाँच हज़ार रुपया भाई आहिर पीठा सरपंच पाँच हज़ार रुपया भरत सिंह परमार बारसोल पाँच हज़ार रुपया सुलेमान शेख सेगवा सरपंच पाँच हज़ार रुपया बुटसर क्रिकेट टीम पच्चीस सौ रुपया सागर सिंह परमार भुटसर दो हजार रुपया और इस बार घूमकर खेल दिया है देखना वहां पर डीपर की दिशा में हल्का सा फंबल जरूर हुआ था आज टीन के लिए इनाम रखा है लगातार तीन गेंदों के ऊपर तीन सिक्सर लगाने पर सौरभ ठाकुर उर्फ़ सुलू भाई पांच हजार रुपये का इनाम रखा है और इस बार जो कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया ठा देखना वहां पर आसानी के साथ एक रन के लिए निकल पड़े हैं रिद्धि सिद्धि बंगलोज चिराग सिंह राठौड़ पाँच हज़ार रुपया धर्मपुर राजपूत समाज जिनकी ओर से पच्चीस सौ रुपया रत्न सिंह रावत ग्यारह सौ रुपया योगेश सिंह सोलंकी बुटसर दो हजार रुपया कालूभाई आहिर बड़ियादेव रेसिडेंसी कोचवाड़ा पच्चीस सौ रुपया डी ठाकुर मल्ला पंद्रह सौ रुपया बिरजू भाई कॉन्ट्रैक्टर ग्यारह ग्यारह और विजय सिंह ठाकुर नवेरा 2100 रुपया इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा विकेट कीपर जिन्होंने कोई गलती नहीं की लगने वाला यह दूसरा झटका प्रीतेश गोहिल आउट होकर पेवेलियन बीस के योग पर लगने वाला यह दूसरा झटका नए बल्लेबाज के रूप में मयूर राठौड़ एक बहुत ही खूबसूरत ऑलराउंडर माने जाते हैं पिछली मैच में मैन ऑफ द मैच का किताब भी पाया था बहुत ही खूबसूरत इनफॉर्म बल्लेबाज और एक मजबूत ऑलराउंडर माने जाते हैं आइकॉनिक प्लेयर पारी का ये तीसरा वो जारी है स्कोर है बीस रन पहली गेंद हल्की सी उछाल लेटी हुई फिलिंग एक रन के साथ यहाँ पर मयूर जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी वन लगातार तीन गेंदों के ऊपर तीन सिक्सर लगाने के ऊपर सौरभ ठाकुर की ओर से पांच हजार रुपये का इनाम रखा है ये इनाम सिर्फ जटिन डोरिया के ऊपर है और इस बार जो कि हल्के हाटो से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी तैनात पहला रन काफी तेजी से एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी टू बाईस रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह तीसरा ओवर जारी इकतीस गेंदों के ऊपर छत्तीस रनों की जरूरत और इस बार अगेन हवा में देखना वहां पर खूबसूरत कैच वहां पर सैलिन दरबार बड़ी सफलता મયૂર રાઠોડ આઉટો કરાવિયન तीन ओवर की समाप्ति स्कोर है बाईस रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले तीस गेंदों के ऊपर छत्तीस रन फील्डिंग टीम के कप्तान शैलिन दरबान से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द जल मैच की शुरुआत की जाए स्कोर है बाईस गेंदों बाईस रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर छत्तीस रन जैनिश ठाकुर अपने पहले ओवर में सोलह रन खर्च किए थे एक सफलता जरूर हाथ लगी थी लेकिन पहली गेंद हल्की सी इन स्विंग गेंदबाजी कराने की कोशिश है कट स्ट्रोक खेल दिया है गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर अंपायर का इशारा चार रन जटिन के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका स्कोर है ट्वेंटी सिक्स रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी है टेनाट वहां पर सिर्फ एक रन सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर बढ़ता हुआ ट्वेंटी सेवन रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर का यह चौथा और जारी 28 गेंदों के ऊपर ही कंटीशन और आ, नो बॉल का इशारा हुआ है नो बॉल का इशारा नो no बॉल का इशारा हुआ है अंपायर का जो भी फैसला रहेगा वो आखिरी माना जाएगा प्लीज कुछ भी बहस न किया जाए जो भी फैसला रहेगा वो आखिरी माना जाएगा अंपायरों से गुजारिश है खिलाड़ियों से निवेदन है कि कोई भी बहस न किया जाए अब फ्री हिट फ्री हिट का इशारा हो चुका है और इस बार जो कि डाउन टे ग्राउंड खेला है पहला रन काफी तेजी से दरबार है फील्डर सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए स्कोर बढ़ता हुआ टीस थर्टी सत्ताईस गेंदों के ऊपर अट्ठाईस रन इस बार खूबसूरत खूबसूरत स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा पार अंपायर का इशारा चार रन पल्लू स्ट्रोक खेला था बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है और इस बार पॉइंट की दिशा में खेल दिया है खिलाड़ी देना है प्रयास अच्छा किया था लेकिन गेंद पहले बाउंस के बाद इसी बारे का पार खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर है थर्टी एट रन अब पच्चीस गेंदों के ऊपर बीस रन इस बीच यहां पर ओवर की समाप्ति हुई ऊपर की समाप्ति हुई चार ओवर की समाप्ति स्कोर है थर्टी एट रन आने वाली चौबीस गेंदों के ऊपर बीस रनों की जरूरत चौबीस गेंदों के ऊपर बीस रनों की जरूरत है दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए झील सोलंकी और इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास देख रहे वहां पर है दीपक ठाकुर की दिशा में खिलाड़ी तैनात है एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी नाइन तेईस गेंदों के ऊपर उन्नीस रन काफी अच्छी बल्लेबाजी मानी जाएगी यहां पर वीरेन दरबार और जटिन डोरिया के बीच में और इस बार गेंद हवा में खुद गेंदबाज जिन्होंने कोई गलती नहीं की कोई जरूरत नहीं थी वहां पर एक बड़ा झटका यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में जनक सिंह रावत इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए चापल दरा विभाग राजपूत समाज की ओर से पच्चीस सौ रुपया इस टूर्नामेंट को मिले हैं इस बार हल्के हाथों से खेला है काफी अच्छी गेंदबाजी हल्का सा फंबल जरूर हुआ था एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इन एक रन के साथ यहां पर जनक राउट जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की स्कोर बढ़ता हुआ चालीस रन इक्कीस गेंदों के ऊपर अठारह रन बारह डिशा से बटके वाइड करार वाइड करार अटीरिक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ फोर्टी वन रन और इस बार वहां पर गेंद ने लंबाई कितनी है यस यहां पर अनाडर मैक्सिमम जटिन के बल्ले से निकलने वाला ये पहला मैक्सिमम डाटाओं की शैली में एक और नाम राजेश सिंह चावड़ा मेट्रो सेल्स धर्मपुर जिनकी ओर से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए पच्चीस रुपया मिले हैं थैंक यू वेरी मच सर डीवीएस लालू से गुजारिश है कि आपने कुछ इनाम रखा था प्लीज वो जमा करवाए एक हजार रुपया जटिन के लिए अभी भी इनाम जारी है हैट्रिक सिक्सर पांच हजार रुपए का इनाम है सौरभ ठाकुर उर्फ पहला छक्का जड़ चुके हैं अंपायरों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द जल मैच की शुरुआत की जाए बीस गेंदों के ऊपर ग्यारह रन खूबसूरत वापसी वहां पर काफी अच्छी वापसी करने की कोशिश है झील के द्वारा 19 गेंदों के ऊपर 11 रन 19 गेंदों के ऊपर 11 रनों की जरूरत एक बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे पहला रन काफी तेजी से एक रनों के साथ ओवर की समाप्ति हुई पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है स्कोर है फोर्टी एट रन आने वाली अथरा गेंडो के ऊपर दस रन अथरा गेंदों के ऊपर दस रनों की जरूरत गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी का भार आकाश परमार आए हैं गेंदबाजी करने के, के लिए हाँ खूबसूरत गेंदबाजी खूबसूरत गेंदबाजी जटिन के लिए इनाम रखा है एक और इनाम अगर सिक्सर के साथ मैच फिनिश करते हैं तो एक हजार एक रुपए का इनाम सौरभ ठाकुर की ओर से हाँ खूबसूरत गेंदबाजी खूबसूरत गेंदबाजी लगातार दो भिंडी गेंदे सोलह गेंदों के ऊपर दस रन चूला गेंडो के ऊपर डस्ट रनों की जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए हा इस बार क्या हमें सैलिन दरबार नहीं बख्सेंगे बड़ी सफलता पंद्रह गेंदों के ऊपर डस्टरन पंद्रह गेंदों के ऊपर है दस रनों की जरूरत अभी भी ये मुकाबला जीत के लिए पांच झटके लग चुके हैं और इस बार क्लीन बोल क्लीन बोल लगने वाला ये छठा झटका यस आउट होकर पेवलियन नए बल्लेबाज के रूप में दरबार चौदह गेंदों के ऊपर दर्शन परमार जो कि बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं चार गेंद की है दो बिंडी गेंदे और दो सफलता, मतलब ये गेंद गोल्डन गेंद अपने हैट्रिक की ओर योगेन्द्र दरबार जो कि एक बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर और मैच फिनिशर खिलाड़ी है और इस बार गेंद हवा में क्या ये है खूबसूरत कैच खूबसूरत कैच वहां पर ये दूसरे गेंदबाज इस टूर्नामेंट के साठ झटके लग चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में विशाल सिंह इस बार हल्का से खेल दिया है देखना वहां पर खिलाड़ी तैनात रन की कोई गुंजाइश नहीं मेडन हैट्रिक मेडन हैट्रिक आकाश परमार बारह गेंदों के ऊपर बारह गेंदों के ऊपर है दस रन जबकि साठ झटके लग चुके हैं अंपायरों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द जल मैच की शुरुआत की जाए झील सोलंकी बारह गेंदों के ऊपर डस्ट रन काफी रोमांचित तो मुकाबला यहाँ पर है बार हाथों से खेला है बॉलर ने अपने फॉलो ट्रू में फील्ड की रन की कोई गुंजाइश नहीं हर बिंदी गेंद के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर एक मानसिक दबाव रहेगा ग्यारह गेंद दस रन बाहर है हल्के हाटो से डाउन ट ग्राउंड खेला है देखना वहां पर पहला रन काफी तेजी से सिर्फ सिंगल सिर्फ सिंगल स्कोर बढ़ता हुआ 49 नाइन दस गेन नौ रन दस गेंदों के ऊपर नौ रनों की जरूरत हाँ इस बार गें हाउ में क्या ये फील्डर यस यहां पर लगने वाला ये आठवां झटका विशाल सिंह आउट होकर पेवेलियन गेंद रन, जबकि आठ झटके लग चुके हैं अब नए बल्लेबाज के रूप में जैक डिशाई जयमल डेसाई जिनका पेट नेम है जैक डिशाई हाँ काफी अच्छी गेंदबाजी हल्की सी नीची रहती हुई काफी अच्छी गेंदबाजी आठ गेंदों के ऊपर नौ रन और इस बार जो कि डाउन टू ग्राउंड खेला है देखना वहां पर की दिशा में खिलाड़ी तैनात है सिर्फ सिंगल एक रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पचास चेयर 50 साठ गेंद आठ रन साठ गेंद और आठ रन एक बार फिर से हल्का टो से खेल दिया है देखना वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात पहला रन काफी तेजी से स्ट्राइक अपने पास है रखने की कोशिश करेंगे वहां पर समाप्ति हुई गेंदों के ऊपर सात रन गेंदों के ऊपर सात रनों की जरूरत छह गेंदों के ऊपर सात रनों की जरूरत पारी का आखिरी ओवर क्या आकाश परमार करेंगे पहला ओवर मेडन डाला था मेडन ने हैट्रिक विकेट लिया था छह गेंदों के ऊपर सात रन काफी रोमांचित मुकाबला यहां पर आर और जीट के बीच में जनक सिंह खड़े हैं वो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं और इस बार सैलेंडर बार कोई गलती नहीं करेंगे नवा झटका पांच गेंदों के ऊपर सात रन आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर जेसल देसाई और जैक देसाई इस बार द ग्राउंड खेला है देखना वहां पर दिशा में खिलाड़ी थे चार गेंद और छरन एक बड़े हिट की जरूरत और इस बार एज जरूर लगा था देखना वहां पर गेंद ने काटा बदला एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 थ्री तीन गेंद पांच रन तीन गेंदों के ऊपर पांच रन क्या एक बार फिर से सुपर ओवर देखने को मिल सकता है कल एक सुपर ओवर हुआ था और तरह क्लीन बोल क्लीन बोल ये मुकाबला यहां पर सीवियां इलेवन जिन्होंने चार रनों से यह मुकाबला जीत लिया आकाश परमार दस गेंदे की है एक मिडन ओवर दो रन और पांच विकेट तारीफ काबिल गेंदबाजी इस मैच के मैन ऑफ द मैच आकाश परमार आकाश परमार इज अ मैन ऑफ द मैच